चलिए सर, चैरिटेबल ट्रस्ट पे हम लोग पेज नंबर 7.1 वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर। ये चैप्टर किसी भी टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, राइट। आपको सिर्फ अगर टैक्स रेट निकालना आता है स्लैब रेट से, बस उतनी सी नॉलेज चाहिए, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कोई और चैप्टर की नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको डिटेल नॉलेज चाहिए कैपिटल गेन की या पीजीबीपी की या कोई भी चैप्टर की। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन से कोई मतलब नहीं, इसको असेसमेंट प्रोसीड्योर वाला चैप्टर जो आपका वॉल्यूम 5 उससे भी कोई मतलब नहीं, स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं एबीसी एनालिसिस की, एबीसी एनालिसिस में ये ए है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम नाइट में आपको ये टॉपिक देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि आए ही आए 5 से 8 मार्क्स का, ठीक। मेरे सामने 12th edition की बुक है, 12th edition की बुक असेसमेंट ईयर 22-23 जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आप नोट्स डाउनलोड कर लो, वॉल्यूम 1 12th edition CMA फाइनल, राइट। आपको जो भी नोट्स यहां रेफर कर रहे हैं वो नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लो। थोड़ा सा ध्यान रखना, आप CMA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन 1023C और या फिर सेक्शन 115 TDTETF, इसका काफी बोलबाला है सोशल मीडिया पे, और काफी सारे टीचर फाइनल लेवल पे इसको रिकमेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स, एग्जाम नाइट का टॉपिक, एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी। लेकिन ध्यान रखना ये सीए फाइनल के सिलेबस में है, सीएमए के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीए फाइनल में इस एरिए से जहां पर बोला जाता है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी कुछ टैक्सेबिलिटी है, उसका कुछ बैलेंस शीट को देखने के बाद उसकी कुछ टैक्सेबिलिटी है, वो आपको तैयार नहीं करनी है। इस क्लास में वो कवर नहीं किया जा रहा है, एक्रिएटेड इनकम ऑफ सर्टेन ट्रस्ट, बेसिकली ये टॉपिक कवर नहीं किया जा रहा है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको परेशान नहीं होना है कि सर ने तो ये टॉपिक कराया नहीं। मैं ये वीडियो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस कारण से मैं ये टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूं अपनी क्लास में जो सिलेबस में नहीं है, डिस्क्लेमर। नाउ सर, जो रेफरेंस में है क्या है, 12th edition की बुक है, असेसमेंट ईयर 22-23 फाइनेंस एक्ट 2021। अगर मान लो आप वो बच्चे हैं यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप एग्जाम देंगे जून 2023 में या दिसंबर 2023 में, तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की वो अलग से देख लेना तो काम बन जाएगा इस चैप्टर का, ठीक। 5 to 8 मार्क्स का ये टॉपिक है, एग्जाम नाइट ए एनालिसिस एबीसी में ए कैटेगरी का टॉपिक है, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट। कभी कभी एग्जाम में आता है चैप्टर 3 का क्या बेनिफिट है ट्रस्ट को, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप आज क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन 11 के बारे में, सेक्शन 12 के बारे में, सेक्शन 13 के बारे में, वो बेसिकली चैप्टर 3 में ही है। सर, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट बेसिकली एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहें तो एनजीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप काफी बार सुनते हैं कि इस एनजीओ ने ये काम किया, इस एनजीओ ने वो काम किया। कुछ एनजीओ है जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, कुछ एनजीओ है जो हिस्टोरिकल चीजों पे काम करते हैं, कुछ एनजीओ है जो एनिमल्स पे काम करते हैं, वाटर बॉडीज पे काम करते हैं, फॉरेस्ट पे काम करते हैं। तो समझिए कि वो हर तरह के एनजीओ क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है आज की क्लास के लिए। जो भी आप सुनते हैं, आप अकाउंटिंग करते हैं नॉन प्रॉफिट एनपीओ अकाउंटिंग, समझो कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ही कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि एक एनजीओ को इनकम टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन लेने के लिए इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मान लो आप समाज सेवा यानी एक एनजीओ चला रहे हैं, लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उस फंड को पब्लिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स बेनिफिट हो सकता है ना मिले। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अपने घर कुछ नहीं ले जा रहे, और आप अपने गली मोहल्ले में और अपने एरिया में फेमस भी हैं कि भाई समाज सेवा कोई उनकी जैसे करे, और लोग आपको डोनेशन भी ला के देते हैं कि भाई कर लो जितनी सेवा करनी है लोगों की, यू आर वेरी फेमस इन योर एरिया, बट हो सकता है आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट ना मिले। इनकम टैक्स का बेनिफिट मिले मतलब आपको इनकम टैक्स में एप्लीकेशन देके रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इनकम टैक्स में बेनिफिट के लिए। सेक्शन 11 और 12 के दो बेनिफिट्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जो 5 से 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, अगले 2 घंटे में हम लोग क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। आप मेरी इस क्लास को देख लो,
मान लो ये क्लास दो पार्ट में आती है या एक ही पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूं, अगर मान लो इस क्लास को मैं दो पार्ट में कंप्लीट करता हूं तो दोनों पार्ट यूट्यूब पे आएगा, ध्यान रखना है, घबराना नहीं है कि सर इसका सेकंड पार्ट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे रहो, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा पार्ट भी रहेगा इसका, अगर ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होता है तो। बट फर्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपका तैयार करा दूंगा जो एग्जाम में आता है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना सेकंड पार्ट भी देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम वन 12th एडिशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है टीडीएस के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि टीडीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, टीडीएस के साथ ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक। बाकी आप ना क्लबिंग और सेटअप पे बहुत कम टाइम दीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम पे या शुरू में जो टैक्स कॉम्प्यूटेशन वाली बात है, जैसे कंपनी का जो टैक्सेशन है 115BAA 115BAB या फिर वहां पे रॉयल्टी का टैक्स बताया था 10%, फिर वहां कार्बन क्रेडिट बताया था 10%, उस पर थोड़ा अच्छा टाइम दीजिएगा। उसके बाद है ना सीधा आ जाएगा इन सब टॉपिक पे, 10AA डिडक्शन ट्रस्ट और टीडीएस, कम से कम टाइम दीजिएगा क्लबिंग और सेट ऑफ में, ठीक। ये थोड़ा सा आप इस तरीके से बैलेंस करके चलोगे तो आपका वॉल्यूम वन बहुत जल्दी निपट जाएगा, वॉल्यूम वन में टेंशन नहीं है। सर चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट है, इसके साथ रिलीजियस ट्रस्ट भी, लेकिन क्लास में मैक्सिमम बात चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट ही हमारे जवाब पे रहेगा, आपके जवाब पे रहेगा, एग्जाम के क्वेश्चन में भी रहेगा। लेकिन एग्जाम में अगर मान लो चैरिटेबल के जगह रिलीजियस आ जाए तो घबराना नहीं, जो क्लास में सीख रहे हो वही ट्रीटमेंट कर देना। एक दो जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है रिलीजियस ट्रस्ट को, वो मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा ही, ठीक। एनजीओ एनपीओ सब यही है, खाली क्या है इनकम टैक्स का बेनिफिट। अब ट्रस्ट को क्या इनकम टैक्स में बेनिफिट है? हाँ, चैप्टर 3 सेक्शन 11 और 12 में बेनिफिट है। बोलो 13 क्या है? 13 कंडीशन देता है, रेस्ट्रिक्शन देता है। ये जो सेक्शन 13 है ये कंडीशन देता है, रेस्ट्रिक्शन देता है कि कब हम आपका, मतलब क्या क्या आपको नहीं करना है, जिसके कारण हो सकता है हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, अप्रूवल कैंसिल कर दें। सेक्शन 13 बहुत सारे कंडीशन डालता है सब्जेक्ट टू विच यू आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11-12। अच्छा, 11-12 में भी अपने कंडीशन हैं जिसके कारण आपको बेनिफिट मिलता है। 11 के कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन सेक्शन 12 में है, 13 तो बदनाम है। 13 में फंसे मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है। तो कहता है चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, फाइनेंस एक्ट 2022 अभी क्लास में कवर नहीं हो रहा है। जिन बच्चों का एग्जाम जून दिसंबर 2023 में है वो अलग से अमेंडमेंट वीडियो के साथ कवर कर लेना, पहले विदाउट फाइनेंस एक्ट 2022 कवर करा रहा हूं, ठीक। 12th एडिशन जिन बच्चों के पास है, आप सही क्लास में है, 12th एडिशन की बुक फाइनेंस एक्ट 2021 असेसमेंट ईयर 22-23। बेसिकली ये जो आपका 12th एडिशन है किन बच्चों के लिए था, किन बच्चों के लिए है, जून और दिसंबर 2022। अब दिसंबर 2022 का एग्जाम कब हो रहा है, जनवरी 2023, तो उसके लिए ये सुटेबल क्लासेस है। यूट्यूब पे थोड़ा लेट से आ रही है। कहता है देर आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो सेक्शन 11 और 12 के लिए क्या है, एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है। बोला सर आपने एग्जम्पशन का सेक्शन तो 10 बताया था, यहां तो आप 11 और 12 लिख रहे हैं, 11 12 भी एग्जम्पशन का सेक्शन है। हाँ, ये चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है, इसीलिए इसकी जनरल बातें क्लास में नहीं होती है। हम लोग क्या बात करते हैं, एग्जम्पशन मतलब सेक्शन 10, लेकिन नहीं, सेक्शन 10 के अलावा वी हैव एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑल्सो, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 12 ऑल्सो, बट दीज एग्जम्पशन आर स्पेशली फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। सर इसी क्लास में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करेंगे जिसके लिए एग्जम्पशन है सेक्शन 13A का, हम इलेक्टोरल ट्रस्ट की भी बात करेंगे जिसके लिए बेनिफिट है 13B का, लास्ट में दो तीन पेज उसकी भी बात करेंगे, वही आज ना हो पाए शायद इस क्लास में। जनरली अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स में, अगर जनरली जो ट्रस्ट है एनजीओ समाज सेवा के लिए जो है पब्लिक बेनिफिट्स के लिए जो बना है, अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है रिकॉग्नाइज है तो ही इसको बेनिफिट मिलेगा, बाकी आप समाज सेवा कितनी करते रहो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने लोगों से 1 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा किया और गरीबों पे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, चलो 10 लाख आपने डोनेशन में 10 लाख रुपया लिया और गरीबों पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, हो सकता है आपको टैक्स देना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं, अप्रूव्ड नहीं। तो बोला सर क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स में रिकॉग्निशन के लिए, सेक्शन 12A में एप्लीकेशन देते हैं और रजिस्ट्रेशन मिलता था सेक्शन 12AA में, ये सेक्शन अब खत्म हो गया, 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड था। अब आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है,
अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा ध्यान रखना, पास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको हो सकता है रेफरेंस मिले 12AA का। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा हो कि तुम्हारा ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया 12AA में। सर, जो ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हो गया, उनको भी कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी 12AB में, जो मैं आगे बताऊंगा। एक ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 31 मार्च 2021 और उसके पहले, क्या उसको भी कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी है 12AB में? यस, उसको भी फॉर्मेलिटीज निभानी है। तो एग्जाम में हो सकता है ये लिखा हो कि तुम्हारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA में, रहने देना, ठीक है। और या फिर हो सकता है लिखा हो 12AB में। आज के दिन अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तो कौन से सेक्शन में दूंगा? सेक्शन 12A में दूंगा, ठीक। सेक्शन 12A यहां पे मैं जो एप्लीकेशन दूंगा वो 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 1/4/2021 ऑनवर्ड्स। तो आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है? 2021-22 ही तो है आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है? 2021-22। सर, 2021-22 ऑनवर्ड्स, 1/4/2021 ऑनवर्ड्स आपको एप्लीकेशन जो देना है वो सेक्शन 12A में ही देना। पहले भी 12A में ही देते थे, लेकिन अब 12A के सबसेक्शन 1 के अंदर एक नया क्लॉज आ गया है AC, जिसके अंदर एप्लीकेशन देते हैं। अभी आगे बताऊंगा AC की बात। और आपको जो रजिस्ट्रेशन इशू होंगे वो मिलेंगे किसमें? 12AB में। थियोरेटिकली हमें 12AB भी पढ़ना है, हमें थ्योरेटिकली 12A1AC भी पढ़ना है। बहुत सारे पॉइंट हैं, कहीं पे 3 महीने की बात है, कहीं पे 1 महीने की बात है, कहीं पे 6 महीने की बात है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक बार अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाए तो वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है, अप्रूव्ड होता है, रिकॉग्नाइज होता है? ऐसा नहीं है। अब जो नई अमेंडमेंट्स हैं, ये 12AB वाली, ये कहता है कोई भी ट्रस्ट को जो हम रजिस्टर्ड करेंगे वो परपेचुइटी, परमानेंट नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, ट्रस्ट वंस रजिस्टर्ड इज ऑलवेज रजिस्टर्ड अनलेस इट इज कैंसल्ड। एक ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो हमेशा लाइफ टाइम जब तक ट्रस्ट चल रहा है तब तक रजिस्टर्ड होगा, अनलेस कि उसका अप्रूवल किसी कॉन्ट्रावेंशन के कारण हमने कैंसिल ना कर दिया। लेकिन अब नहीं है। अब जैसे आप और हम मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो वैलिडिटी 5 साल की ही है। तो एग्जाम में ना MCQ आता है इस पे कि एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड जो होता है वो परपेचुटी के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए, या लिमिटेड पीरियड के लिए? लिमिटेड पीरियड 5 ईयर्स। तो इन छोटी छोटी बातों का एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्लास में इन छोटी छोटी बातों को मैं हाईलाइट करवा दूंगा, MCQ लिख दूंगा, बस समझो कि जो मैं लिखा और उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बार मेरी ये क्लास अटेंड कर लो, नॉर्मल स्पीड से कोशिश करना क्लास अटेंड करने की, जल्दबाजी में 150 और 175 की स्पीड में मत करना, 125 तक जाना। उसके अलावा जो क्लास में नोटिंग कराऊंगा उसको एक बार और देख लेना, बस याद करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल ये 30 पेज के नोट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, 30 पेज में व्हाइट पेज हटा दो तो बचते हैं 20 पेज, और याद करने का इसमें से मात्र 1 या 2 पेज है जहां मैं बोलूंगा ये 4 पॉइंट याद कर लेना है, ये 4 पॉइंट याद कर लेना है। मतलब इफेक्टिवली अगर मैं आज के चैप्टर में बताऊं कि कहां कहां तुमको क्या क्या याद करना है, तो वो 1 पेज से ज्यादा कंटेंट नहीं है। बाकी सारा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उतार दूंगा, और काफी जगह तो मैं रीडिंग पर्पस मतलब जो अभी समझाने के लिए था उसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। सर, तो ये एक सेक्शन की बात है। 12A में एप्लीकेशन देंगे, पहले रजिस्ट्रेशन मिलता था 12AA में, वो सेक्शन अब बंद हो चुका। अब चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है 12AB में, लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, वैलिडिटी 5 साल होती है। सर, आपने हमें चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बताया था कि 80G का डिडक्शन भी मिलता है। हाँ, यही चैरिटेबल ट्रस्ट को सेपरेट अप्रूवल लेना पड़ता है 80G में। एक जब चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, मान लो आपका कोई क्लाइंट है जिस पर आप काम कर रहे हो और वो बोलता है, जैसे मैं मान लो मुझे एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करना है, मुझे एक NGO स्टार्ट करना है, तो उसकी अकाउंटिंग, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, शुरू में जो उसका ट्रस्ट डीड बनता है, बायलॉज बनते हैं, फिर इनकम टैक्स के अप्रूवल्स सेक्शन 11 और 12 वाले एग्जम्पशन के लिए, उसके बाद 80G के बेनिफिट के लिए सर्टिफिकेशन वर्क। सर, इन सब में पूरे काम का प्रोफेशनल फी 2 लाख से लेकर 3 लाख लग जाता है फर्स्ट ईयर में।
अगर मैं अपना ट्रस्ट बनवाने जाऊं या कोई क्लाइंट मेरे पास आए, मान लो कोई स्कूल आता है मेरे पास, बोलता है सर हम स्कूल को ट्रस्ट फॉर्म में चलाना चाहते हैं, बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आइए ना सर, आइए हम सारा काम करके देंगे। हम आपको इनकम टैक्स में 12AV का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिलवा के देंगे, इनकम टैक्स में 80G का भी सर्टिफिकेट दिलवा के देंगे, ताकि आप लोगों से जब डोनेशन ले तो लोगों को 80G का बेनिफिट मिले। 80G डिडक्शन की क्लास, जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो हमें 80G का बेनिफिट मिलता है ना। लेकिन वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होनी चाहिए? अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब अप्रूव्ड किस सेक्शन में? सर 80G का सेपरेट अप्रूवल मिलता है। इन सभी कामों का ना फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग भी करना है, फर्स्ट ईयर में ऑडिट भी करना है, और फर्स्ट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट अप्रूवल्स भी डलवाने हैं, डिड बनाना है, बायलॉज बनाना है, इन सब के ना सर 2 से 3 लाख रुपए की प्रोफेशनल फी हो जाती है। किसी ऑफिस में अगर ट्रस्ट पे काम सीखने का मौका मिले तो सीख लेना, मना मत करना। मान लो किसी ऑफिस में गए आप और वो बोले जी हमारे यहाँ ट्रस्ट पे काम होता है काफी सारा, ट्रस्ट के काम सीखने को मिलेंगे आपको, झटपट ज्वाइन कर लेना, भले तुम 6 महीने में उस ऑफिस को छोड़ देना, लेकिन ये काम सीखना जरूरी है अगर तुम फ्यूचर में प्रैक्टिस में जा रहे हो तो। 100 में से 1 या 2 लोगों को, अगर 100 प्रैक्टिस में प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, 100 में बोल रहा हूं, 100 में से 1 को नॉलेज होती है ट्रस्ट की अकाउंटिंग, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट के अप्रूवल, ट्रस्ट के कंप्लायंस, 1। मार्केट में बहुत डिमांड होती है उन प्रोफेशनल्स की जिनको ट्रस्ट से रिलेटेड प्रोफेशनल वर्क करने आते हैं। फीस देख लो कितनी है। तो ये हो गई फीस वाली बात। अब पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। सर ट्रस्ट को एग्जम्पशन मिलने के बाद भी अगर कोई टैक्सेबल इनकम बची तो स्लैब रेट से टैक्स करना, जो रेट इंडिविजुअल का है जिसमें 2.5 लाख रुपए तक उसको टैक्स नहीं लगता है। सर रिबेट नहीं देते हैं, रिबेट तो इंडिविजुअल को देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम ट्रस्ट की क्लास में हो, चैरिटेबल ट्रस्ट को काफी सारी इनकम होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 11 और 12 में क्या क्या एग्जम्पशन मिलता है। देने के बाद अगर कोई टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स किस रेट से निकालेंगे? सर स्लैब रेट से निकालेंगे। जो आप स्लैब रेट पढ़ते हो, सरचार्ज पढ़ते हो, सेस पढ़ते हो, वही लगाना, खाली रिबेट मत देना, क्योंकि रिबेट इंडिविजुअल को मिलता है। हम इंडिविजुअल वाला टैक्स रेट यहां लगाएंगे, ट्रस्ट इंडिविजुअल तो नहीं ना जो आप रिबेट देंगे। लेकिन एक जगह मैं आपको बताऊंगा, पेज नंबर 7.2425 में अननमस डोनेशन, ऐसा डोनेशन जहां पे डोनर ने अपना नाम नहीं बताया, अपना एड्रेस नहीं बताया, गुप्त दान। एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर डोनर से डोनेशन लेती है जहां पर वो डोनर का डिटेल मेंटेन नहीं करती है कि ये डोनर कौन था, उसका पैन नंबर क्या, उसका एड्रेस क्या है, तो फिर उसको कहते हैं अननमस डोनेशन, जहां पर उसने उसका नाम छुपा लिया। क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को 20 लाख रुपए के डोनेशन में से 5 लाख रुपए का डोनेशन अननमस डोनेशन है, या फिर ऐसे लिखा होगा 5 लाख रुपए का डोनेशन में डोनर का नाम नहीं मालूम है, तो उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 11-12 का, और सीधा सीधा टैक्स रेट है 30% का। एक छोटा सा एग्जम्पशन है 1 लाख रुपए और 5% ऑफ टोटल डोनेशन, इस पे एग्जम्पशन मिलेगा, उसके बाद 30% का टैक्स लग जाएगा। ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ से, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प लेके मैं बताऊंगा आपको, यानी एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसकी तैयारी के लिए आपको पेज नंबर 24 और 25 की भी तैयारी करनी पड़ेगी, अननमस डोनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 30% का, कैसे वो बेनिफिट देते हैं 5% और 1 लाख का। मैं अभी हिंट दे रहा हूं, पहले 15 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हुए, 15-20 मिनट हुआ है, मैं तुमको ये हिंट देना चाह रहा हूं कि एग्जाम का जो ट्रस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से करने के लिए तुमको इसकी टैक्सेबिलिटी और इसकी प्रेजेंटेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो हम पेज नंबर 24-25 पे पहुंचेंगे तभी मिलेगी, इसलिए उसका वेट करना है। ठीक, तो प्रैक्टिकल लेवल 2 पार्ट में होगा, दूसरा पार्ट जब हम इस पेज पर पहुंचेंगे तब कंप्लीट होगा। अभी आपके सामने रख दिया मैंने कि ट्रस्ट पेज जनरली स्लैब रेट्स हैं, एग्जम्पशन लेने के बाद अगर उसको कोई टैक्सेबल इनकम होती है एग्जम्पशन नहीं मिल पाता है। हर ट्रस्ट को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, हर चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ, मान लो तुमने अपने मोहल्ले में किसी एनजीओ को डोनेशन दे दिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 80G का तुमको डिडक्शन मिल जाए, पढ़ते ना क्लास में कि अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो 80G का डिडक्शन मिलता है। सर पहले ये देखना होगा कि सामने वाला ट्रस्ट 80G में अप्रूव्ड है या नहीं, वो मैंने यहां पे लिख दिया। सर हर चैरिटेबल ट्रस्ट
हर एनजीओ, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होगी ऐसा जरूरी नहीं, देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज, रजिस्टर्ड है या नहीं। सर, सेक्शन 11-12 का बेनिफिट लेने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, और जो लोग उन्हें डोनेशन देंगे उनको जो 80G का बेनिफिट मिले तो उसके लिए अलग कंप्लायंस है प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक, एग्जाम में हो सकता है ये लिखा रहे कि चैरिटेबल ट्रस्ट इज एलिजिबल फॉर चैप्टर 3 बेनिफिट्स, मतलब सेक्शन 11-12 बेनिफिट्स, मतलब दे आर अप्रूव्ड, दे आर रिकॉग्नाइज, दे आर रजिस्टर्ड। 12A का एप्लीकेशन मिला है उसको, गया है उसके पास से, और उसको 12AA या AB का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके पास। ठीक, लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन अब नहीं मिलता, 5 साल तक वैलिड होता है, आगे डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। टैक्सेबल इनकम है एग्जम्पशन लेने के बाद तो स्लैब रेट लगाएंगे, लेकिन कुछ इनकम होती है जहां पर डोनर का नाम नहीं बताया जाता है एनोनिमस डोनेशन, वहां 30% का टैक्स का रेट का कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट वहां नहीं देते, एक छोटा सा बेनिफिट देते हैं 5% और 1 लाख का, विच एवरेज हायर, हम बात कर लेंगे इसका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। सर ट्रस्ट है क्या, सर ट्रस्ट है क्या, इस चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। सर एक ट्रस्ट है जो जिसको ट्रस्ट को काफी सारी इनकम आती है, ट्रस्ट को ट्रस्ट की ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को चलाने वाले लोग होंगे ट्रस्टी। बोले सर ट्रस्ट बना कैसे, तो एक कोई बड़ा महात्मा आदमी होगा डोनर, है ना, विप्रो के मालिक, इन्फोसिस के मालिक, रिलायंस के मालिक, एयरटेल के मालिक, भारती मित्तल, अडानी ग्रुप के मालिक, कोई एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला आदमी होगा, जैसे HCL ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, इन्फोसिस ग्रुप, विप्रो ग्रुप, टाटा ग्रुप, जिन्होंने 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो जो अपनी प्रॉपर्टी बोलता भी, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी पे मेरे घर वालों का भी हक नहीं है, मैं इसे डोनेट कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ सोशल रीजन, फॉर द पर्पस ऑफ सोशल कॉज, फॉर द पर्पस ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ पुअर पीपल, ये आगे अब पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज होगी। सबके एनजीओ है, मैंने अभी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम लिए सबके एनजीओ है, रिलायंस फाउंडेशन है, भारती फाउंडेशन है, HCL का शिवनादर फाउंडेशन है, अजीज प्रेम जी का अपना चैरिटेबल काम चलता है, इन्फोसिस के मालिक का अपना चैरिटेबल का काम चलता है, अडानी ग्रुप का अपना चैरिटेबल का काम चलता है। सर चैरिटी तो करनी ही पड़ती है, भले उसमें टैक्स प्लानिंग क्यों ना कर ले, टैक्स इवेजन क्यों ना कर ले, वो सब भी बताऊंगा और बताता ही रहता हूं क्लास के अंदर। ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी भी लोग करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, इसीलिए इसमें इतने सारे कंप्लायंस अब बढ़ गए हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के जगह 5 साल की वैलिडिटी दी जाती है, क्योंकि लोग ट्रस्ट की हेल्प से काफी सारी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, काफी सारे जो पब्लिक मनी है उसको प्राइवेट में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम उसमें नहीं जा रहे, हम तो अभी वो पढ़ रहे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, इसका मिसयूज कैसे करता है वो एक अलग हिस्सा है, वो जब तुम प्रैक्टिकली कहीं काम सीखोगे तो देखोगे इसका मिसयूज। लेकिन क्या होता है, ऑथर यानी ये बहुत बड़ा डोनर है जिसने इस ट्रस्ट को स्टार्ट किया है, और मे बी शायद वो या उसके घर वाले ही ट्रस्टी होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फाउंडेशन की ट्रस्टी की बात करें तो उसमें मुकेश अंबानी की वाइफ ट्रस्टी होंगी। लेकिन क्या है, अब जो वो ट्रस्ट, मान लो ऑथर जिसने बहुत बड़ा डोनेशन दिया 100-200 करोड़ का, वो बन जाता है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, और ट्रस्ट डीड की हेल्प से वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भेज देता है, अब तो वो बन जाती है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से फ्यूचर में इनकम आएगी, और इस ट्रस्ट को लोग डोनेशन भी देंगे। अब भैया आज तुम्हारे पास मान लो रिलायंस फाउंडेशन से कॉल आए कि मुझे आपसे 100 रुपए का डोनेशन चाहिए, गरीबों की सेवा करनी है, तो तुम दोगे नहीं। तो क्या होता है, ट्रस्ट को मैनेज करने वाले लोग होते हैं ट्रस्टीज। ठीक, अब वो ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम, ट्रस्ट के डोनेशन, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी आगे पब्लिक एट लार्ज पे यूज होती है, बेनिफिशियरी। तो ये बेसिकली ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि एक ऑथर होता है जो ट्रस्ट को स्टार्ट करता है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डालता है। अब वो ट्रस्ट से पर्सनल बेनिफिट ना ले, इसके लिए जो वो लोग मैनेज करते हैं उनको बोला जाता है ट्रस्टी। अगेन ट्रस्टी या ऑथर को पर्सनल बेनिफिट ये ट्रस्ट नहीं पहुंचाएगा, नहीं तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपने ट्रस्ट क्रिएट किया पब्लिक बेनिफिट के लिए, लेकिन फ्यूचर में इस ट्रस्ट से होने वाली इनकम का फायदा ट्रस्टी उठा रहे हैं, इस ट्रस्ट से होने वाली इनकम का फायदा अगर जो डोनर थे वो उठा रहे हैं, तो इसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आगे पढ़ेंगे सेक्शन 12AB के अंदर, और कंडीशन लिखी हुई है सेक्शन 13 के अंदर।
भाई तुमने डोनेशन दिया, ऑथर साइड हटो, ट्रस्टी मैनेज कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल फी लो, लेकिन अब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट की इनकम गरीबों के लिए यूज होगी, पब्लिक एट लार्ज। बोला सर कभी कभी ना बेनिफिशियरी रिलेटिव ही होते हैं, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और उसको सिलेबस में है भी नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। प्राइवेट ट्रस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। प्राइवेट ट्रस्ट मतलब आपके जो बेनिफिशियरी हैं वो आप ही के रिलेटिव्स हैं, आप ही के फैमिली मेंबर्स हैं। तो लोग बनाते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट भी बनाते हैं, लेकिन हम आज प्राइवेट ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट की। पब्लिक ट्रस्ट जो चैरिटेबल पर्पस को फुलफिल करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो चैरिटेबल एक्टिविटी करे, और चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होती है वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, पेज नंबर 1 पे ही डिफाइन है, जिसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3-4 मार्क्स के लिए एग्जाम नाइट मैंने लिख दिया है। सर मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में मैं कहीं कहीं बोलूंगा थ्योरी आपको तीन चार पॉइंट याद करने हैं, एक पेज से ज्यादा नहीं दूंगा, चार पांच पॉइंट के छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखना। अगर कोई थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं फाइनल में सीएमए में, वो बन जाएंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बन के ही रहेगा। मेरी क्लास के साथ साथ रहो, ठीक, और जो क्लास नोट्स को लिखाऊंगा उसको एक बार पढ़ लेना, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। खाली अननमस डोनेशन का जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वो भी आपको देखना जरूरी है, वो आज बताऊं या अगली पार्ट में बताऊं, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए। सीएमए के स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को देखो ही देखो, सीए के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, खाली मैंने क्या बोला सीए के सिलेबस में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जो मैं नहीं करवा रहा हूं, लिखिए इसको पहले। आप अगर टेलीग्राम पे नोट्स नहीं ले पा रहे हो तो टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू वॉल्यूम 1 मांग लेना, सीएमए फाइनल डीटी वॉल्यूम 1 बोलना, सीएमए फाइनल का डीटी वॉल्यूम 1 पीडीएफ दीजिए इस नंबर पे। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, 100% क्लास अपलोड होगी, ठीक, पहला पार्ट है तो दूसरी पार्ट भी आएगी, अगर ये क्लासेस पार्ट में रिकॉर्ड हो रही है तो। टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी शेयर होगा, लिखिए इसको प्लीज, फ्रेश पेज स्टार्ट कीजिए, लिखिए डन। कुछ आइडिया लग रहा है आपको, हम सेक्शन 11 और 12 के बेनिफिट की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात 12 कैपिटल ए में करेंगे, और रजिस्ट्रेशन की पुरानी बात होती थी 12 डबल ए में, अब नई बात किस में होगी, 12 एबी में, 12 एबी में नई बात होगी। एबी की बात कहां है, पेज नंबर 7.17 पे, और ये जो नीचे मैंने एप्लीकेशन का सेक्शन लिखा है 12A1AC, ये बात हो रही है हमारी पेज नंबर 7.14 पे। एक टेबल है जो आपको काफी हेल्प करेगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं जब इस टेबल पे आऊंगा तो ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट मैं इस टेबल से करा दूंगा 7.20 में, ये एग्जाम नाइट वाला पेज है, इससे आपका सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन को लेके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वैलिडिटी को लेके, कि एप्लीकेशन कब देना है, कितने महीने में देना है, ऑर्डर कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कब तक वैलिड रहेगा, वो सारी बातें पेज नंबर 7.20 पे एक टेबल है, उसके थ्रू कवर हो जाएंगी रिलेटेड टू न्यू सेक्शन 12AB जो इफेक्टिव है आप ही के ईयर से, प्रीवियस ईयर 21-22 फ्रॉम 1/4/2021। तो यू मे एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो, फ्रॉम पेज नंबर 1417, जिसका एक प्रेजेंटेशन दे रखा है मैंने अपने नोट्स में पेज नंबर 20 पे, वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। डन, वीडियो रोक के लिखा ये सारा पॉइंट, अच्छे से लिख रहे हो, आगे बढ़े। कभी भी ट्रेनिंग पार्ट में काम सीखने का मौका मिले सीख जरूर लीजिएगा, चाहे आप फ्यूचर में जॉब ही क्यों ना करो, अपॉर्चुनिटी आई है तो गवाना नहीं है आपको, ट्रस्ट से रिलेटेड काम सीखना है, किताबी बातों से एग्जाम में पास कर जाओगे, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट के थ्रू टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, ट्रस्ट के थ्रू टैक्स इवेजन कैसे करते हैं, और ट्रस्ट फॉर्म कैसे होता है, बायलॉज कैसे बनते हैं, अप्रूवल्स कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन कैसे देते हैं, 80G के लिए क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन कंप्लायंसेस, काफी कुछ है इस ट्रस्ट के लिए, एक अलग ही पूरी किताब है ये,
जो भी है, फ्यूचर में कभी भी मौका मिले तो जरूर काम कीजिएगा। चलिए सर, डन, वीडियो रोक के लिखा। आगे बढ़े, ये मैंने यहां मार्क कर दिया है कि अनोनिमस डोनेशन भी आगे है, जो 30% पे टैक्स होता है, स्पेशल रेट है 115 BBC, इसको बेनिफिट नहीं मिलता है सेक्शन 11-12 का, डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। वीडियो रोक के लिख चुके, डन, आगे बढ़े। ये ट्रस्ट का चार्ट, ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है जो उस ट्रस्ट को मैनेज करता है, ट्रस्ट के पास ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे इनकम आती है, डायरेक्ट डोनेशन भी मिलता है। ट्रस्ट को क्रिएट करने वाला कौन है? ऑथर, जिसने खूब सारा पैसा एसेट शुरू में दिया था। ये ऑथर कोई भी हो सकता है, मुकेश अंबानी भी हो सकते हैं, अडानी भाई भी हो सकते हैं, आपके भारती मित्तल भी हो सकते हैं, आपके शिवनादर भी हो सकते हैं। बाकी हम और आप तो छोटे छोटे डोनर हैं, कभी 50,000 दे दिया, कभी 10,000 दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 500 दे दिया। आप स्टूडेंट हैं, 100 रुपया दे देना। आप लोग, हम लोग तो छोटे छोटे डोनर हैं। अब जैसे अपने सलमान खान का भी ट्रस्ट है, आपका बीइंग ह्यूमन जो एनजीओ चलता है, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान का ट्रस्ट है, एनजीओ है, वो भी इनकम टैक्स का ये सेक्शन 11-12 का बेनिफिट लेता है। अलग बात है कि तुम उसके कपड़े खरीदते हो ब्रांडेड, महंगे महंगे, देखेंगे। सर, बीइंग ह्यूमन के तो शोरूम सब हैं, ब्रांडेड है, महंगे महंगे कपड़े बनते हैं, वो तो रुपए महंगे कपड़े बेचता है सर, उसको कैसे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है? तो हम बात करेंगे कि क्या एक ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है, आज ही की क्लास में, अभी पहले पेज पे ही बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट, मान लो मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को कल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दूं, एक एनजीओ बना दूं, क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ जब बच्चों को पढ़ाएगी तो बच्चों से फीस लेके पढ़ाएगी या फ्री में पढ़ाएगी? तुमको तो फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, तुमसे तो पैसे ही लूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे से मैं दूसरों को फ्री में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूं और दूसरे गरीब हैं, तुम गरीब नहीं हो, ठीक। क्या मैं ट्रस्ट चलाते हुए तुम बच्चों से फीस ले सकता हूं? लूंगा। फिर ट्रस्ट कैसा, मैं तुमसे फीस लूंगा जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, जिनको मतलब जिनके पास स्कूलिंग नहीं है, मैं उनको पढ़ाऊंगा, मैं वहां खर्च करूंगा। तुमसे पैसे लूंगा, गरीबों को खाना खिलाऊंगा। तुमसे पैसे लूंगा, गरीबों को मैं मेडिकल के रिलीफ, मेडिकल के कैंप लगा के बेनिफिट पहुंचाऊंगा। यस, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता हूं एंड साथ में मैं तुमसे फीस भी चार्ज कर सकता हूं। तो ये आज अभी बताऊंगा पहले पेज पे, और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी बात हो रही है आपके साथ एग्जाम्स ओरिएंटेड ही हो रही है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत एक दो मिनट में एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहें, और मैं चाहता हूं इस तरीके का डिस्कशन करके पेजेस को लिंक कर दूं, है पहले पेज पे ही, लेकिन मैंने आगे के पेजेस लिंक करके बता दिए कि भैया पेज नंबर 20 और 21 पे एक टेबल है, घबराना मत, सारे थ्योरेटिकल चीजों को टेबलेट फॉर्म में आप तक पहुंचा रहा हूं। एक आगे अनोनिमस डोनेशन का 30% का टैक्स भी है, और अभी इस पेज पे जितना टाइम लगे लगे पेज नंबर 1 पे, उसके बाद 1 घंटे के अंदर मैं तुमको एक पूरा फॉर्मेट दे दूंगा कि एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना है। मतलब अगले 2 घंटे में तुम एग्जाम में 5-6 मार्क्स वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो बनाने लायक बन जाओगे। सर, पेज नंबर 1 पे जाने से पहले पेज नंबर 2 का ये थ्योरेटिकल चीज है, रीडिंग पर्पस के लिए, कुछ नहीं करना है, रीडिंग पर्पस, नॉट फॉर एग्जाम, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस है, यानी इसको तो अब पढ़ना ही नहीं है आगे। वही सब जो भी बात बताई मैंने कि एक ट्रस्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को होल्ड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। फिर ऑथर है जो अपना कॉन्फिडेंस डिक्लेयर करता है, यानी अपना एसेट ट्रांसफर करता है बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए, जो मैनेज करता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्ट के पास जो प्रॉपर्टी होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज को ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जिस डिड के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्ट डिड। सर, नॉट फॉर एग्जाम, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस लेता, ये पेज अब कैंसिल हो गया, डन। अभी आपको मैंने चार्ट के थ्रू बता दिया ये सारी बातें, तो इस पर अब दिमाग नहीं लगाना है तुमको। यस, ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्ट से जिसके पास बेनिफिट पहुंचता है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, जो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डोनेट करता है शुरू में, जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है वो ऑथर कहलाता है, एंड जो डिड है, जिस डिड के थ्रू, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर होती है एसेट की ऑथर से ट्रस्ट के पास,
जिसको मैंने ट्रस्टी करता फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्ट डीड। बस कैजुअल डिस्कशन यहां रखना है, इस पेज को और अब दिमाग मत लगाना। हाँ, अब ये वाला बात तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, शेयर विद द फ्रेंड्स, ये बात शेयर विद सीएमए फ्रेंड्स ना, इसको जरूर पहुंचाना कि भैया ये सब सेक्शन सिर्फ सीए फाइनल के सिलेबस में है और वहां इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए, हमें नहीं पढ़ना। ये बात अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, इस वीडियो का यूट्यूब लिंक भी जरूर शेयर कर देना। अब ये है, ये 3 से 4 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एग्जाम नाइट का। अभी डायरेक्ट इसको पढ़ने के बाद हम लोग इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर यहां लिख देता हूं सेट ए का, मैं एक डायरेक्ट यहां क्वेश्चन नंबर भी लिख दे रहा हूं सेट ए का। जैसे ही सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, अपने आप ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक बार मैं आपको बता दूं, सर आपके पास एक 7B1 पेज भी है सेट बी, इसके कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें आपके साथ आखिरी में, जो टाइम लगेगा 21 क्वेश्चन है इसमें। कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन होमवर्क में इजी है वो दे दूंगा और जो क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस करना है कर लूंगा। एक सेट ए है पेज नंबर 7A1 से, इसमें भी अराउंड कितने क्वेश्चन है अपने पास, 11-12 क्वेश्चन। दोनों सेट में काफी सारे क्वेश्चन है, दोनों सेट को मिला देता हूं। जो इजी होंगे वो मैं होमवर्क में दे दूंगा, जो मुझे लगता है कि मैंने जो क्लास में फॉर्मेट दिया उससे कवर हो जाएगा वो मैं होमवर्क में दे दूंगा। आप बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो बना ही लेना, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो कुछ क्वेश्चन टेढ़े होंगे मुझे लगता है वो मैं खुद क्लास में करा दूं, वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा। दो सेट है अपने पास, ठीक। अब अपने नोट्स में आइए, पहले पेज पे क्या ध्यान रखना है इस पेज में, सेक्शन 2 क्लॉज 15 एक डेफिनेशन देता है चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस क्या है, इसी पर्पस को करने के बाद ही तुम क्या कहलाओगे, चैरिटेबल ट्रस्ट। सर जब तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो तुम्हारा पर्पस इसमें फॉल करना चाहिए, तभी तुमको जाके रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल मिलेगा, तभी जाके तुमको सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट मिलेगा। इसमें लिखी हुई बातें को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तुमको सेक्शन 11 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है। इसीलिए मैंने बोला एग्जाम नाइट 3 से 4 मार्क्स और 3 से 4 पॉइंट ही है इसमें, जिसमें से ये चौथा नंबर जो पॉइंट है ये खतरनाक है, ये चौथा नंबर पॉइंट ही खतरनाक है और ये सारी बातें जो लिखी हुई है नीचे ये इस चौथे नंबर पॉइंट से ही कनेक्टेड है, पहले दूसरे तीसरे से नहीं कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना होगा। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में जो चौथा पॉइंट है, इस चौथे पॉइंट पे कंडीशन है, कंडीशन फॉर फोर्थ पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कंडीशन फॉर फोर्थ पॉइंट। ये मान लो पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने क्या बोला था कि मैं तुम बच्चों से पैसे लूंगा और आगे मैं मेडिकल की कैंप लगाऊंगा, ये रहा मेडिकल कैंप, मैं गरीबों की सेवा करूंगा रिलीफ टू द पुअर, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा एडुकेशन। मैंने बोला था कुछ एनजीओ जानवरों पे काम करते हैं पेटा वाइल्ड लाइफ, कुछ जानवर फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन को रोकने पे काम करते हैं, वाटर बॉडीज को बचाने पे काम करते हैं, इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे काम करते हैं। आगरा के आसपास को फैक्ट्रियां बंद करवा दी कुछ एनजीओ ने, आगरा ताजमहल के आसपास 50-100 किलोमीटर में एरिया में जो भी फैक्ट्रियां थी उसको बंद करवा दी, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है आगरा का ताजमहल, जिसका जो संगमरमर है वो काला पड़ रहा था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, बंद करवा दिया। वाटर बॉडीज से रिलेटेड एनजीओ, कल को अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनजीओ गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाए कि भाई गंगा नदी खराब हो रही है फैक्ट्रियों के पानी से, फैक्ट्री वाले बिना पानी को ट्रीट किए नदी में छोड़ दे रहे हैं, तो सर वो एनजीओ फैक्ट्री बंद करवा सकती है, इतना पावर रखती है। क्या ये सब एनजीओ है सर? एक एनजीओ है जो गंगा और यमुना वाले पानी को बचाने पे काम कर रही है, गोदावरी के ब्रह्मपुत्रा के पानी को बचाने में काम कर रही है, जानवरों में जो जंगल में जो जानवर है उनको बचाने पे काम कर रही है। क्या ये सब एनजीओ का काम है? क्या ये सब चैरिटेबल पर्पस है? क्या ये चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकती है? यस, ले सकती है। आज मान लो मैं एक एनजीओ बनाऊं जो स्ट्रीट डॉग्स पे काम कर रहा है, मान लो मैं आज एक एनजीओ बनाऊं जो रोड पे जो गाय रहती हैं, गाय भैंसे, उनको मैं
कि भाई मैं अपने यहाँ ले जाता हूँ गौशाला में और मैं वहां उनको मेंटेन करूंगा, ये मेरा एनजीओ है। तो क्या मेरा ये वो एनजीओ चैरिटेबल पर्पस को फुलफिल करता है? यस। क्या मैं चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाऊंगा? यस। क्या मुझे सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिलेगा? यस मिले। सर बड़े बड़े हॉस्पिटल भी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी। नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनकम टैक्स के इस धारा इस सेक्शन में ये रजिस्टर्ड है और इनकम टैक्स के इस सेक्शन का इसको बेनिफिट मिलता है। एक सेक्शन है 1023C, ये रहा, जो आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में पढ़ना, सीए फाइनल वाले बच्चे पढ़ते हैं। अपनी जो इंस्टीट्यूट है सीए सीएमएस सीएस, ये तीनों इंस्टीट्यूट इस सेक्शन 1023C में एडुकेशनल इंस्टीट्यूट बोल के रजिस्टर्ड है। ठीक, जैसे आज क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 11-12 का बेनिफिट, वैसे एक बेनिफिट होता है सेक्शन 1023C का। काफी सारे हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। तो आप बड़े बड़े कॉमर्शियल काम भी कर सकते हो, लेकिन उससे होने वाले प्रॉफिट को चैरिटी में यूज करना पड़ेगा। मतलब तुम ये प्रूफ करो एट द एंड ऑफ द डे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं गरीबों की सेवा पे लगा देता हूं, तो शायद तुमको तुम्हारा पर्पस चैरिटेबल पर्पस ही कहलाएगा और तुमको चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, अप्रूवल भी मिलेगा और एग्जम्पशन भी मिलेगा। अगर आज की क्लास की बात करें तो सेक्शन 11-12 का वीडियो रोकिए और इसकी रीडिंग कंप्लीट कीजिए, क्या कहता है एक बार पढ़िए इसको। पढ़ा बच्चों ने? चलिए सर क्या कहता है? कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 15 स्टेट्स दैट चैरिटेबल पर्पस क्या है। ध्यान रखना, अगर आप चैरिटेबल पर्पस में आते हैं तभी आप चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाएंगे और सेक्शन 11-12 का आपको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन लेने के लिए आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हुए हैं, वो ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज में फॉल करना चाहिए और इन पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप कॉमर्शियल बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोचिंग चलाऊं, तुम लोग बच्चों से फीस लूं, ठीक, अपने स्टाफ का खर्चा, नोट्स वोट्स का खर्चा, रेंट वेंट माइनस करने के बाद मान लो एक प्रॉफिट आई, मैं उस प्रॉफिट से गरीबों की सेवा कर दूं, रिलीफ टू द पुअर, मैं एक चैरिटेबल पर्पस हूं, मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट हूं, मुझे एक सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिलेगा। तो तुम ये मत समझना कि अगर कोई एनजीओ चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है तो वो हमेशा एक रुपए में ही काम करेगी या फ्री में काम करेगी, ऐसा नहीं है। मान लो एक मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल हूं, मेडिकल रिलीफ, यह है ना मेडिकल रिलीफ, मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हूं, हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग जो है मेरी मेरी हॉस्पिटल है, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में बहुत एक्सपेंसिव इलाज होता है, 5-स्टार फैसिलिटी के साथ, मैक्स हॉस्पिटल की रेंज की फीस है हमारी, ठीक, वहां से खूब सारा प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को मैंने लगा दिया दूसरे हॉस्पिटल में जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है, वीकर सेक्शन, गरीब, पुअर, रिक्शा वाले, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, मैं उन लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं। तो क्या हो गया, एक जगह से खूब सारा प्रॉफिट कमा रहा हूं, खूब सारा पैसा चार्ज कर रहा हूं और दूसरी जगह मैंने क्या किया है, उस पैसे को यूटिलाइज किया है पब्लिक सेवा के लिए, तो क्या मैं चैरिटेबल पर्पस हूं? हाँ सर, आप तो पैसे चार्ज कर रहे हो। अरे भाई, पैसे नहीं चार्ज करूंगा तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, और प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो दूसरी जगह लगाऊंगा कैसे, मैं घर थोड़ी ना ले जा रहा हूं, एक जगह से प्रॉफिट कमा के दूसरे समाज सेवा में लगा रहा हूं। मैंने कब कहा कि दोनों में मैं फ्री में इलाज करूंगा, मैंने कहा कि मैं एक एनजीओ हूं, मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूं कॉमर्शियल लेवल पे, वहां से प्रॉफिट कमाऊंगा और उससे सारा पैसे से गरीबों का फ्री में इलाज कराऊंगा, जिनको पैसा देना वो इधर आ जाओ, जिनको फ्री में इलाज कराना है वो इधर आ जाओ। तो क्या मैं चैरिटेबल पर्पस में फुलफिल करूंगा? यस, माय पर्पस इज मेडिकल रिलीफ। अब मेडिकल रिलीफ फ्री में तो नहीं होगी ना, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। अब पैसा लोगों से डोनेशन लूंगा तो पैसा आएगा, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, रेंट से जो पैसा आएगा, और फिर इधर मैं मान लो कॉमर्शियल बिजनेस करता हूं वहां से जो पैसा आएगा, ये सब हो गई ट्रस्ट की इनकम। और अब मैं यूज करूंगा उसको किस पर्पस के लिए? कहता है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स
रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, बाबा रामदेव, योगा, मेडिकल रिलीफ। तो अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपकी एक्टिविटी है रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री योगा, फ्री मेडिकल रिलीफ, तो आप चैरिटेबल पर्पस हैं। या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर सेट्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स और प्लेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, ताजमहल काला न पड़ जाए उस पर एनजीओ काम करके फैक्ट्रियों को हटा रही है आगरा के आसपास से, वो भी चैरिटेबल पर्पस। अब तुम बोलते हो सर मैं शुरू के तीनों पॉइंट में नहीं फॉल करता, मैं तो चैरिटेबल पर्पस हूं। चौथा वाला कौन सा, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे पब्लिक को फायदा होगा। अब इस पॉइंट में बीसीसीआई भी आता है, बोलता है मैं भी चैरिटेबल एक्टिविटी करता हूं क्योंकि मैं लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाता हूं। 10-10 लाख रुपए की फीस लेते हैं क्रिकेट ट्रेनी के। एक तो बीसीसीआई की जो बॉम्बे में एकेडमी है उसमें लोगों के एडमिशन नहीं होते हैं, सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, 20-20 लाख रुपए की फीस लगती है तब जाके बीसीसीआई की जो एकेडमी है उसमें एंट्री होती है और बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाया जाता है। तो सर इस चौथे पॉइंट में बीसीसीआई जैसी जो सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में शायद, वो भी बोलती है मैं चौथे नंबर पॉइंट में हूं। देखो पहला दूसरा तीसरा तो स्पेसिफिक हो गया ना, गरीबों की सेवा, एडुकेशन, योगा। अब जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है एडुकेशन से जुड़ा है, अब योगा मतलब बाबा रामदेव, ठीक। तो सर ये जो पहले तीन पॉइंट है वो स्पेसिफिक है कि भाई तुम एनवायरमेंट पे काम करो, तुम मॉन्यूमेंट्स पे काम करो, तुम गरीब पे, पढ़ाई पे, योगा पे, रिलीफ पे काम करो, मेडिकल कैंप लगाओ। अब मान लो कोई एनजीओ है जो बोलती है मेडिकल रिलीफ, तो कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप लगाती होगी, फ्री है ना आपका हार्ट चेक हो गया, फ्री कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग हो गई, फ्री आपका थायराइड का चेकिंग हो गया, फ्री आपका वो हो गया, फ्री जो किट होती है ना, फ्री है ना फर्स्ट एड्स की फैसिलिटी हो गई, आई टेस्टिंग का कैंप हो गया, खर्च होते हैं। मान लो एक मुझे आई टेस्टिंग का कैंप लगाना किसी गांव में, 500 लोगों की आंख चेक होगी, उसमें 5-10 लाख का खर्चा होगा, तो मैं एक एनजीओ हूं, डोनेशन से काम करता हूं, शहर में मेरा हॉस्पिटल चलता है और उससे मैं गांव में आके फ्री में इलाज करता हूं। सर लेकिन पहला दूसरा तीसरा पॉइंट स्पेसिफिक हो गया, चौथा पॉइंट जनरल है, इसमें कुछ भी आ सकता है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब इस पॉइंट में तो कोई भी आ सकता है, बीसीसीआई भी आ गया, बोला मैं इस पॉइंट में हूं, मुझे भी सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिलना चाहिए, मैं भी टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दी, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंडीशन डाल दी कि सुनो चौथे नंबर पॉइंट में अगर रहोगे तो ये कंडीशन है क्या, कि अगर मान लो चौथे नंबर पॉइंट पर, देखो चौथा नंबर जो एक्टिविटी है वो फ्री में अगर कर रहे हो, मतलब लोगों से डोनेशन मिल रहा है और तुम जिसके लिए सेवा कर रहे हो, जिसको तुम पब्लिक यूटिलिटी का फायदा पहुंचा रहे हो, उसको तुम फ्री में काम कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अब लोगों से पैसा भी ले रहे हो, जैसे मैं तुमसे फीस लेता हूं और तुमको पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम तो ऊपर एडुकेशन में आ गया। और मैंने क्या बोला, ये जो चौथा नंबर का ये कंडीशन है ये चौथे नंबर पे एप्लीकेबल है, पहले नंबर पे नहीं। यानी जो शुरू के तीन पॉइंट्स हैं उसके लिए मैं बिजनेस चला सकता हूं, बिजनेस से पैसा लूंगा और आप पे फ्री में खर्च करूंगा। सर आपने तो मुझसे पैसे ले लिए, अरे मैं तुमसे पैसे लूंगा, मैं सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल सबसे पैसे लूंगा, लेकिन मान लो मैं 5वीं क्लास तक का फ्री स्कूल चला रहा हूं तो हो गया ना मैं रिलीफ चैरिटेबल पर्पस। मान लो मैं 5वीं क्लास तक का फ्री में स्कूल चला रहा हूं गरीब बच्चों के लिए, तो मेरा और इधर से तुमसे पैसा आ रहा है, लोग डोनेशन भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पहले पॉइंट में फॉलो कर रहा हूं एडुकेशन। लेकिन अगर कोई बोलता है मैं चौथे पॉइंट में फॉलो करूं और साथ साथ में कोई ट्रेडिंग का काम भी करूं और मैं कॉमर्शियल यानी लोगों से पैसे भी लूं, तो फिर लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा तुम्हारी टोटल रिसीट के 20% और उससे कम होना चाहिए, तभी तुम चैरिटेबल पर्पस कहलाओगे, नहीं तो तुमको चैरिटेबल पर्पस हम नहीं कहेंगे, तुमको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, पढ़ लेता हूं। प्रोवाइडेड दैट द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी अ चैरिटेबल पर्पस
इफ इट इन्वॉल्व द कैरिंग ऑफ एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस और एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी ट्रेड कॉमर्स बिजनेस। तुम चौथे वाली लाइन में फॉल कर रहे हो, यू आर अ चैरिटेबल ट्रस्ट हु इज डूइंग फोर्थ एक्टिविटी, बट साथ में तुम कोई कॉमर्शियल बिजनेस भी कर रहे हो। अब वहां तुम लोगों से क्या ले रहे हो, फॉर असेस फी और एनी अदर कंसिडरेशन, तुम लोगों से पैसे भी ले रहे हो। तो कहता है तुमको चैरिटेबल पर्पस नहीं कहेंगे अनलेस, यानी कह सकते हैं, ऊपर है सेल नॉट और नीचे है अनलेस, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, मतलब अगर तुम नीचे के दो पॉइंट फुलफिल कर दो तो हम तुम्हें चैरिटेबल का टैग दे देंगे। पहला पॉइंट, तुम वो एक्टिविटी अपने इस ट्रस्ट पर्पस के लिए कर रहे हो, मतलब सर मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं कॉमर्शियल ट्रेडिंग, उसका अल्टीमेट बेनिफिट पब्लिक बेनिफिट ही है सर, मैं उससे एडवांसमेंट करूंगा अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का ही, ठीक है। सच एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम सच कॉमर्शियल एक्टिविटीज डू नॉट एक्सीड 20% ऑफ योर टोटल रिसीट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही होगी, तुम्हारी लोगों के डोनेशन से इनकम आ रही होगी और तुम कॉमर्शियल से भी पैसा कमा रहे हो, तो कॉमर्शियल वाला हिस्सा ओवरऑल हिस्से के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो चौथा नंबर एक्टिविटी कर रहे हो, चौथे नंबर एक्टिविटी में तुम कोई इंसिडेंटल बिजनेस चला रहे हो, तो उस बिजनेस की रिसीट्स तुम्हारी टोटल रिसीट के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। और पहले दूसरे तीसरे में कोई कंडीशन नहीं है 20% वाली, तुम वहां आराम से बिजनेस चलाओ, आराम से वहां 40% 50% की रेवेन्यू बिजनेस से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रस्ट को इनकम कहां कहां से हो सकती है, एक ट्रस्ट को इनकम कहां कहां से हो सकती है सर, एक ट्रस्ट को इनकम, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए रिलीफ टू द पुअर, टोटल कितने पॉइंट है, टोटल एक ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस में आ सकती है, टोटल चार काम कर सकती है, चार पॉइंट है। एक पॉइंट आपका आ गया पुअर एडुकेशन योगा मेडिकल कैंप, फिर दूसरा पॉइंट आ गया इन्वायरमेंट, तीसरा पॉइंट आ गया आपका क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, और चौथा आ गया जनरल पब्लिक यूटिलिटी। बहुत ईजी है याद करना चार पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब तुम हो रिलीफ टू द पुअर वाले ट्रस्ट, यानी पहला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। अब तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुमको कहां कहां से पैसा आ रहा है, सर मेरे पास कुछ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है, रेंटल इनकम आ रही है। सर मेरी ट्रस्ट की कुछ इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने जो डोनेशन दिया था उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहां से मुझे डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट से, वो वाली इनकम है। सर लोग हमें डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो देते हैं, ये वो वाली इनकम है। तो ये मैंने लिखा कैटेगरी ए, क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं है। बोला सर एक और इनकम है मेरी, क्या, मैं सर बिजनेस ट्रेड भी करता हूँ, लोगों से वहां पैसे चार्ज करता हूँ, फी चार्ज करता हूँ, जैसे मैं तुमसे फीस लेता हूँ। तो ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई, ये तो डोनेशन, ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई। सर आप चैरिटेबल हो, कॉमर्शियल कैसे कर सकते हो, सर आप तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट तो फ्री में काम करती है, पैसे कैसे ले रही है। अरे ये तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं ए प्लस बी, मेरे पास ए आया, मेरे पास बी भी आया, अब मैं इन दोनों पैसे से क्या करूंगा, गरीबों की जाके सेवा करूंगा, और जब सेवा करूंगा तो मैं फ्री में करूंगा, मैं फ्री में करूंगा, उनसे कोई पैसे नहीं लूंगा, आई एम अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊं, मैं तुमसे पैसे लेके गरीब बच्चों को पांचवी क्लास तक फ्री में पढ़ाऊंगा, दैट इज द केस। तो ये ध्यान रखना, तुम किसी एनजीओ में गए और तुम उम्मीद करो कि वो तुमसे पैसा ना ले, तो तुम क्या पुअर की कैटेगरी में आ रहे हो, तो हो सकता है ना ले तुमसे, ठीक। सर ये ए एक सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ट्रस्ट, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ट्रस्ट ए, और बी, बी को मैंने अलग कर दिया, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की इनकम है, एबीसी कॉमर्शियल नहीं है, डोनेशन है, रेंटल है, पैसिव इनकम है, ट्रस्ट की और क्या इनकम होगी, यही ए प्लस बी को वो मिला के गरीबों पे खर्चा कर दिया, कर दे, ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर बी का परसेंटेज कितना है, सर रिलीफ टू द पुअर में परसेंटेज नहीं देखते, 20% वाली बात जो अभी अभी आपने पढ़ी वो पुअर पे काम नहीं करती, वो मॉन्यूमेंट्स पे काम नहीं करती, वो इन्वायरमेंट पे काम नहीं करती, वो योगा एडुकेशन मेडिकल रिलीफ इन सब पे काम नहीं करती। मान लो ए कैटेगरी में तुम्हारे पास 60 लाख आए हैं और बी कैटेगरी से तुम्हारे पास 40 लाख आए हैं, टोटल 100 लाख,
अब तुम रेशियो निकालो, तुम्हारा बिजनेस पोर्शन कितना है? 40%। सर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कैटेगरी बी इज नॉट मेटेरियल फॉर फर्स्ट 3 पॉइंट, जो आपका सेक्शन 215 के अंदर टोटल कितने पॉइंट है? 4। पहले 3 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। यस सर, सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन मिलेगा जो आप आगे पढ़ाने वाले हो? यस, क्योंकि इस ट्रस्ट का पर्पस था रिलीफ टू द पुअर, जिसमें वो कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहा है, 40% रेवेन्यू आ रही है, चलेगा। अब बाय डेफिनेशन ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम नाइट, अब बोलता है तुम एक चैरिटेबल पर्पस हो, चौथा नंबर पॉइंट में इन्वॉल्व हो सेक्शन 215 के, कौन सा पॉइंट? एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये तुम्हारा पर्पस है ट्रस्ट का, ये तुम्हारे ट्रस्ट का पर्पस है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए तुम्हारे पास ए सोर्स से पैसा आ रहा है, बी सोर्स से पैसा आ रहा है। अभी ऊपर ए और बी लिखे थे। सर ए से कितना आ रहा है? 90 लाख। बी से कितना आ रहा है? 10 लाख। बी क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, जहां तुम कस्टमर से पैसा चार्ज कर रहे हो, 10 लाख। उधर से कितना आया? 90 लाख। टोटल कितना आया? 100 लाख। सर ये 10 लाख 100 लाख का कितना परसेंट है? 10%। कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, तुमको चैरिटेबल बेनिफिट मिलेगा, तुमको सेक्शन 11-12 का बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 215 में तुम कवर्ड हो, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। सर अब अगला एग्जाम्पल केस भी, सर नॉन बिजनेस से 70 लाख आए हैं, डोनेशन, रेंटल, पैसिव इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लेकिन कॉमर्शियल से 30 आए, टोटल 100, लेकिन इस बार कितना परसेंट हो गया? 30%। तो सर अब तुम्हारा ये अधिक हो गया किससे? 20% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, 20% ऑफ टोटल रिसीट से ये अधिक हो गया। सर 100 लाख है टोटल रिसीट, उसका 20% कितना होता है? 20 लाख। तुम 20 लाख से अधिक हो गए, 30 लाख। अब तुमको हम चैरिटेबल पर्पस नहीं ट्रीट करेंगे, तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर किस ईयर में नहीं मिलेगा? ईयरली चेकिंग है ये, ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में तुम अधिक कर गए तो तुमको परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर मान लो किसी ईयर में तुम अधिक हो गए 20% से, तो उस ईयर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस ईयर में, ईयरली चेकिंग है। मान लो अगले साल तुम 20% के अंदर आ गए, बेनिफिट ले लो, उसके अगले साल तुम 20% से क्रॉस कर गए, बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर क्या इस रीजन से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कैंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट विल कॉन्टिन्यू, और यू कैन से मे कॉन्टिन्यू, बट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12 विल नॉट बी गिवन इन सेम प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में तुम लिमिट क्रॉस करोगे। इजी है, सारा करा दिया, अब एक क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम की तैयारी हो गई। 4 पॉइंट तुमको याद रखना है, और चौथे पॉइंट में लिखना है कि अगर चौथे पॉइंट की ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, हिंदी में बताता हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने शब्दों में लिख देना, चौथे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर तुम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो जहां पे तुम कंसिडरेशन चार्ज करते हो, तो वो बिजनेस कॉमर्शियल एक्टिविटी इंसिडेंटल होनी चाहिए, एंड उसकी रिसीट्स तुम्हारी टोटल रिसीट के 20% और उसके अंदर होनी चाहिए। बस ये अपने शब्दों में लिख देना, तुम हो गया काम, और पॉइंट याद दिला दिया। पहला जो पॉइंट है उसमें 4 पॉइंट है, रिलीफ टू द पुअर, योगा, एडुकेशन और मेडिकल रिलीफ। फिर दूसरा है एनवायरमेंट, तीसरा है मॉन्यूमेंट्स, चौथा है जनरल पब्लिक यूटिलिटी। क्लास के अंदर याद हो गया, घबराने की क्या जरूरत है? सर फास्ट ट्रैक क्लास नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि 15 मिनट में मैं तुम्हारा ट्रस्ट रिवाइज कराऊंगा, तो यूट्यूब पे ना तो मैंने टाइटल पे लिखा है ना थंबनेल पे लिखा है, आओ 15 मिनट में ट्रस्ट रिवाइज करो। नहीं, मैं इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज इफ कि मेरे स्टूडेंट को ट्रस्ट की नॉलेज नहीं है। जो बच्चा ट्रस्ट का रिवीजन करना चाहता है वो यूट्यूब पे ये वीडियो ना देखे। इस वीडियो को रिकॉर्ड इस एजम्पशन के साथ किया गया है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, सब कुछ एबीसीडी मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो जो बच्चा को लग रहा है कि उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, वीडियो को रोक दे, कहीं और चले जाए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। चलिए सर,
अब मैं एक एग्जाम्पल पे आपको लेके जाऊंगा जो एग्जाम में 4-5 मार्क्स का आ सकता है, बट पहले इसको लिखो। पेज नंबर 1 कंप्लीट। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम कहां कहां से आ सकती है। इसके पास प्रॉपर्टी होगी, रेंटल इनकम आ सकती है, इसके पास इन्वेस्टमेंट होगा, वहां से डिविडेंड इंटरेस्ट आ सकता है, इसको लोग डोनेशन दे सकते हैं, प्लस ट्रस्ट का साइड में कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां से भी रिसीट्स आ सकती हैं, वहां से भी कस्टमर से पैसा आ सकता है। डन, वीडियो रोक के लिखा, ऊपर वाला पॉइंट लिखा चुका था, लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, सब कुछ अच्छे से लिखना है। डन, अगर आपका रिलीफ टू द पुअर पर्पस है और उसके लिए आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करके 40% रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20% वाला रेस्ट्रिक्शन रिलीफ टू द पुअर वाले पर्पस पे एप्लीकेबल नहीं है। डन, लेकिन अगर आप चौथे नंबर पॉइंट में हैं और साथ में कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी से मिलने वाली रिसीट तुम्हारी टोटल रिसीट के 20% के अंदर होनी चाहिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, थोड़ा आगे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, हाँ उस ईयर में जिस ईयर में तुम्हारा ये परसेंटेज बढ़ जाएगा उस ईयर में तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट है, सेकंड पेज हमारा कंप्लीट है। अब जो ये फिफ्थ पेज है सर, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 11, ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगले एक घंटे में मैं जो तुमको एग्जाम्पल दूंगा, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल दूंगा अभी। अब सर एक क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूं फर्स्ट पेज पे के लिए, फर्स्ट पेज पे जो भी पढ़े चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 215 उस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं तुमको अपने सेटे से। उसके बाद जो एक घंटे तक कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें तुम्हारा पेज नंबर 11, 9, 8, 7, 6, 5 मोटा मोटी सारा कवर हो जाएगा। एग्जाम का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसका फॉर्मेट, टैक्स रेट कैसे कंप्यूट करेंगे, बेनिफिट कैसे देंगे, यहां जो जो बातें लिखी हुई है ऑलमोस्ट सब उस एग्जाम्पल में ले आऊंगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा, उसको सिखाने के बाद मैं इनको पढ़ूंगा और तुमको कनेक्ट करके दूंगा, तुमको कनेक्ट करके दूंगा। अभी देखो एक पॉइंट तुमने यहां से और पढ़ लिया है, पेज नंबर 1, 2 तो कंप्लीट है, अब पेज नंबर 5 पे जाएंगे लेकिन तुमने एक पॉइंट यहां पढ़ लिया ये वाला। पेज नंबर 9 का जो ये पॉइंट है ये तुम्हारा क्लियर है, बिजनेस इनकम हो सकती है ट्रस्ट को, क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे मैं इस कोचिंग में बिजनेस इनकम कमा रहा हूं, कमा सकता हूं? यस सर, आपने तो बोला था ट्रस्ट एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इनकम कैसे हो सकती है? सर ट्रस्ट बिजनेस इनकम कमा के अपने घर नहीं ले जा रही है, गरीबों पे खर्च करेगी। सर मैं सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास से जो प्रॉफिट कमाता हूं वो अपने घर लेके आता हूं, इसीलिए मैं चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हूं, लेकिन आई कैन ओपन अ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें मैं अपनी कोचिंग को ले जाऊं, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, उस कोचिंग से होने वाली प्रॉफिट को मैं घर नहीं ला सकता, फिर मैं कुछ गलत काम करूंगा जिससे वो पैसा टैक्स भी ना लगे और मेरे घर भी पहुंच जाए। वही लोग मिसयूज करते हैं, जो हो सकता है तुमको सीखने मिल जाए लोग कैसे मिसयूज करते हैं। क्या लगता है तुमको कि ये सलमान खान, अजीज प्रेम जी या शिवनादर फाउंडेशन या भारती मित्तल फाउंडेशन, ये लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए के लिए फाउंडेशन चलाते हैं, तो क्या लगता है सारे काम वहां सही हो रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताओ ना, मैं हूं जो गरीबों पे एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहा, ठीक, और मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीबों पे 10 रुपया खर्च करके 2 रुपया चोरी भी कर रही है, तो कम से कम खर्च तो कर रही है गरीबों पे। समझो मैं गरीबों पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा, लेकिन एक एनजीओ है जो 10 रुपया कमाती है, 7 रुपया गरीबों पे खर्च करती है, 3 रुपये अपने घर ले जाती है चोरी करके टैक्स की, तो कम से कम 7 रुपये गरीब पे तो खर्च करती है, मेरे से तो बेटर ही है। लेकिन हाँ वो टैक्स की चोरी भी करती है, ठीक है, वो सर इनकम टैक्स रोक भी नहीं पाएगी चाहे कितने नियम बदल ले। एनीवे, क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट बिजनेस इनकम अर्न कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी इंसिडेंटल होनी चाहिए। मतलब ट्रस्ट किस पर्पस के लिए बना है? रिलीफ टू द पुअर, एडुकेशन, योगा, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, सर उस बिजनेस का जो इनकम है उस पर्पस के लिए खर्च होना चाहिए। कहता है द इनकम ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी विल ऑल्सो बी एग्जम्प्ट, एग्जम्पशन मिलेगा इफ
इफ सच बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बिजनेस चला सकती है, हाँ, लेकिन उसकी जो ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट, यानी उस बिजनेस इनकम को वो कहां यूज करेगी, चैरिटेबल पर्पस के लिए। पर्पस मतलब वही जो भी पढ़े, अगर पर्पस चौथा है तो इस बिजनेस की रिसीट ओवरऑल रिसीट के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये तुमको साथ साथ मैनेज करना होगा। बोलता है तुमको इसका बुक्स अलग से मेंटेन करना होगा, कर लेंगे। अगर तुम मुझे एग्जम्पशन दोगे, विल बी एग्जम्प्ट सेक्शन 11 और 12 में। सर नॉर्मली एक कंपनी बिजनेस इनकम कमाती है तो 30% का टैक्स देती है, और हम यहां कह रहे हैं तुमको एग्जम्पशन देंगे, तो एग्जम्पशन कौन नहीं लेना चाहेगा। खाली तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि उस बिजनेस को, उस बिजनेस इज योर एक्टिविटी इज इंसिडेंटल टू योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट, यानी तुम बिजनेस का प्रॉफिट अपने घर नहीं ले जाओगे, गरीबों के पीछे खर्च करोगे और सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हो। लेकिन हो सकता है एओ को तुम्हारे ऊपर शक हो जाए, तो एओ तुम्हारे बुक्स को, तुम्हारे बिजनेस की इनकम को वेरीफाई करने का राइट रखता है। और मान लो तुमने बोला कि बिजनेस एक्टिविटी से इनकम हुई है 20 लाख, जो मैंने ट्रस्ट गरीबों पे खर्च कर दिया, और एओ ने पकड़ लिया तुम्हें, बोला कि ना तुम्हें 30 लाख की इनकम हुई है और तुमने 20 ही खर्च किए, 10 लाख तो तुम अपने घर ले गए हो, तो उस 10 लाख पर कोई भी बेनिफिट, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब तुम बिजनेस चलाओ ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका बुक्स मेंटेन करो, तुम एग्जम्पशन क्लेम करो, लेकिन एओ के पास पावर है तुम्हारी इनकम को वेरीफाई करने का, और तुमने बुक्स में दिखाया 20 लाख और एओ ने निकाल के दे दिया 30 लाख, तो 10 लाख पे तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये थ्योरी क्वेश्चन भी आता है एओ के राइट को लेके, तो ये अपना क्लियर हो गया, ये अपना क्लियर हो गया। चलो ऐसे ही छोटी छोटी बातें, बात बात में तुमको सारा समझाता चला जाऊंगा। पेज नंबर 5 पे आने से पहले एक क्वेश्चन कर ले फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आ जाइए फटाफट। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 और 10 के तीनों आंसर, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और ये तीनों आंसर पढ़ लीजिए, करवा दिया क्लास में, करवा दिया, बस आपके साथ मैं इसको रीड करूंगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी जो मैंने आपको ना करवाई हो और आपको समझ में ना आई हो। एक केस स्टडी तैयार तुम्हारे एग्जाम की, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कह सकते हैं, केस स्टडी रिलेटेड टू ट्रस्ट चैप्टर ऑन द डेफिनेशन। ट्रस्ट चैप्टर में चैरिटेबल पर्पस का एक डेफिनेशन है सेक्शन 215 में, उससे रिलेटेड ये केस स्टडी है, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कहेंगे। पढ़िए प्लीज, वीडियो रोक के पढ़िए, इसको आंसर भी पढ़िए, हो गया ये 4-5 मार्क्स एग्जाम नाइट, लिख लीजिएगा पेज नंबर 1, यहां लिख लीजिए एग्जाम नाइट 7.1 डेफिनेशन 215 बेस्ड है, ठीक। और पेज नंबर 1 पे जाके लिख दीजिए प्लीज, पेज नंबर 1 पे जाके लिख दीजिए प्लीज, पेज नंबर 1 पे जाके लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए एग्जाम नाइट, यहां बगल में लिखिए एग्जाम नाइट 4 पॉइंट्स याद करना है, और यहां लिखिए रेफर क्वेश्चन नंबर 10 7A.5, पेज नंबर की मार्किंग कर लीजिए, पढ़िए। बहुत सिंपल है, कहता है द इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। आ गया चौथा नंबर पॉइंट, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी चौथा नंबर पॉइंट। अगर आपका चैरिटेबल पर्पस पहला 3 ना हो के चौथा हो, तो चौथे के लिए आप बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिसीट ओवरऑल रिसीट के 20% और उससे कम होने चाहिए टू क्लेम एग्जम्पशन। यही पढ़े, कहता है तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और तुमने 30 लाख रुपए रिसीव कर लिए हैं फ्रॉम द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यानी तुम ट्रेड भी कर रहे हो, दिस ट्रेड इज इंसिडेंटल टू दिस ऑब्जेक्टिव, एग्री, तुम इसका बुक्स भी अलग से मेंटेन करोगे, अभी लिखा, और रिसीट आ चुकी है 30 लाख, टोटल रिसीट कितनी है इंक्लूडिंग डोनेशन 140 लाख, अब 140 लाख का 20% होता है 28 लाख, तुम डिफॉल्ट कर चुके, ठीक। अब कहता है तुमने 85% अपनी रिसीट्स का चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए खर्च किया है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि अगर तुम अपने टोटल इनकम का 85% खर्च कर देते हो जिस एक्टिविटी के लिए तुम बने हो, तो तुमको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये बोलता है कि मैं चौथे नंबर पर्पस के लिए बना हूं, और मैंने अपने जितने भी इनकम है उसमें से 85% खर्च भी कर दिया है, जो एक नॉर्मल नियम है, अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी 5 मिनट दे दो मुझे आगे, अब इसी को बताना है।
एक ट्रस्ट अगर 100 रुपए कमाता है तो उसके पूरे 100 रुपए खर्च नहीं करने हैं, 15 रुपए का उसको एग्जम्पशन मिलेगा, 15% को वो एक्यूमुलेट कर सकता है आगे खर्च करने के लिए, अपने घर नहीं ले जाएगा। मान लो तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, 100 रुपए की तुम्हारे पास इनकम है डोनेशन से, तो उसमें से 100 रुपए नहीं खर्च करने हैं। अगर तुमको टैक्स बचाना है तो तुम उसमें से 85 रुपए गरीबों पे खर्च कर दो तो तुमको 15 रुपए पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 2.5 लाख का और बेनिफिट है जो तुमको मैंने अभी बोला बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो तुम चाहो तो वो भी खर्च मत करो। जैसे मान लो 10 लाख की तुम्हारे पास रिसीट है, ठीक, अब 10 लाख में से तुम 15% का तुमको बेनिफिट मिलेगा, फ्लैट बेनिफिट है, 15% तक तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो 10 लाख में से, उसको साइड कर दो, कितने बचे 8.5 लाख। अब 8.5 लाख में तुम 6 लाख रुपए गरीबों पे खर्च करो, कितने बचे 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए पे टैक्स जीरो, ठीक है। तो अभी बताऊंगा वही फॉर्मेट, तो उसी में फॉर्मेट में भी सेक्शन 11 के अंदर लिखा हुआ है कि तुम 15 रुपए का एक्यूमुलेशन कर सकते हो, 85 रुपए खर्च करने होंगे, तो इसने खर्च कर दिए, तो बोलता है क्या इसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नहीं, नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट, क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने 20% का क्राइटेरिया मिट नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया इसका। बोलता है अगर टोटल रिसीट 140 के जगह 150 कर दूं तो 150 का 20% 30 लाख, और ये 30 लाख ही है, तो यानी ये 20% के अंदर है, एग्जैक्ट 20% है, तो यानी ये चैरिटेबल पर्पस का बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। अब कहता है मैं ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दूं तो रिलीफ टू द पुअर, और रिसीट तुम्हारी बिजनेस से 30 लाख है और टोटल रिसीट 140 है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हारा जब ऑब्जेक्टिव रिलीफ टू द पुअर हो तो उसमें तुम बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो, और उसकी रिसीट की परसेंटेज, टोटल रिसीट की कितनी परसेंटेज है वो मैटर नहीं करता। बस यही सब बात लिखी हुई है। लास्ट वाले में बोला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाने के कारण अब तुम कहां चले गए, पहले नंबर पॉइंट में, तो तुम्हारी रिसीट 30 लाख होने के बावजूद भी तुम्हारा चैरिटेबल स्टेटस इफेक्ट नहीं करेगा, इवन इफ यू हैव क्रॉस्ड 20% तुमको एग्जम्पशन मिलेगा। यहां बोल रहा है तुम अब 20% के अंदर हो तुमको एग्जम्पशन मिलेगा, यहां बोल रहा है तुम 20% के बाहर हो तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा तुम साथ में क्लेम क्या कर रहे हो, मेरा रजिस्ट्रेशन तो वैलिड है, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा पहले नंबर पॉइंट में जहां पर तुम्हारा 20% का डिफॉल्ट है। डन, कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की का डिस्कशन करेंगे जो कि पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अभी जो 15% की बात हुई थी देखो यहां लिखा हुआ है 15%, तुम 15% तक का एक्यूमुलेशन कर सकते हो, खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारी 100 रुपए की इनकम है तो। वही अभी आपने देखा वहां 85% लिखा हुआ था, उसका सेक्शन है 11(1)(a)। धीरे धीरे आज की क्लास में ये सारे सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज में याद करा दूंगा, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं सेक्शन 11 कर देना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। जैसे भी डेफिनेशन गया उसका सेक्शन 2 क्लॉज 15 था, वो एग्जाम के लिए अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना 4 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है आपको। अब हम एक ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और फॉर्मेट की बात करेंगे जिससे हमारा पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सब कवर होता चला जाएगा और एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेगा। ब्रेक ले लीजिए पहले आप, यहां पर एक बार ब्रेक लेके यहां पे आप रिफ्रेश हो जाइए, 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर 1 घंटे तक उस फॉर्मेट की सारी बातों की बात कर लेंगे, जो भी इश्यूज हैं देख लेंगे, हर तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत तुरंत बनते जाएंगे, मेरे इस फॉर्मेट का ध्यान रखना। अब जो है ब्रेक के बाद वाला पोर्शन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर एग्जाम मार्क्स फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इफ एनी फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है तो तुमसे बनेगा, गारंटी मेरी, बस एग्जाम में पूछना चाहिए। ब्रेक लो प्लीज। चलिए सर, आप बच्चों ने ब्रेक ले लिया, ठीक, ब्रेक से पहले 1 घंटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक थोड़ा सा एक आइडिया लिया चैरिटेबल ट्रस्ट का, ठीक, उसके अलावा चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन पे हमने काम किया, उसके जो 4 पॉइंट थे, चौथे पॉइंट में 20% का कंडीशन और उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल क्लास में भी करा दिया और एग्जाम का क्वेश्चन भी आपसे करा दिया, एक फेयर आइडिया आपके पास आ चुका है। अब मैंने कहा था कि मैं एक फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हर एलिमेंट कवर हो जाएगा, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है जिसका डिस्कशन अभी आपके साथ 1 घंटा करने वाला हूं,
और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का एग्जम्पशंस लेने के लिए उसके अंदर लिखी हुई क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी ताकि वो एग्जम्पशंस लेता जाए, और एग्जम्पशन लेने के बाद जो इनकम बचेगी उस पर वो स्लैब रेट से टैक्स दे। तो इस फॉर्मेट में मैंने कोशिश की है हर एलिमेंट को लेने की। सर, इस फॉर्मेट को आपके साथ डिस्कस करते ही एग्जाम में जो भी वैरायटी ट्रस्ट की आएगी, इंक्लूडिंग अनोनिमस डोनेशन जिसपे 30% का टैक्स रेट है, वो भी मैंने इसमें फॉर्मेट में मिला दिया है। अब इस फॉर्मेट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा चैरिटेबल ट्रस्ट का सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा शुरू में, सीए फाइनल में एक और कॉन्सेप्ट अलग से एक्रेडिटेड वाले, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो उसका डिस्कशन तो मैं यहां कर ही नहीं रहा। सर, इस फॉर्मेट के डिस्कशन के बाद एक और डिस्कशन है छोटा सा कैपिटल गेन से रिलेटेड, कि अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रस्ट बेचती है और उसमें जो कैपिटल गेन होता है उस पर एग्जम्पशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा ट्रस्ट को, वो एक अलग छोटा सा 15 मिनट का डिस्कशन है। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर बात करो तो बाकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है, आप लिखते रहोगे डिस्कशन करते रहोगे तो हो सकता है 3-4 पेज में ये चला जाए, बट डोंट वरी, एक स्टैंडर्ड एग्जॉस्टिव फॉर्मेट है, हो सकता है एग्जाम में हर एलिमेंट ना आए और आपका एक पेज में ही काम बन जाए। मैंने तो कोशिश की है इसके अंदर हर एलिमेंट को मिलाने की, जो कि आपको एग्जाम की रात में देखना जरूरी है। चाहे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आप खुद से कर लेना, मैं मार्क करा दूंगा सेट ए सेट बी। 12th एडिशन की बुक है सीएमए फाइनल Volume 1 जो हम लोग क्लास में रेफर कर रहे हैं, है ना। हो सकता है मैं ये पार्ट अलग से YouTube पे अपलोड करूं, तो जो बच्चे पूरी क्लास देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पूरी क्लास भी अटेंड कर सकते हो चैरिटेबल ट्रस्ट की। कहता है पेज नंबर 7.5, जो फॉर्मेट है और जो यहां कॉन्सेप्ट है मैं उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा, क्लैरिटी भी आएगी, एक ये बुक में जो लिखा हुआ वो, दूसरा इसको फिर मैं फॉर्मेट में ले जा रहा हूं, ठीक, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक ही चीज 3-3 बार पढ़ रहे हैं, एक जो बात यहां लिखी है इन्हीं बात को समझने के लिए फॉर्मेट है और फिर हमारे पास क्वेश्चंस है, तो दिक्कत नहीं आएगी, क्लास के अंदर ही रिवीजन हो जाएगा। क्या कहा, मेरी इस वीडियो को दोबारा मत देखना, ठीक, और जो क्लास में लिखाऊंगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना। याद करने का कुछ भी नहीं है यहां पे, जो याद करने का था वो मैंने बताया, पहले पेज पे 4 पॉइंट याद कर लो। सर, याद करने के जहां जहां पॉइंट होंगे मैं बता दूंगा, मुश्किल से मुश्किल 1-2 पेज होगा जो याद करना होगा इस चैप्टर में, अदरवाइज सब प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा इस फॉर्मेट में। सर, हर चैरिटेबल ट्रस्ट, हर एनजीओ, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन मिले, ऐसा नहीं है। सर, उन्हीं चैरिटेबल ट्रस्ट को बेनिफिट मिलेगा जो क्या कर रहे हैं, चैरिटेबल पर्पस चला रहे हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा क्या पढ़ा, क्या जाना कि ट्रस्ट एक सेक्शन है 12A उसमें एप्लीकेशन देती है, और एक नया सेक्शन है 12AB जिसमें ट्रस्ट को क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, या एक कॉन्सेप्ट अभी आया है रिसेंटली प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, वो मिलता है। सबके लिए एक ही सेक्शन है 12AB अब नया वाला, तो वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो भी क्वेश्चन में चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, ये एजम्पशन पर ही बनता है क्वेश्चन कि हाँ वो एक एलिजिबल पर्पस चला रहा है, यानी जो चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में जो पर्पस है वही वो एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ऐसे कह लो कि अप्रूव्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, प्लस चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, वैलिड है। अगर मैं एक ट्रस्ट हूं जो मैं फुल्ली इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और मैं चैरिटेबल पर्पस चला रहा हूं, तो मुझे कैसे कैसे एग्जम्पशन मिलेगा मेरी इनकम के अगेंस्ट में। सर, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है और इसमें काफी सारी इनकम आती है, फॉर एग्जाम्पल लोगों के डोनेशंस। सर, एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए क्या है, लोगों का डोनेशन, एक। दूसरा सर, इंसिडेंटल बिजनेस, अभी ब्रेक से पहले बताया था कि ट्रस्ट कॉमर्शियल बिजनेस भी कर सकती है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉफिट को चैरिटी में यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। एक, जो लोगों के डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, उसकी 3 वेराइटी अभी बताऊंगा।
दूसरा जो आप बिजनेस करते हो, तीसरा ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रस्ट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे पैसिव इनकम, जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम, ट्रस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है उससे डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम। मान लो एज पर सेक्शन 11 ट्रस्ट का पैसा बैंक में रखना था एफडी में, आगे लिखा हुआ है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर एग्जम्पशन लेना है सेक्शन 11 और 12 का तो उसका पैसा वो बताए हुए इन्वेस्टमेंट मॉडल में ही रखेगी, अपने मन से पैसे का मिसयूज नहीं करेगी। 11(5) मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जो भी पैसा रहेगा वो कहां इन्वेस्ट कर सकती है उसकी एक लिस्ट है सेक्शन 11(5) में, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इसको पैसा रखना पड़ता है, अदरवाइज इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो उस इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आएगी, कल को वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो कैपिटल गेन की इनकम, वो इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम है। मान लो ये ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रही है तो हॉस्पिटल का प्रॉफिट, मान लो ये ट्रस्ट स्कूल चला रही है तो स्कूल का प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सब क्या मानी जाएगी इनकम। बोलता है ट्रस्ट की इनकम अगर ट्रस्ट खर्च कर दे चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए इंडिया में, कहां खर्च करना है, इंडिया से बाहर नहीं, सेक्शन 11 12 का एग्जम्पशन लेना है ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको अपना पैसे का यूटिलाइजेशन कहां करना है, अपनी इनकम का यूटिलाइजेशन कहां करना है, इंडिया में चैरिटेबल पर्पस के लिए। सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था पूरे 100 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए में 15% यानी 15 रुपए का आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, सेट अपार्ट कर सकते हैं, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 11(1)(a) में। तो बोलता है द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, मतलब ट्रस्ट के टोटल इनकम में ये इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ट्रस्ट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक, कहता है कौन सी इनकम, बोलता है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, जो प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है। बोला सर डोनेशन वाली बात तो यहां नहीं लिखी है, सर सेम बेनिफिट डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी है, सेक्शन 12 है उसके सपोर्ट में, सेम बेनिफिट। कहता है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया फॉर सच पर्पस, तुम्हें 100 रुपए आए इनकम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से, तुम 100 रुपए खर्च कर दो, बेनिफिट ले लो, तुमको टैक्स नहीं देना, लेकिन चाहो तो तुम थोड़ा रुपया एक्यूमुलेट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। अच्छा, अपने पास रख सकते हो का मतलब ये नहीं कि ट्रस्टी इसका पर्सनल यूज करेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट का जो पर्पस है उसी में ये रुपया यूज होगा, जरूरी नहीं कि सेम ईयर में करो जिस ईयर में इनकम हुई है। कितने रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हो, इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली 15% तक आप मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर सकते हो, टैक्स फ्री अमाउंट को आप एक्यूमुलेट, मतलब अमाउंट को खर्च नहीं करना चाहते हो, तुम सोच रहे हो क्या सर मैं अगले साल खर्च कर दूंगा इसको, या उसके अगले साल, या उसके अगले साल, कोई ईयर की लिमिट नहीं है। एक आगे बताऊंगा एक 5 साल की लिमिट है, वो इस पे काम नहीं करती है, मतलब आप फ्लैट 15% का बेनिफिट देना होगा आपको ट्रस्ट की इनकम पे। पहले ट्रस्ट से जो जो इनकम आ रही है सबको ऐड कर दो, उसके टोटल में 15% घटा दो, सेइंग की द अमाउंट एक्यूमुलेटेड एज पर सेक्शन 11(1)(a) 15% अमाउंट सेट अपार्ट फॉर विच देर इज नो कंडीशन, इस पैसे का तुम कब यूज करोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन करना चैरिटेबल पर्पस के लिए ही, तब तक के लिए प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसको रखना। तुमको मैं पूछने नहीं जाऊंगा कि ये 15 रुपए का तुमने कब यूज किया, करना ट्रस्ट पर्पस के लिए करना। तो जब ट्रस्ट की इनकम निकालेंगे तो उसमें फ्लैट 15% का बेनिफिट देंगे, आंख बंद करके एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन हो। अब एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि इस 15% को घटाना कहां पे है, वो भी मैं बताऊंगा उस फॉर्मेट की हेल्प से। सर बच्चे 15% कहां घटाएंगे, घटाने से पहले कौन कौन सी इनकम लेंगे, वहां कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसका मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ट्रस्ट को कभी कभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है वो डायरेक्शन के साथ मिलता है कि दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस डोनेशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉर्पस, मतलब तुमको ये खर्च नहीं करना है, ये तुम्हारा कैपिटल है। सर बी नंबर क्या है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन,
मैंने क्या बोला था, ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन से इनकम आती है। कंट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं, जिसमें से आपके सामने एक ये भी आ रहा है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में डायरेक्शन के साथ पैसा आया है कि भाई ये तुम्हारा कॉर्पस बनेगा। बोला सर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक तरह से कैपिटल बनेगा, तुमको इसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो बोला सर फिर डोनेशन मिला ही क्यों जब इसको हम खर्च नहीं कर पाएंगे। मैं एक ट्रस्ट को 50 लाख रुपए डोनेट करूं, बोलूं कि ये तुम्हारा कॉर्पस डोनेशन है, ठीक, तो वो ट्रस्ट क्या करेगी, उस रुपए को खर्च नहीं करेगी, उस रुपए को जाके प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देगी, और अब उससे जब फ्यूचर में इनकम आएगी वो ट्रस्ट के पर्पस के लिए यूज होगा, है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कॉर्पस डोनेशन आता है तो उसको इमीडिएटली खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करना ही नहीं है उस, वो आपका एक कैपिटल है, आपका एसेट तैयार हो रहा है। लेकिन अब इसमें कंडीशन आ गई है फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू कि जो भी ये कॉर्पस डोनेशन, इसको क्या कहेंगे यहां से यहां तक, कॉर्पस डोनेशन, इस पर टैक्स नहीं देना है, इस पर टैक्स नहीं देना, सीधा लिखा हुआ शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। सर इसमें खर्च करो तो टैक्स मत देना, इसमें 15% तक का एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ठीक, इसमें तो तुमको टैक्स ही नहीं देना, एक्यूमुलेशन कैसा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यू हैव रिसीव्ड कॉर्पस डोनेशन ऑफ 10 लाख रुपीज, ये ट्रस्ट की इनकम नहीं है, लेकिन अब एक कंडीशन है कि इस पैसे को बाकी पैसे से अलग रखना होगा। मतलब एक ट्रस्ट है उसके पास नॉर्मल डोनेशन आ रहा है और एक आ रहा है कॉर्पस डोनेशन, तो दोनों के पैसे को वो मिला के इन्वेस्ट नहीं करेगा, अलग अलग करेगा, यानी अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेगा। जो नॉर्मल डोनेशन है, जो कॉर्पस डोनेशन नहीं है, वो उसका पैसा कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है उसका लेजर अलग मेंटेन करेगा, और जिस चैरिटेबल ट्रस्ट को ये वाला कॉर्पस डोनेशन मिल रहा है उस डोनेशन का पैसा कौन से बैंक अकाउंट से होते हुए उसने कहां इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल उसको मेंटेन करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट। बोलता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन और मोर ऑफ द फॉर्म्स और मॉड एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 मेंटेन स्पेसिफिकली फॉर सच कॉर्पस। इसको बोलते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज गिवन इन सेक्शन 11(5)। मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं लेफ्ट जाके समझाता हूं, कि तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम्हारे पास डोनेशन आया है 10 लाख रुपए का, नो कंडीशन, क्लियर। तुम्हारे पास और एक डोनेशन आया है 20 लाख रुपए का, इस पे कंडीशन है, कंडीशन है क्या, ये एज अ कॉर्पस डोनेशन है, एज अ कॉर्पस डोनेशन है, तो टोटल कितने हो गए 30 लाख। अब इस 30 लाख में से इन दोनों को तुमको अलग अलग रखना पड़ेगा, 10 और 20। 20 लाख का तुमको डिटेल अलग मेंटेन करना पड़ेगा कि तुम कहां इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा और लेजर अलग रखना पड़ेगा, तुमको स्पेसिफिक होके बताना पड़ेगा। अगर कभी भी तुमसे इनकम टैक्स वाला पूछे कि ये 20 लाख रुपए तुमने क्या किया, तो तुमको बताना पड़ेगा ये 20 लाख रुपए कहां कहां तुमने इन्वेस्ट किया है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर सेक्शन 11(5) तुमको डिटेल्ड मेंटेन करना होगा, तुमको डिटेल्स मेंटेन करना होगा। बहुत सिंपल है, अभी तुम सुनते जाओ तुमको मजा आएगा, डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये 20 लाख रुपए का जो डोनेशन है चैरिटेबल ट्रस्ट का, कंडीशन क्या है कि ये कॉर्पस डोनेशन है, तो ये एग्जम्प्ट हो गया, ये एग्जम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 11(1)(d). अभी फॉर्मेट में ले जाऊंगा, पहले छोटे ही तरीके से नोट समझो। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको डोनेशन मिला है 10 लाख रुपए का, डोनेशन देने वाले ने कोई कंडीशन नहीं दिया, बोला जैसे खर्च करना है करो। जो 20 लाख वाले ने चेक दिया, बोला कि ये तुम्हारा कॉर्पस डोनेशन है, टोटल आ गया इनकम 30 लाख का, 30 लाख में से 20 लाख रुपए पे टैक्स नहीं दिया इसने क्योंकि वो कॉर्पस डोनेशन है, लेकिन कंडीशन है कि इस 20 लाख रुपए को तुम जहां भी रखोगे अपने मन से खर्च नहीं करोगे। कहां रखोगे, जो हमने मेथड बता रखा है कि यहां यहां इन्वेस्टमेंट करना है सेक्शन 11(5) में, वहीं वहीं इन्वेस्ट करोगे।
और मिक्स नहीं करोगे। सर तुम 10 लाख रुपए मान लो कहीं इन्वेस्ट रखना चाह रहे हो, तो उस 10 लाख और 20 लाख को मिक्स नहीं करोगे। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकम टैक्स ऑफिसर आके तुमसे पूछना चाहता है 10 लाख कहां इन्वेस्ट है, तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए कि 10 लाख यहां पे गए, 20 लाख यहां यहां गए। 20 लाख पे तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 लाख का तुम वो शेयर मार्केट में और बिटकॉइन खरीद के बैठे हो, वो सब नहीं करना है। 20 लाख रुपया जो हम बोलेंगे जहां जहां इन्वेस्ट करना है, सेक्शन 11(5) आगे पढ़ाऊंगा, वहां वहां तुमको इन्वेस्ट करना है, तभी तुमको ये एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, अब इस 10 लाख में क्या करोगे? 10 लाख में अभी अभी तुमको बोला मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर सकते हो तुम कितने परसेंट का? 15% का, कितना? 1.5 लाख। तो तुमको इस 1,50,000 को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको खर्च नहीं कर रहे हो। इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहां? वही सेक्शन 11(5) में। लेकिन तुम मिक्स मत करोगे दोनों इन्वेस्टमेंट को। मतलब वो कहते हैं ना कि लिंकिंग होनी चाहिए, 20 लाख रुपया कहां कहां इन्वेस्ट हुआ उसकी लिंकिंग होनी चाहिए, उसका लेजर अलग रहेगा, उसका अकाउंट अलग रहेगा। अभी अभी बताया कि ये 10 लाख रुपया ट्रस्ट की इनकम है, लेकिन उसमें से 15% तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो, कितना? 1,50,000। तो इसको भी तुमको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा जब तक तुम इसको खर्च नहीं कर देते हो। खर्च करना जरूरी नहीं है सर, 10 लाख रुपए ट्रस्ट की इनकम, इस 10 लाख रुपए में 1,50,000 खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक खर्च नहीं करोगे तब तक तुमको इसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा 11(5) वाली मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। लेकिन मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना, उधर वाले 20 लाख को अलग और इधर वाले 1,50,000 को इधर। अब बैलेंस कितना है? 8,50,000। से 7 लाख इज यूज्ड, से 7 लाख इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, बस कर लो यूज। तो अब टैक्सेबल कितना हो गया? टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? 1,50,000। एक छोटा सा मैंने आपको बताया है, अभी पूरा मेन फॉर्मेट में अलग जाऊंगा, एक छोटा सा पॉइंट बताया है कि भाई ट्रस्ट को एक इनकम हो रही है यहां पे। मान लो इस इनकम में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है जिसमें वो 15% का एक्यूमुलेशन कर सकता है, और जो डोनेशन दिया है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल लिया है, प्रॉपर्टी इनकम का नहीं लिया, प्रॉपर्टी इनकम भी यही होगा एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि चैरिटेबल ट्रस्ट को 2 डोनेशन मिले हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, डोनेशन मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन, बात सेम है। लेकिन एक 10 लाख रुपए में कोई कंडीशन नहीं था, दूसरा 20 लाख में बोला था कि ये कॉर्पस डोनेशन है, तो कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट होता है 11(1)(d) में। लेकिन जो 20 लाख का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब तुम उसको बताए हुए जगह इन्वेस्ट करो, और उसको अलग से उसका डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि वो 20 लाख रुपए तुमने कहां कहां इन्वेस्ट किए हैं। डन, एग्जम्पशन मिल गया। अब 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाता, लेकिन उसमें तुमको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन मिल गया सेक्शन 11(1)(a) का। बोला सर एग्जाम में याद रखना पड़ेगा? अरे अभी क्लास में धीरे धीरे याद हो जाएगा, डोंट वरी। 15% का एक्यूमुलेशन मिल गया, तुमको उसको खर्च करने की तुरंत में जरूरत नहीं है, लेकिन उसको तुम तब तक इन्वेस्ट करके रखो 11(5) वाले ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और दोनों को मिक्स मत करना, 20 लाख को और इधर 1,50,000 को। अब कितने खर्च करने हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए? 8,50,000। अब तुमने उसमें से 7 लाख रुपए यूज कर लिए चैरिटेबल पर्पस के लिए, कहां यूज करना था? अभी बताया इंडिया में करना था। तो फाइनली ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? इस एग्जाम्पल में ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? मात्र 1,50,000, टैक्स निल। क्यों? क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है ट्रस्ट की, कितनी? 2.5 लाख रुपए इंडिविजुअल की तरह, 2.5 लाख रुपए तक ट्रस्ट को टैक्स नहीं देना है। देखो ट्रस्ट को कितनी इनकम हुई है टोटल? 30 लाख रुपए, 30 में से 20 लाख कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट 11(1)(d), बचा 10, 10 में से 15% एक्यूमुलेशन कर सकता है, उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है आगे, लेकिन खर्च करे जब भी करना है 11(1)(a), बचा 8,50,000, 7 लाख खर्च कर दिया, बचा 1,50,000 टैक्सेबल। कितना इजी है ठीक। अब मैंने लिया वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट कंडीशन, यहां लिखा हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, इनकम डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट होली
फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड इन इंडिया फॉर सच पर्पस चैरिटेबल पर्पस। लेकिन यहां लिखता है आप 15% एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिर यहां लिखता है कि तुम्हारा कॉर्पस डोनेशन टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन उसको तुमको हमारे बताए हुए मोड में इन्वेस्ट करना होगा, साथ में उसकी डिटेल्ड मेंटेन करनी होगी कि ये भाई कॉर्पस का पैसा यहां इन्वेस्ट हो रहा है, मिक्स नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं कि भैया अब तुम 85% खर्च कहां कहां कर सकते हो, नहीं कर पाए तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इसको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके दूंगा फॉर्मेट के थ्रू। पहले इसको लिख लो। लेफ्ट साइड में मैंने जो नोट किया है पहले आप रजिस्टर में इसी को लिख लो। ये कैजुअल तरीके से समझाया मैंने, एक कैजुअल डिस्कशन है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को दो तरह की डोनेशन मिल रही है, एक कॉर्पस डोनेशन और एक में कोई कंडीशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, नो कंडीशन, नो रेस्ट्रिक्शन। डोनेशन देने वाले ने बोला खर्च कर लो जैसे करना है, तो 10 लाख इनकम की तरफ जाएगा, 20 लाख रुपया एग्जम्प्ट हो गया। अब 10 लाख में से 15% एक्यूमुलेट कर सकता है, एग्जम्प्शन मिल जाएगा और उसको अब आगे जब भी यूज करना चाहे कर ले। बैलेंस 8,50,000 में से 7 लाख रुपए वो खर्च कर देता है चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो टैक्सेबल इनकम कितना 1,50,000। लेकिन फिर भी टैक्स नहीं दे पाएगा क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स देना ही नहीं होता ट्रस्ट को। लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब इस फॉर्मेट का डिस्कशन करते हैं और फॉर्मेट के डिस्कशन के साथ साथ मैं नोट्स पे जाके उस पॉइंट को कनेक्ट करता रहूंगा। फॉर्मेट का डिस्कशन जब आपके साथ करूंगा, ठीक, और साथ साथ में नोट्स में जो बातें लिखी उसको कनेक्ट करता जाऊंगा कि देखो ये वाली बात लिखी है और ये वाली बात मैंने फॉर्मेट में ले ली, ये वाली बात मैंने फॉर्मेट में ले ली, कनेक्शन करता रहूंगा। आप बुक का पेज नंबर या कोई लिंकिंग कर लेना। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, हम किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस फॉर्मेट की हेल्प से। देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मान लो 5 मार्क्स का, सेट ए पहला नंबर क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें ये फॉर्मेट क्यों चाहिए। देखो यहां पे फॉर्मेट बना हुआ है, ये जो छोटा सा फॉर्मेट है इसमें कुछ कम एलिमेंट थे, मेरे में ज्यादा एलिमेंट है। सर अपने पास हर वेरायटी के क्वेश्चन है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूं उससे ये क्वेश्चन आपका विद इन 5 मिनट्स बनने वाला है। कहता है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने से आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करना है हमको फ्यूचर में। तो मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, श्री डब्बा डूबा वाला चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड। अब हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये रजिस्टर्ड वर्ड आ गया, मतलब इसको हम सेक्शन 11 का बेनिफिट देंगे, सेक्शन 12 का बेनिफिट देंगे। हमें अब नहीं जाना है कि सेक्शन कौन सा था इसका रजिस्ट्रेशन का, पुराना वाला 12AA या नया वाला 12AB, या रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए है इसका। क्लास में अभी ब्रेक से पहले क्या बताया था, अब जो नया सेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देता है ना, परपेचुटी लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता ट्रस्ट को, अब हर 5 साल में उसको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वो बात मैं करूंगा आगे, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें थ्योरेटिकल दिमाग नहीं लगाना। ये रजिस्टर्ड है काफी एग्जम्पशन देने के लिए। सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। अभी क्लास में कौन सा प्रीवियस ईयर रेफर कर रहे हैं हम लोग, 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 2021, यही तो। सर कहता है इसको एक इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस 10 लाख रुपए की। अब उसमें से बोलता है 2,20,000 रुपया अगले साल रिसीव हुआ है, यानी इनकम एक्रू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, और जब तक रिसीव नहीं होगी तुम खर्च कैसे करोगे। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हमें सीखना है। अभी देखो क्या बोला, एक ट्रस्ट को अगर इनकम होती है तो उसको अपनी इनकम का 15% वो रख सकता है, 85% खर्च करना पड़ेगा, करूंगा खर्च। लेकिन सर इनकम तो हो गई, रिसीव कहां हुई, रिसीव तो अगले साल हो रही है तो खर्च कैसे करूं। आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 21-22 का है और ये पैसा कब मिला है, अगले साल, ऊपर इनकम में आ गया, मतलब ये क्या है, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो एक ट्रस्ट जिसको इनकम एक्रू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो बेचारा वो खर्च कैसे करेगा गरीबों पे। चलो देखेंगे। अब देखो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख का, जिसमें से 50,000 इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस। अब तुमको पता है क्या करना है, इसको एग्जम्प्ट करना है।
2 लाख में से 50,000 एग्जम्प्ट, 1.5 लाख टैक्सेबल। अभी अभी बताया, देख लो नीचे, 2 लाख में से 50,000 माइनस हो गया, 1,50,000 आ गया। क्या बताया तुमको, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ में से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस में जा रहा है तो वो माइनस कर देना है, सेक्शन 11(1)(d) में एग्जम्प्ट होता है। हाँ, उस कॉर्पस के पैसे को तुम इन्वेस्ट जो करोगे वो 11(5) के अकॉर्डिंग करना और उसकी डिटेल्ड मेंटेन करना, वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रस्ट ने 1,77,500 रुपए खर्च किए, उसके बाद जो पैसा अगले साल आया है 2,20,000 रुपए, उसके लिए उसने इन रेस्पेक्ट ऑफ 220 इट हैज एक्सरसाइज ऑप्शन टू स्पेंड इट विद इन द परमिशन टाइम लिमिट ऑफ द ईयर अंडर रिसीट्स एटसेट्रा। मतलब उसने इनकम टैक्स से परमिशन ले ली कि सर ये पैसा नहीं आया है तो मैं आगे खर्च कर लूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखेंगे क्या कहता है ये पॉइंट। बोलता है डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम। मतलब क्वेश्चन में ट्रस्ट की इनकम है, कुछ इनकम ऐसी है जो रिसीव नहीं हुई है, कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से कुछ कॉर्पस है, नीचे कुछ खर्चे दे रखे हैं, कुछ यहां परमिशन लेने की बात दे रखी है। फाइनली इन बातों को समझते हुए क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम। बस ठीक है, तो बहुत इजी है ट्रस्ट का क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, 6 लाख रुपए प्रॉपर्टी से इनकम आई है, 40% इनकम हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर, एकदम आखिरी में ये पैसा मिला है 40%। सर मुझे ईयर में 6 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन अगर कोई मुझे आखिरी में पैसा देगा तो मैं उसको खर्च कैसे करूंगा। अगर मान लो तुम मुझे 30 मार्च को डोनेशन देते हो लाके, अब मैं उसको 2 दिन में खर्च कैसे करूं। अभी अभी आपने सुना कि ट्रस्ट को 85% रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ट्रस्ट की इनकम 15% तक वो एक्यूमुलेट कर सकता है, मतलब रख सकता है रिजर्व में, लेकिन उसको अपने खर्चे में 85% खर्च करना पड़ेगा। तो अभी एक दिक्कत आई कि सर जब पैसा मेरा रिसीव ही नहीं हुआ तो मैं उसको खर्च कैसे करूं, ये वाला पैसे पे दिक्कत आई कि सर जब पैसा रिसीव ही नहीं हुआ तो खर्च कैसे करूं। और यहां क्या दिक्कत आई, सर खर्च करने का टाइम ही नहीं मिला, क्यों, एकदम आखिरी में ये डोनेशन मिला था। तो क्या इसका कोई रिलैक्सेशन है। फिर बोला कि ट्रस्ट ने 60,000 रुपए खर्च कर लिए, बाकी 40% जो उसको रिसीव हुआ उसने प्लान कर लिया है कि वो अगले साल खर्च करेगा, और अगले साल उसमें से 1 लाख रुपए उसने खर्च भी कर दिया। तो अब ये क्या है। अच्छा, प्रैक्टिकल इशू, सर सुना है ट्रस्ट को अपनी इनकम में से 85% गरीबों पे खर्च करना पड़ेगा तभी उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी जीरो होगी, सही सुना है। सर सुना है चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई डोनेशन कॉर्पस डोनेशन बोल के मिले तो उस पर टैक्स नहीं देना है, सही सुना है। सही सुना है, लेकिन कब क्या होगा अगर पैसा कोई आखिरी में दे जाए, 30 मार्च, 31 मार्च को कोई डोनेशन देगा तो मैं मना करूंगा, नहीं मैं ट्रस्ट हूं तुम डोनेशन दे रहे हो 31 मार्च को मैं ले लूंगा, लेकिन अब एक दिन में मैं कहां गरीबों पे उसको खर्च करूं। तो सर उस पैसे का बेनिफिट कैसे ले, हम खर्च कब करें जो पैसा हमें आखिरी में मिला है। सर हम उसका क्या करें जो पैसा हमें मिला ही नहीं अभी। तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन करना है आपके साथ, कॉन्सेप्चुअली ये सब क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो आइए अब फॉर्मेट पे चलते हैं, मजा आने वाला है। अब हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं, मजा आने वाला है। लिखना नहीं है, मैं आपके साथ ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, डिस्कशन करते करते ये पूरा फॉर्मेट जो भी साफ सुथरा दिख रहा है ये काला खराब हो जाएगा, ये है ना। मैं अभी आपके साथ देख रहा हूं कितना अच्छा लिखा हुआ ये, लेकिन अभी आपको इसको समझाते समझाते मैं इसको खराब कर दूंगा और तुमको लगेगा ये ज्यादा खराब हो गया है। तो वीडियो को 10-15 मिनट पीछे ले जाना और साफ सुथरा फॉर्मेट नोट कर लेना। अभी जल्दबाजी मत करो नोटिंग करने की, अभी प्यार से समझो, अभी प्यार से समझो, ठीक, क्लियर। नोटिंग करने की जल्दबाजी मत करना कि सर तो इसको समझाने में खराब कर देने, वीडियो को 10-15 मिनट पीछे ले जाना, नोट कर लेना साफ सुथरा, मुझे अभी समझा देने दो, लिखने में टाइम बर्बाद मत करो। सर ट्रस्ट की ये एक इनकम है, ट्रस्ट की ये दूसरी इनकम है, ट्रस्ट की यहां तीसरी इनकम है, ये है डोनेशन। बेसिकली ये क्या है, डोनेशन। जब इस तीन तरह की इनकम को ऐड करते हैं तब यहां पहुंचते हैं टोटल पे, और फिर जाके लेते हैं 15% वाला बेनिफिट लेस, जो अभी अभी तुमको बताया कि ट्रस्ट को 15% अपनी इनकम खर्च करने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली, सेक्शन 11(1)(a) फ्यूचर में खर्च कर ले, इमीडिएट खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो 15% का एग्जम्पशन बोलते हैं इसको, इनकम इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 15% एज पर सेक्शन 11(1)(a), ये एक्यूमुलेट कर लो
तुम आगे कभी खर्च कर लेना, प्राइवेट यूज नहीं कर सकते हो, तुम इसको आगे चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लेना, कोई टाइम की कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, अमाउंट सेट अपार्ट, इनकम एक्यूमुलेटेड। तो अभी यहां पहुंचने के लिए सोचो कितनी इनकम का डिस्कशन आपके साथ करना है। तो बोला सर ट्रस्ट की सबसे पहले इनकम फ्रॉम ट्रस्ट प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो तुमको रेंटल इनकम आ सकती है, तुमको इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है, तुमको डिविडेंड की इनकम आ सकती है। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में इसके पास प्रॉपर्टीज है, मान लो घर है, घर हाउस, तो रेंटल इनकम, मान लो इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, बैंक में एफडी है, तो वहां से इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, तो एक ये इनकम हो गई। सर सुना है कि ट्रस्ट बिजनेस भी चला सकता है, हाँ, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। सर जब ट्रस्ट कोई बिजनेस चलाए तो उसकी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट रिसीट को यहां लेना, ग्रॉस को मत लेना। मान लो ट्रस्ट हॉस्पिटल चला रही है तो हॉस्पिटल में जो रेवेन्यू आएगी उसमें जो हॉस्पिटल चलाने का खर्चा है वो यहीं माइनस कर देना। मान लो ट्रस्ट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही है तो चलाने में जो रेवेन्यू आएगी और उसमें जो खर्चा है वो यहीं माइनस माइनस करने के बाद देखना कितना है नेट रिसीट और उसको यहां ले आना। एज्यूमिंग कि ये बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है एंड तुम इसका बुक्स मेंटेन कर रहे हो, ये बात मैंने तुमको बताई कहां, ये बात मैंने तुमको बताई पेज नंबर 7.9 पे तुम्हारी बुक में ब्रेक से पहले, वही मैंने लिख दिया। सर इसके अंदर वो भी इनकम आएगी जो इनकम एक्रूड हो चुकी है लेकिन तुमको रिसीव नहीं हुई है। सर वो भी इनकम आएगी इसके अंदर जो एकदम ईयर एंड पे तुमको मिली है, तुम यहां सारी इनकम को जोड़ो। सर ये जो आप इनकम की लिस्ट बनाए हो क्या इसमें वो भी इनकम आएगी जो एक्रू हुई है रिसीव नहीं हुई है? हाँ। सर इसमें वो भी इनकम आएगी जो एकदम आखिरी में मुझे अर्न हुई है जनवरी फरवरी मार्च महीने में? सर एक डिविडेंड की इनकम आई है 25 मार्च को, इसके अंदर ले लें? ले लो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अगर तुम बिजनेस चला रहे हो तो उसका प्रॉफिट यहां आएगा, नेट रिसीट आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो नेट इनकम बचेगी वो इसके अंदर आएगी, ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर। अगर तुम कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसकी नेट रिसीट्स खर्चा घटाने के बाद जो बचा है पैसा वो यहां आएगा। और अभी ब्रेक से पहले क्या पढ़े थे, ट्रस्ट बिजनेस रन कर सकती है, खाली क्या ध्यान रखना, उस बिजनेस के प्रॉफिट को चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लेना। और अगर तुम वो डेफिनेशन में जो चौथा पार्ट था उसमें हो तो तुम्हारा ओवरऑल रिसीट जो बिजनेस से है वो 20% के अंदर होना चाहिए, ये भी तुम्हारे साथ डिस्कस हो चुका है। दो इनकम का डिस्कशन हो गया। तीसरा, तुमको लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, तो टोटल सर तीन तरह के डोनेशन होते हैं। एक बोला गया कॉर्पस डोनेशन, जो तुमको डोनेट कर रहा है वो बोलता है ये तुम्हारा कॉर्पस डोनेशन है तो फटाफट इसको माइनस कर दो क्योंकि ये एग्जम्प्ट होता है। कौन से सेक्शन में? 11(1)(d) में। दूसरा, कोई तुमको ऐसा डोनेशन मिला है जहां डोनर ने नाम छुपा लिया है, अनोनिमस डोनेशन। ब्रेक से पहले क्या बताया, ये कौन सा डोनेशन है जहां पर डोनर की डिटेल नहीं अवेलेबल है, उसको भी घटाना पड़ेगा इसमें से। क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको शुरू में ब्रेक से पहले कि इस पे सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलता, सीधा 30% का टैक्स लगता है। तो तुमको अननमस डोनेशन जो तुम टैक्स करने वाले हो 115 BBC में कितने परसेंट पे, 30% रेट पे, उसको तुमको यहां से माइनस करना पड़ेगा। दो चीजें माइनस करनी पड़ेगी तुमको अपने टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन से। ठीक, बोला सर इसको समझाना एक बार, तो आइए इसको समझते हैं। सर आप कहना चाहते हो कि मेरे पास एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है, 10 लाख का मेरे पास एक और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये कॉर्पस डोनेशन है, ये कॉर्पस डोनेशन है। ठीक, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं अमाउंट।
मान लो 30 लाख का ये है और ये 5 लाख का है। बोला सर एक और डोनेशन है, अनर्मस डोनेशन। एक और डोनेशन है अनर्मस डोनेशन, वो है 4 लाख रुपए का। अब ये हो गया टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन 39 लाख रुपए का। सर ये अनर्मस डोनेशन क्या है? डोनर ने नाम छुपा लिया है, यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि तुमको टोटल डोनेशन में से इतना कॉर्पस वाला है, इतना अनर्मस डोनेशन। ऐसे समझो तुम्हारा टोटल डोनेशन 39 लाख है, उसमें से कॉर्पस में कितना जा रहा है 5 लाख, और अनर्मस डोनेशन कितना है जहां पर डोनर ने नो डिटेल्स ऑफ डोनर। अनर्मस डोनेशन क्या है? नो डोनर डोनर डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, गुप्त दान। ठीक, और कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन है जिसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला, तुम्हारे पास नाम एड्रेस सब कुछ है डोनर का, वो है 30 लाख। तो ओवरऑल टोटल डोनेशन कितनी हो गई? 39 लाख। अब मैंने बोला इसमें से माइनस करो क्या कॉर्पस डोनेशन, तुम इसमें से माइनस करो क्या कॉर्पस डोनेशन, क्योंकि ये एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11(1)(d), माइनस करो 5 लाख। फिर अभी अभी मैंने बोला इसमें से माइनस करो क्या अनमस डोनेशन, मैंने क्या बोला अनॉनमस डोनेशन माइनस करो। ठीक, लेकिन कौन सा पोर्शन विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC एज द रेट ऑफ 30%। तो क्या सर 4 लाख माइनस होगा? नहीं, पूरा 4 लाख माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि अनॉनमस डोनेशन ऐसा डोनेशन है जिसमें डोनर का नाम नहीं मालूम है, इस पे 30% का टैक्स लगता है, लेकिन तुमको कुछ बेनिफिट मिलता है इसमें। तो बोला सर कितना पोर्शन हम यहां से माइनस करेंगे? तो जितना टैक्सेबल होगा 115 BBC में, जितना टैक्सेबल होगा 115 BBC में। बोला सर 115 BBC में कितना टैक्सेबल होगा? अब आओ ना, कितना टैक्सेबल होगा? तो बोला आपको डोनेशन कितना मिला है, अनॉनमस डोनेशन कितना मिला है? वो मिला है 4 लाख। अब इसमें से तुमको माइनस करना होगा हायर ऑफ, हायर ऑफ एक लिमिट है 1 लाख रुपए की, और दूसरी लिमिट है 5% ऑफ टोटल डोनेशन। ऊपर टोटल डोनेशन कितना है 39 लाख, और इसका 5% कितना होता है 39 लाख इंटू 5% 1,95,000, 1,95,000। इन दोनों में हायर 1 लाख और 1,95,000, इन दोनों में हायर कितना 195। तुमको ये एग्जम्पशन मिलेगा, तुमको इस 195 पे 30% टैक्स नहीं देना है। 195 माइनस 4 लाख, तुमको मात्र 2,05,000 रुपए पे ही 30% का टैक्स देना है। सर ये जो 30% टैक्स है, अनर्मस डोनेशन कितना है 4 लाख, लेकिन 4 लाख पर नहीं लगेगा, मात्र कितने पर लगेगा 2,05,000 पे। सर अनॉनमस डोनेशन मतलब डोनर ने अपना नाम नहीं बताया है, ट्रस्ट बोल रही है कि मुझे टोटल डोनेशन 39 लाख का मिला है, जिसमें से 5 लाख रुपया कॉर्पस डोनेशन है एग्जाम्प्ट, 4 लाख रुपया अनॉनमस डोनेशन है, और 30 लाख रुपया भी नॉर्मल डोनेशन है विदाउट एनी कंडीशन, नाम मालूम है उसमें। तो टोटल डोनेशन कितना हो गया 39 लाख। अब इसमें से कॉर्पस वाले पे तो तुमको टैक्स ही नहीं देना है, तो जो तुम्हारा कॉम्प्यूटेशन है उसमें ये पूरा माइनस हो जाएगा, एज्यूमिंग कि तुम इसको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रखोगे, डिटेल मेंटेन करोगे। अब हम जो टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, नीचे जाके उस पर स्लैब रेट का टैक्स लगने वाला है, और तुमको अनॉनमस डोनेशन भी मिला है 4 लाख रुपए का, कितना 30% जिसपे टैक्स लगता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन पूरा 4 लाख नहीं हटेगा,
कितना हटेगा? सर 4 लाख में से तुमको बेनिफिट मिलेगा। किसका बेनिफिट? गवर्नमेंट कहती है कि अनमस डोनेशन के केस में तुमको कुछ हम बेनिफिट देंगे, उस पर 30% का टैक्स मत लगाओ। बेनिफिट क्या है? तो हायर ऑफ लिमिट 1 लाख रुपए और तुम्हारी टोटल डोनेशन का 5%। तो तुम्हारी टोटल डोनेशन का 5% कितना आया? 1,95,000। तो इतने रुपए तक तुमको 30% का टैक्स नहीं देना है, तो माइनस कर दिया। अब यानी फाइनली तुमको टैक्स कितने पे देना है? 30% का टैक्स 2,05,000 पे। तो वो तुमको अब यहां से माइनस करना पड़ेगा। यानी अब जो तुम्हारा आ जाएगा टोटल डोनेशन, और फिर इसमें से तुम वो जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन करोगे लेस 15% वाली बात, वो अब इसके बाद करोगे। तुम तो टोटल डोनेशन जो अब तुम्हारी इनकम के पार्ट में जाएगा, उसमें से 39 लाख था तुम्हारे पास, 39 लाख था, उसमें से 5 लाख हट गया। ठीक, अच्छा हटना था 4 लाख, लेकिन 4 लाख नहीं हटा, कितना हटा? 2,05,000। तो यानी अब तुम्हारे पास नीचे जो तुम्हारा फॉर्मेट है उसमें जाने के लिए कितना बचा? 31,95। अब तुम वो 15% अभी मैं जो जो सिखाऊंगा वो सब माइनस करते हुए नीचे पहुंच जाना तुम कहां? टैक्सेबल इनकम नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट, और फिर यहां पे ऐड कर देना, ऐड कर देना अननमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। अभी अभी ऊपर कितना माइनस किए थे? 2,05,000, नीचे जाके ऐड कर देना, क्योंकि इस 2,05,000 पे तुमको 30% का टैक्स लगेगा। तुमको यहां पर सेक्शन 11 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 12 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ऊपर के टेबल से इसको माइनस करना था। बोला सर जब बेनिफिट नहीं मिलेगा तो पूरा 4 लाख माइनस करो ना। नहीं होगा पूरा 4 लाख, क्योंकि हम पूरे 4 लाख पे टैक्स नहीं दे रहे 30%। जितने पे तुम 30% का टैक्स दोगे उतना रुपया माइनस करना है। कितना रुपया? 2,05,000। 2,05,000 कैसे आया? एक बेनिफिट लेना पड़ा। बेनिफिट कितना लेते हैं? हायर ऑफ द टू, लिमिट 1 लाख की है और 5% ऑफ योर टोटल डोनेशन। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि 1 लाख रुपए तक का तो कम से कम एग्जम्पशन तुम ले ही लो, 30% का टैक्स मत दो उस पे, अगर तुम्हारे पास अननमस डोनेशन है, गुप्त दान है तो। तो ये फॉर्मेट तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास ये तीन तरह के डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं तो इसको किस तरीके से बनाओगे। इसी को मैंने मेन फॉर्मेट पे डिस्कस किया है। यहां पर मैंने इसी पॉइंट को यहां डिस्कस किया है। देखो यहां पर एक माइनस किया है मैंने कॉर्पस डोनेशन, दूसरा माइनस किया है अननमस डोनेशन विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी, और क्या लिखा है? ओनली टैक्सेबल पोर्शन को हमें यहां माइनस करना है। दो चीजें माइनस करने के बाद फिगर यहां आ गई। ठीक, अच्छा जो यहां माइनस किया है उसी चीज को मैंने नीचे जाके अपने नोट्स में यहां पर प्लस किया है। ये रहा, अगर मान लो ऊपर 2,05,000 मैं कर रहा हूं माइनस, तो नीचे 2,05,000 ऐड भी करूंगा, तब जाके मैं कहां पहुंचूंगा? टोटल इनकम पे। और अभी अभी जो तुमको मैंने साइड में एग्जांपल और फॉर्मेट दिया है वो यही फॉर्मेट दिया है, हायर ऑफ द 5% ऑफ टोटल डोनेशन और लिमिट कितने की? 1 लाख की। इन दोनों में जो हायर हो वो हायर को कंपेयर माइनस करो किसके साथ? अननमस डोनेशन के साथ। बाकी यहां पर आ जाएगा 30% का टैक्स होने के लिए नीचे ऐड करना है सबसे लास्ट में, और ऊपर इसी फिगर को यहां पर क्या करना है? माइनस करना है। तो तुमको अननमस डोनेशन के केस में एक वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, और वो वर्किंग नोट यहां है। वो वर्किंग नोट यहां पर मैंने आपको देने की कोशिश की। वर्किंग नोट कितना रुपया हम माइनस करेंगे अगर अननमस डोनेशन है हमारे पास 4 लाख रुपए का, तो जो हम प्रेजेंटेशन में है कितना रुपया माइनस करेंगे? तो 2,05,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस 2,05,000 को हम लास्ट में वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि इस पे हमें टैक्स देना है कितने परसेंट से? 30% से। तो पहले आप ऊपर माइनस करो और नीचे फिर ऐड करो, अल्टीमेटली टैक्स तो देना ही। तो इसको लिखिए, काफी अच्छी चीज है। देखो बच्चा, एग्जाम में अगर अननमस डोनेशन पे क्वेश्चन आता है वो तो थोड़ा हार्ड होगा, तो इसलिए इतनी मेहनत में आपके पीछे करना। लिखिए इसको,
और अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्लैरिटी और मिलते जाएगी, डोंट वरी। लिखिए, अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिला है 30 लाख, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बाद वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है कॉर्पस के नाम से 5 लाख, और उनके अलावा अननमस डोनेशन मिला है 4 लाख, टोटल मिले हैं 39 लाख रुपीज के डोनेशन। तो इसमें से कितना कितना डोनेशन माइनस होगा फॉर सेपरेट कैलकुलेशन, 5 लाख माइनस होगा और 4 लाख की जगह 2,05,000 माइनस होगा। बाकी फॉर्मेट में हम अभी जो सीखेंगे वो लेते जाएंगे और बाद में इस 2,05,000 को वापस ऐड कर देंगे। वीडियो रोक के लिखिए प्लीज। वीडियो रोक के लिखिए। डन, लिख लिया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, ये भी लिख लिया था, ये कंप्लीट हो गया यहां तक। सर क्या ध्यान रखना है, पूरा 4 लाख रुपए नीचे ऐड नहीं करना है और नहीं यहां पर पूरा 4 लाख हमें माइनस करना है। डन, हमें पूरा यहां पर 4 लाख लेस नहीं करना है अननमस डोनेशन बोल के, हमें एक बेनिफिट लेना है उसमें से जिस पे हमें 30% टैक्स नहीं देना है। बगल में मैंने हिंट यहां दिया भी है, सर वही अननमस डोनेशन घटाना है आपको जिस पे आप 30% का टैक्स देने वाले हो, और वो 4 लाख नहीं है, वो कितना है, 2,05,000 है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट एंड फॉर्मूला। डन, क्लियर। चलिए अब हमारे एग्जाम्पल में हम यहां तक पहुंच गए, हम टोटल तक पहुंच गए अपने एग्जाम्पल में, ठीक। क्या कहता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम कहां कहां से आ सकती है जिस पर इसको 15% का एक्यूमुलेशन मिलेगा और 85% खर्च करना है। सर खर्च करेंगे 85%, पहले इनकम तो देख लें कहां कहां से आ रही है। तो इनकम कहां से आई, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस अंडरटेकिंग बिजनेस इंसिडेंटल टू द ट्रस्ट, रन बाय द ट्रस्ट, रन फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, उसको ऐड करो, उसके बाद कंट्रीब्यूशन डोनेशन को ऐड करो। लेकिन टोटल डोनेशन जो है उसमें कॉर्पस है तो उसको माइनस करो, और टोटल में अगर तुम्हारा अननमस डोनेशन भी मिक्स है तो अननमस डोनेशन का वो पोर्शन यहां से माइनस करो जिस पर तुम आगे 30% का टैक्स देने वाले हो। सर क्यों माइनस कर रहे हो आप 11(1)(d) के कॉर्पस डोनेशन को, क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं देना है इस पे। और बोला सर नीचे अननमस डोनेशन को क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि इसमें अलग से 30% का टैक्स देना है, और ये जो फॉर्मेट बन रहा है नीचे जाने का, ये जो नीचे जाके टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर स्लैब रेट लगेगा, और अननमस डोनेशन पे मान लो तुम्हारे पास गुप्त दान आया है 10 लाख रुपए का और तुमने 10 लाख रुपए गरीबों पे खर्च कर दिया तो उसपे सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब जैसे नीचे 15% एक्यूमुलेट कर लिए तो 15% का बेनिफिट किस पर मिलेगा, उस पोर्शन पे नहीं मिलेगा जो पोर्शन 30% के रेट पे टैक्स होने जा रहा है, इसलिए हमें वो पोर्शन यहां से माइनस करना पड़ता है। अब नीचे देखेंगे कि तुम्हारी ट्रस्ट की इनकम जीरो हो जाएगी अगर तुम पूरा 85% खर्च कर दो गरीबों पे, बट ये जो है कि 15% या 85% का जो बेनिफिट है, ऐसे समझो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 इज नॉट अवेलेबल फॉर अननमस डोनेशन, उस पर फ्लैट रेट है, 30% टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसको यहां से हटाना पड़ेगा, बट पूरा रुपया नहीं हटता है, एक कैलकुलेशन थी जो सिखा दिया। अब उसके बाद क्या पढ़ाया कि तुमको 15% मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर लेना है बिना किसी कंडीशन के। सर नो ईयर लिमिट, नो लिमिट ऑफ ईयर्स, नो लिमिट ऑफ ईयर्स, इसको कब खर्च करेंगे उस पर कोई ईयर की लिमिट नहीं है, तुम इसको जब भी खर्च करना, चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना, जब तक तुम नहीं खर्च कर पा रहे हो कहां रखना 11(5) में। तुमको ये फ्लैट 15% का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा हर ट्रस्ट के क्वेश्चन में। अब बचा कितना, अब बचा तुम्हारी ट्रस्ट का 85% इनकम जो तुमको अब खर्च करना है, नहीं करोगे तो इस पे टैक्स लग जाएगा। बोला सर वो पैसा कहां गया जो आपने यहां पर ऐड कराया,
इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड नियर द क्लोज ऑफ ईयर, और या फिर ये वाला पैसा जो सर इनकम एक्रू तो हो गई रिसीव नहीं हुई, या फिर सर इनकम बहुत लास्ट में आई है मेरे पास मार्च में आई है, खर्च कैसे करूं? सर एक डोनेशन 31 मार्च को दे दिया ऑनलाइन मेरे अकाउंट में, तो क्या करूं? इनकम तो मानूंगा ना, तो इनकम तुमको मानना पड़ेगा। 15% का बेनिफिट लेके कहां पहुंच गए? 85% पे। अब उस 85% को कहां कहां खर्च करेंगे? तो एक हिस्सा ये रहा खर्च करने का, दूसरा हिस्सा यहां पे है खर्च करने का माइनस करने का, तीसरा हिस्सा यहां है, तब जाके आपको क्या निकलेगा? टैक्सेबल इनकम अदर देन अनॉनमस डोनेशन। अब उसमें अनॉनमस डोनेशन ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट, जिस पे टैक्स लगाएंगे तो दो रेट से टैक्स आएगा, अनॉनमस पे 30% बाकी पे स्लैब रेट। इसी फॉर्मेट पे यहां तक पहुंचना है, बट पहले ऊपर की बात आप लिख लो। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अभी तुम थोड़ा सा मान लो पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो अजीब सा लगेगा, लेकिन बात मानिए मैं क्लास के अंदर ही इस पूरे फॉर्मेट को आज याद करा दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। बस मेरे साथ साथ रहिए, मैं आपको क्लास के अंदर ही पूरा याद करा दूंगा। आपको ऐसे लगेगा कि भाई बस अब एग्जाम कल हो जाए, मैं कल अटेम्प्ट कर दूंगा क्वेश्चन, इस तरीके का फील आएगा। ये बताया कॉर्पस डोनेशन 20 लाख रुपए पे तुमको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी को तुम 15% वाली कैटेगरी में एग्जम्पशन लेके बैलेंस को खर्च करके टैक्स बचा लो, ठीक। और यहां तुमको बताया कि अनॉनमस डोनेशन अगर 4 लाख है तो पूरा 4 लाख 30% पे टैक्सेबल नहीं होगा, कितना होगा? 2,05,000 टैक्सेबल होगा, और वही यहां माइनस होता है। इस फॉर्मेट में कहां तक पहुंच गए हम लोग? यहां तक नोट कर लो, यहां तक प्लीज आप यहां तक नोट कर लो, ठीक। थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं, चलिए नोटिंग स्टार्ट कीजिए। डन, वीडियो रोक के नोट किया, डन वीडियो रोक के नोट किया। नेक्स्ट, तीन तरह की इनकम है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट, बिजनेस इंसिडेंटल टू ट्रस्ट एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें तीन तरह के डोनेशन हो सकते हैं, कॉर्पस अनॉनमस एंड नॉर्मल। कॉर्पस का क्या होगा, अनॉनमस का क्या होगा, मैंने बता दिया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, डन वीडियो रोक के यहां तक लिख लिया। कहां तक पहुंच गए सर? 15% माइनस करने के बाद 85% खर्च करना है, वहां तक पहुंच गए। अब आइए और सुनते हैं, लिखना नहीं है, अब मैं बताऊंगा तब लिखना है, अभी नहीं लिखना है कुछ भी। अब इसमें जो माइनस करना है, 85% तक तो पहुंच गए हम लोग, लिख लिया आप लोगों ने। सर ट्रस्ट की इनकम का डिस्कशन हो गया, उसमें से हमने एक एडजस्टमेंट्स कर ली, अगर ट्रस्ट कोई बिजनेस चला रहा है तो उसमें से एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कर लेनी है, अगर ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन या अनॉनमस डोनेशन आ रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, उसके बाद जो इनकम बचेगी उसमें 15% एडजस्ट करके हटा दो। अब बचा 85%। अब ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस, मान लो ट्रस्ट इज का चैरिटेबल पर्पस है रिलीफ टू द पुअर, या फिर एडुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स, तो उन पे ट्रस्ट खर्चा तो करेगी। तो ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर का भी ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 21-22, ड्यूरिंग द ईयर जो भी खर्चे हैं ट्रस्ट के चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको माइनस करना है, जो एक्चुअल खर्चे हैं। इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस ड्यूरिंग द ईयर, जो आप कह सकते हो कि ये क्या है सर, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी अब तुमने ट्रस्ट पर्पस के लिए किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर की ये इनकम है उसमें से अब कौन से खर्चे हो सकते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हो। मान लो तुम हॉस्पिटल चलाने वाले ट्रस्ट हो, अब हॉस्पिटल में तुम बड़े बड़े इक्विपमेंट खरीदोगे, मान लो तुम ट्रस्ट हो जो स्कूल चलाते हो तो स्कूल की बिल्डिंग खरीदोगे, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस होगा, जरूरी नहीं कि खाली रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही माइनस हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस करोगे। उसके अलावा मान लो पहले तुमने लोन लिया था, पहले तुमने लोन लेके खर्चा किया था, तो पहले लोन लेके खर्च कर दिया वो तो कहीं माइनस नहीं हुआ, अब तुम जब लोन को लौटाओगे तो वो माइनस होगा। सर आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन लेके मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया ट्रस्ट पर्पस के लिए, मान लो एक ट्रस्ट में ट्रस्ट पर्पस के लिए जमीन खरीदनी थी, बिल्डिंग खरीदने की थी, अब तुमने लोन लेके खर्च कर दिए,
तो उस समय तो तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, अब जब तुम लोन लौटाओगे तो तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा मान लो तुम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीन खरीद रहे हो, तो ध्यान रखना उस पर तुमको कोई भी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। मान लो तुमने यहां पर प्लांट खरीदा, यहां पर मान लो तुमने फर्नीचर खरीदा, तो तुमको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ तुमने जो प्लांट खरीदा फर्नीचर खरीदा उसको तुम यहां माइनस कर दो, यू हैव परचेज्ड सम एसेट्स फॉर चैरिटेबल पर्पस, माइनस कर दो। अब उसमें फ्यूचर में तुम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते क्योंकि पूरा का पूरा कॉस्ट ही यहां से माइनस हो गया। तुम लोन माइनस कर दो। और अब मान लो तुम खुद खर्च नहीं कर पा रहे हो तो तुम दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दे दो, वो भी माइनस हो जाता है। खाली डोनेशन देते समय तुम कॉर्पस डोनेशन बोल के डोनेशन मत देना। एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देगी तो वो यहां अप्लाइड में काउंट हो जाएगा, लेकिन कॉर्पस बोल के डोनेशन ना दे, क्योंकि अगर मैं कॉर्पस बोल के डोनेशन दूंगा तो फिर वो खर्च नहीं करेगा। तो लोग ना पहले मिसयूज करते थे प्रोविजन का, ये पिछले 2 साल की अमेंडमेंट है कि नॉट एज अ कॉर्पस डोनेशन, उसमें लिख दिया, अमेंडमेंट आ गई कि भैया कॉर्पस डोनेशन बोल के मत देना। तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम्हारे पास ऊपर काफी सारी इनकम है इंक्लूडिंग डोनेशन, अब तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो, तुम चाहते हो पैसा दूसरे ट्रस्ट के पास चला जाए, तो जाने दो, वो भी यहां माइनस हो जाएगा, लेकिन कॉर्पस डोनेशन बोल के पैसा मत देना। क्लियर? जब लोन लेके खर्च करोगे तो वहां ऊपर माइनस नहीं होगा, नॉट फ्रॉम लोन अमाउंट। मान लो तुमने कोई लोन लेके बिल्डिंग खरीदी तो ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन अब जब तुम लोन लौटाओगे तो उसका पैसा तुम यहां माइनस करते रहना। बोला सर ये क्या लिखा है, चेक सेक्शन 40A1A और 40A3, ये पीजीबीपी से रिलेटेड है, ये भी पीजीबीपी से रिलेटेड है। क्या पढ़ते हैं पीजीबीपी की क्लास में? आपका पीजीबीपी क्लास हो चुका है और से नहीं आपने पीजीबीपी अभी तक पढ़ा है, वॉल्यूम 3 का टॉपिक है पीजीबीपी, आपका हो चुका है ठीक, या फिर इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट। सर पीजीबीपी में आप क्या पढ़ते हो, 10,000 रुपए से अधिक का खर्चा पेमेंट करोगे तो अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ही ड्राफ्ट के थ्रू करना, कैश में मत करना, नहीं तो वो पूरा का पूरा रुपया डिसअलाउ हो जाएगा। वो सेक्शन सेम यहां एप्लीकेबल है इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। और क्या पढ़ते हैं पीजीबीपी की क्लास में, अगर किसी रेसिडेंट को इंडिया में कोई पेमेंट कर रहे हो, प्रोफेशनल फी हो गया, रिपेयर का पैसा हो गया, तो उस पर टीडीएस काट लेना, नहीं तो 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो प्रोविजन है पीजीबीपी के रिलेटेड टू एक्सपेंसेस कि अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को इंडिया में कर रहे हो तो टीडीएस काट के करो वरना 30% ऑफ एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा, वो नियम यहां एप्लीकेबल कर दिया है, एप्लीकेबल है ध्यान रखना। और पीजीबीपी की क्लास में पढ़ते हो कि अगर खर्चों की पेमेंट कैश में करनी है तो लिमिट 10,000 है, 10,000 के ऊपर तुम ऑनलाइन पेमेंट करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, अकाउंट पे ई चेक, अकाउंट पे ई ड्राफ्ट, भीम ऐप, इन सब के थ्रू करो, कैश में, बियरर चेक में। क्लास में पढ़ाता हूं, एग्जांपल भी देता हूं पूरा। तो यहां जो आप माइनस कर रहे हो 85% रुपीस तुमको खर्च करने हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, 15% का बेनिफिट तुमको पहले मिल गया, तुमको यहां पे कॉर्पस डोनेशन का बेनिफिट पहले मिल गया, तुमको कॉर्पस डोनेशन का बेनिफिट पहले मिल गया, तुमको फिर यहां 15% का बेनिफिट मिल गया ठीक। अब तुमको 85% खर्च करना है, तो खर्च करते समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट भी माइनस कर सकते हो, खाली वो कॉर्पस डोनेशन आगे ना जाए। तुमको मिला तुम्हारा ऊपर एग्जाम्प्ट, अब तुम दूसरे को मत दो यहां अगर माइनस करना है तो। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस में पीजीबीपी के 2 सेक्शन अप्लाई होंगे, एक कैश पेमेंट कर रहे हो तो 10,000 की लिमिट, उसके ऊपर माइनस नहीं होता अगर कैश में करोगे। अगर मान लो ट्रस्ट ने कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेमेंट कैश में की है से 40,000 रुपया एक दिन में, तो यहां माइनस नहीं होगा। और मान लो यहां रेवेन्यू एक्सपेंसेस में मान लो कोई पेमेंट की है रॉयल्टी की, इंटरेस्ट की, कमीशन की, या से सीए की ऑडिट फी, व्हाटएवर जो भी है, सर 30% खर्चा डिसअलाउ जो करते हैं वो यहां पर खर्चे को 30% से कम कर देना। मान लो 100 रुपए की पेमेंट की टीडीएस काटना भूल गए तो यहां 100 नहीं फिर 70 ही माइनस होगा, क्योंकि वो पीजीबीपी का सेक्शन आप टीडीएस से रिलेटेड पढ़ते हो, 30% का खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, तो अलाउ कितना होगा उतना यहां माइनस कर दो। तो ये बात मैंने यहां पर ऐड कर दी। और क्या ऐड किया, अच्छा नोट्स में लिखा हुआ अभी दिखाऊंगा सारा। और क्या, जो यहां पे तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके मान लो कोई प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग खरीदी है तो उस पर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बोला सर बस आ गया बैलेंस टैक्सेबल कर दें? नहीं, अब तुम एक्चुअल खर्चा नहीं कर पाए
तुम एक्चुअल खर्चा नहीं कर पाए, अब हम खर्चा डिम्ड एप्लीकेशन मान के यहां माइनस करेंगे। देखो जो एक्चुअल खर्चा तुम कर पाए वो तो यहां माइनस कर दिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन है 10,000 की, टीडीएस की, डेप्रिसिएशन की, अब तुम खर्चा नहीं कर पाए वो भी माइनस होगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। उसके लिए तुमको नेसेसरी एप्लीकेशन देना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिसर को रिटर्न फाइल करने से पहले, वो सब अभी बताऊंगा। पेज नंबर 7.5 पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। डिम्ड एप्लीकेशन यानी तुम एक्चुअल खर्चा पैसे का नहीं कर पाए फिर भी तुमको यहां माइनस करने मिलेगा। बोला सर कौन सा पैसा? वही जो ऊपर डिस्कस कर रहा था, इनकम एक्रू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, खर्च कैसे करें? तो ऊपर तुम ले चुके हो उसको इनकम में, अब तुम 15% माइनस करने के बाद जब नीचे और माइनस कर रहे हो तो उसमें पूरा रुपया माइनस कर देना जितना ऊपर था। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी इनकम एक्रूड हो गई है 2,00,000 जो रिसीव नहीं हुई है, तो पूरा यहां 2,00,000 रुपया खर्च माइनस कर देना, एज्यूमिंग कि जब भी यह पैसा मिलेगा तुम खर्च कर दोगे चैरिटेबल पर्पज के लिए। सर मैंने क्या बोला था ऊपर, ये जो इनकम का चार्ट था इसमें मैंने क्या बोला था? तुम इसमें वो भी इनकम ले लेना जो रिसीव नहीं हुई है, एक्रू हो चुकी है, वो भी पैसा ले लेना जो एकदम लास्ट में तुमको मिला है। लेकिन अब तुम उसको खर्च कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, टाइम चाहिए। तुम उसको यहां डिम्ड एप्लीकेशन बोल के माइनस कर दो कि यस खर्चा कर दिया। कौन सा सेक्शन बोलता है? 11(1), कौन सा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन 2। लेकिन इसके लिए तुमको एप्लीकेशन देनी होगी इनकम टैक्स ऑफिसर को, वहां से नेसेसरी परमिशन लेनी होगी, वो एज्यूम करो कि ले लिया। ये पेज है 7.5। क्या माइनस करना है? दो चीज, एक इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। क्या गारंटी दे रहे हो तुम यहां पे कि सर ये जब पैसा रिसीव होगा तो मैं खर्च कर दूंगा? और मालूम है इनकम टैक्स क्या बोलता है? तुम जिस ईयर में खर्चा मिला है उस ईयर में खर्च कर दो, ये वाला पैसा जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में कर दो या उसके अगले साल कर दो, यानी 1+1 का तुमको यहां ऑप्शन मिल रहा है। सर पहले तो बोला यहां घटा दो इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन आगे जब भी ये रिसीव होगा जिस भी ईयर में उस ईयर और उसके अगले साल इसको खर्च कर देना, वरना इनकम ट्रीट कर लेंगे। मैं इस पर भी एग्जांपल दूंगा। और कौन सा पैसा माइनस करना है? सर जो एकदम लास्ट में मिला, इनकम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको तुम अगले साल खर्च कर पाओगे, इस साल टाइम नहीं बचा है। मान लो किसी ने 25 मार्च को डोनेशन दिया या कोई इनकम तुमको 25 मार्च को आई, अब 6 दिन में कैसे गरीबों को ढूंढ ढूंढ के खर्च करें? तो यहां पे परमिशन ले लो कि सर ये पैसा मुझे मार्च में आया है, ये पैसा मैं अप्रैल मई में खर्च कर दूंगा का एओ को एप्लीकेशन लगा के अप्रूवल ले लो और यहां माइनस कर दो। दो चीजें डिम्ड बोल के तुम माइनस कर सकते हो, एक इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड और एक इनकम रिसीव्ड है बट अनेबल टू स्पेंड बिकॉज ऑफ सम टाइम प्रॉब्लम, कि सर मार्च में पैसा आया है खर्च कैसे करूं? अब 31 मार्च को कोई डोनेशन देगा मना तो नहीं करूंगा, खर्च भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसको तुम यहां माइनस कर सकते हो क्योंकि ऊपर तुम इनकम में ऐड कर चुके हो। ध्यान रखना इनकम में ऐड सॉ टॉप पे करना है, फिर 15% यहां माइनस कर देना यहां, उसके बाद यहां एक तो 15% माइनस हो गया ना, अब जितना रुपया ऊपर ऐड किए थे ये सब वो सब यहां माइनस हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 20,00,000 की इनकम में से 5,00,000 वो इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है, यहां 5,00,000 घटा देना। लेकिन ध्यान रखना अगर तुम इस पैसे को आगे नहीं खर्च करोगे तो इनकम ट्रीट होगा, जैसे ये सेकंड वाला पैसा अगले साल खर्च करना होगा, नहीं करोगे तो इनकम, और ये रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड वाला पैसा जिस साल रिसीव होगा और उसके एक साल और खर्च करने का मौका मिलेगा, 1 ईयर सरप्लस आपको यहां मिल रहा है, 1 साल और मिल रहा है आपको, खर्च कर दो। बोला सर अब तो पहुंच जाए टैक्सेबल इनकम पे? नहीं, अब एक और ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है ट्रस्ट को पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं आगे जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मोटा पैसा। अगर एक ट्रस्ट 100 रुपए में से 85 रुपए खर्च ही कर लेगी तो मात्र 15 रुपए से वो आगे क्या कर पाएगी, समझ रहे हो? एक ट्रस्ट बोलती है मुझे लोन नहीं लेना है, मैं हर साल 50-50 लाख रुपए इकट्ठा करता हूं, अगले 4 साल के लिए 2 करोड़ 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लूंगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है कि ट्रस्ट खर्चा ही ना करे और 5-6 साल के लिए पैसा इकट्ठा कर ले, रिजर्व बना ले? हाँ, सेक्शन 11(2) बोलता है तुम पैसे को अलग कर लो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसके लिए भी तुमको एप्लीकेशन और नेसेसरी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये भी मैं तुमको भी बताऊंगा पेज नंबर 7.7 पे। ट्रस्ट के पास एक और ऑप्शन है पैसे को कितने साल के लिए एक्यूमुलेट करने का, 5 साल, और वहां 1 साल का ग्रेस मिलता है तुमको
टोटल तुम आगे 6 साल तक पैसा अलग कर सकते हो जो तुम यहां माइनस कर दोगे। बोला सर इस पैसे को जिस पर्पस के लिए तुमने सेट असाइड किया है उसी पर्पस के लिए खर्च करना है, और खर्च एक्यूमुलेशन कितने साल के लिए कर सकते हो? 5 साल, और खर्च करने के लिए तुमको 1 साल का और ग्रेस मिलता है, नहीं तो फिर 6 साल फिर जाके इसको क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा, इस पे भी एग्जाम्पल दूंगा। अभी खाली ध्यान रखोगी क्या क्या माइनस कर सकते हैं। अब फिलहाल फाइनली हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं, टैक्सेबल इनकम आ गई, लेकिन अभी इसमें अननिमस डोनेशन नहीं है क्योंकि वो ऊपर से माइनस कर दिए थे। अब उसको यहां ऐड कर दो, आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट का। ये क्या है? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके क्या बताया था, अननिमस डोनेशन में तुमको बेनिफिट मिलता है कितने का, 1 लाख रुपए की लिमिट और 5% ऑफ टोटल डोनेशन। याद रखना ये 5% टोटल डोनेशन का है, इनकम का नहीं। टोटल डोनेशन में बिजनेस इनकम नहीं आएगी, टोटल डोनेशन वाली इनकम आएगी। इसमें प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आएगी, रेंट इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ डोनेशन। डोनेशन 3 तरह के, वही वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी कंडीशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस वाला और अननिमस डोनेशन, तीनों को मिला दिए तो टोटल डोनेशन उसका 5% या लिमिट 1 लाख रुपया, विच एवर इज हायर का तुमको बेनिफिट मिल जाएगा, बैलेंस तुम्हारा 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। और यही जो 30% पे अमाउंट टैक्सेबल है वो ऊपर तुमने माइनस किया था। अब तुम्हारे पास दो फिगर हैं, ये वाली फिगर पे स्लैब रेट और नीचे वाली अमाउंट पे 30% का टैक्स। तो नीचे मैंने टैक्स में लिख दिया अनमस डोनेशन पे 30%, बाकी पे स्लैब रेट। तुम फिर उसमें सरचार्ज से जोड़ देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। 2.5 लाख का लिमिट का बेनिफिट लेना है तुमको। सर तुमको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए का, जैसे इंडिविजुअल एचईएफ को देते हैं, लाइक इंडिविजुअल एचईएफ, वो तुमको बेनिफिट यहां स्लैब रेट पे लेना है, सरचार्ज से जैसे जोड़ना है जोड़ दो। सर अगर किसी क्वेश्चन में अननिमस डोनेशन रहा तो क्या करेंगे, ऊपर माइनस करना है, नीचे जाके प्लस करना है इनकम दिखाते समय। सर ऊपर उतना ऊपर जाके माइनस क्यों किए? क्योंकि वो बीच में जो बेनिफिट मिला है ना खर्चा करने का, कि तुम खर्च कर दो माइनस कर दो, 15% माइनस कर दो, तुम चैरिटेबल पर्पस में खर्च कर दो, तुम डिम्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो, वो सब बेनिफिट अननिमस डोनेशन पे नहीं मिलता है। अननिमस डोनेशन पे नो एग्जम्पशन, नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, कोई एग्जम्पशन नहीं है। खाली इसका अपना एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि 5% ऑफ टोटल डोनेशन और ₹1 लाख विच एवर इज हायर, तुम घटा के 30% का टैक्स लगाओगे। ये जो घटाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये सेक्शन 115 BSC के अंदर लिखा हुआ है कि भैया 30% टैक्स लगाते समय तुम अननिमस डोनेशन में से ये लिमिट घटा दो, क्या हायर ऑफ 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन। यानी गवर्नमेंट मिनिमम 1 लाख रुपए तो तुमको छूट दे ही रही है जिस पर 30% का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक फ्लो है। खर्चे में क्या क्या घटाना है, 3 एरिया मैंने बांटा है खर्चे में घटाने का। पहले तो 15% का बेनिफिट ले लो, अब तुमको 85% खर्च करने हैं, तो एक्चुअल खर्चा घटा दो, उसमें तुम रेवेन्यू ले लो, कैपिटल ले लो, रीपेमेंट ऑफ लोन ले लो, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट ले लो, कॉर्पस वाला नहीं। उसके बाद डिम्ड एप्लीकेशन, ऐसा पैसा जो रिसीव नहीं हुआ उसको घटाओ, ऐसा पैसा जो तुम खर्च नहीं कर पाए एकदम लास्ट में मिला था उसको घटाओ। उसके बाद कोई पैसा तुम स्पेसिफिक पर्पस के लिए 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किए हो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तुम क्या खरीदना चाहते हो, एक बिल्डिंग एक जमीन, उसको तुम माइनस कर दो, बस टैक्सेबल इनकम। अब अगर क्वेश्चन में अननिमस डोनेशन है जो ऊपर तुमने माइनस किया था वो नीचे ऐड कर दो जिसपे 30% का टैक्स लगेगा। आपका फॉर्मेट कंप्लीट है। अब इस फॉर्मेट में छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे इस 5 साल वाले का क्या है ट्रीटमेंट बताना सर, ये सर इनकम रिसीव्ड एट द लास्ट मोमेंट का क्या एडजस्टमेंट है सर बताना, सर इनकम जो रिसीव नहीं हो इसका क्या एडजस्टमेंट है बताना, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुमको और अभी क्लियर करूंगा और तुमको नोट्स से कनेक्ट करके दूंगा। एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो, यहां तक लिख चुके थे, 85% तक लिख चुके थे, अब इसके आगे कंटिन्यू करो। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन वीडियो रोक के लिख लिया। चलिए ये तो हो गया, आपने वीडियो रोक के छोटी छोटी बातें लिख ली। अब मान लो ट्रस्ट है,
ट्रस्ट को प्रॉपर्टी इनकम हो रही है, मान लो ट्रस्ट को प्रॉपर्टी इनकम हो रही है 20 लाख रुपए की प्रीवियस ईयर, 21-22 जो आपका ईयर है ना, प्रॉपर्टी इनकम मान लो ट्रस्ट को हो रही है 20 लाख रुपए और कोई इनकम नहीं है। अब इसमें इंक्लूड्स इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख विच इज एक्चुअली रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक, ये है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। कहता है एक ट्रस्ट है जिसको प्रॉपर्टी की इनकम है 20 लाख रुपए की, इनकम फ्रॉम ट्रस्ट प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट पर्पस के लिए यूज हो रही है 20 लाख में से, लेकिन 3 लाख रुपए वो है जो उसको इनकम एक्रूड तो थी लेकिन रिसीव नहीं हुई, रिसीव कब हुई है जाके 23-24 में। ठीक है, तो अब इस 3 लाख रुपए के एडजस्टमेंट के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस 20 लाख रुपए को जाने दो नीचे, बाकी इनकम के साथ इसको जोड़ दो, 20 लाख रुपए को जाने दो। सर मान लो डोनेशन होगा, डोनेशन भी ऐड कर दो, बिजनेस की कोई इनकम होगी उसको भी ऐड कर दो। अब यहां तुम माइनस करो एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 11(1)(a)(15%) 3 लाख, अब यहां बच गया बैलेंस 17। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंसेस मेड फॉर चैरिटेबल पर्पस, मान लो क्वेश्चन में पर्पस दे रखा है कि तुमने चैरिटेबल पर्पस के लिए 11 लाख रुपए खर्च किए हैं इससे, तो तुम वो माइनस कर दो। और अब तुम इस पैसे को भी यहां आके माइनस कर दो, कौन सा पैसा जो ऊपर इनकम एक्रूत है, ये 3 लाख रुपए इस 20 लाख में है, हाँ है सर, तो इस 3 लाख को भी तुमको घटाना है, ये तुमको ध्यान रखना, लेस इनकम एक्रूड इंक्लूडेड बट नॉट रिसीव्ड। क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 का, ये पैसा कब मिला जाके 23-24 में, तो इसको भी तुम यहां क्या करो माइनस करो। और एक 15% तो तुमका डिफॉल्ट है, वो तो करोगे ही करोगे। इनकम को जोड़ने के बाद सबसे पहले वो 15% किसका, जो तुम्हारी इनकम है उसका 15% माइनस करना, उसके बाद तो जो तुमने एक्चुअल खर्चा किया है, कैपिटल रेवेन्यू दूसरों को डोनेट किया वो सब माइनस करो, और जो इनकम रिसीव नहीं है उसको भी माइनस करो, तो फाइनली टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई ये माइनस तो फाइनली टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। बस ये ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम हो गई, स्लैब रेट लगा दो। अब जो ये पैसा 3 लाख का टैक्स ट्रीटमेंट है, इस 3 लाख का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक, अब टैक्स ट्रीटमेंट में मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में तुमको ये 3 लाख रुपए रिसीव हुए, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये 3 लाख रुपए तुमको कब रिसीव हुए, 23-24 में, जिस ईयर में रिसीव हुए उस ईयर में खर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम बेनिफिट तो ले चुके हो। सर इस 3 लाख को खर्च करना पड़ेगा, तुम बेनिफिट ले चुके हो। अब इसमें से क्या है, तुमने रुपीज 2 लाख खर्च किया है यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये तुमको प्रूफ करके देना होगा कि तुमने इसमें से पैसा खर्च किया है, 2 लाख ही खर्च कर पाए जिस ईयर में तुमको पैसा मिला है। अब तुमको 1 साल का और ग्रेस मिलेगा, 60,000 अगेन इसमें से खर्च कर दिए तुमने चैरिटेबल पर्पस के लिए इन नेक्स्ट ईयर 24-25। अब शॉर्टफॉल कितने का हुआ जो तुम खर्च नहीं कर पाए, शॉर्टफॉल अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड कितना, 40,000। अब इसको तुमको टैक्सेबल करना होगा, लेकिन किस ईयर में करोगे, जिस ईयर में मिला है उसके अगले साल, फॉलोइंग ईयर द
ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ रिसीट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक्ट कह रहा है तुमको ये एग्जाम में करना होगा, ईयर सब ठीक से मेंशन करना होगा तुमको। सर जो पैसा मिला है उसको खर्च करने के लिए तुमको 1+1 टू ईयर मिलेंगे, एक जिस साल वो पैसा मिला है उस साल खर्च करो, उसके बाद अगले साल भी चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करो, लेकिन खर्च करो, नहीं करोगे तो फिर हम टैक्सेबल कर देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी यहां पर 3 लाख रुपए का बेनिफिट ले चुके हो। बेनिफिट यहां लेने का मतलब है तुम इसको आगे खर्च करोगे, और आगे खर्च करने के लिए तुमको 2 साल मिल रहे हैं, जिस साल तुमने रिसीव किया और जिस साल तुमने रिसीव किया उसका अगला साल। इसके लिए रिसीव वाला पॉइंट क्लियर कर दिया। अब रिसीव वाले पॉइंट में एक और पॉइंट था यहां पे, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर क्या मैंने बोला, इस वाले पॉइंट पर मैंने क्या बोला, इसको अगले साल ही खर्च करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमको ये पैसा एकदम आखिरी में मिला था। अब ये क्वेश्चन किसका है, प्रीवियस ईयर 21-22 का। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 21-22 का। ठीक, 21-22 में तुमने इस पैसे का यहां बेनिफिट ले लिया, बोला कि सर ये मैं खर्च नहीं कर पाया, एकदम आखिरी में मिला था, तो तुमको इसको अगले साल खर्च करना होगा, नहीं किए तो अगले साल की इनकम। इसमें एक साल का और ग्रेस नहीं है, ये खुद ही ग्रेस हो गया ना, कि सर मुझे मार्च में कुछ पैसा आया था ऊपर, वो मैंने यहां टैक्स कर दिया है, इसमें ले लिया है। सर इसमें से कुछ पैसा, ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, इसमें से कुछ पैसा मुझे मार्च में आया, मैं खर्च नहीं कर पाया, तो अप्रैल मई में कर लो, घटा दो यहां पे। अब तुम यहां घटाए हो 2 लाख, लेकिन खर्च कर पाए 1 ही लाख, तो टैक्सेबल 1 लाख करना कब, अगले साल टैक्सेबल कर देना। टू बी स्पेंट इन नेक्स्ट ईयर यहां लिख दिया है मैंने, टू बी एक्सपेंट इन नेक्स्ट ईयर बैलेंस क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। कौन से प्रीवियस ईयर में, अगले साल 22-23 में। जितना खर्च पाओगे कर पाओगे, पैसे तो तुमको आ चुके, खर्च करना था ना, खर्च कर दो अगले साल, नहीं तो टैक्स कर देंगे। अब एक एग्जांपल ये 5 साल वाला दूंगा तुमको, अमाउंट सेट अपार्ट फॉर 5 इयर्स, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, अब क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी लिंक करके दूंगा, प्लीज इसको नोट करें। एकदम क्लास में सारा ट्रीटमेंट इजी कर दूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं क्लास के अंदर खुद दे रहा हूं। एक ट्रस्ट है जिसको 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इनकम है, जिसमें से 3 लाख रुपया इनकम एक्रूड तो हुई है लेकिन रिसीव 2 साल के बाद हुई है, तो सबसे पहले उसको इनकम का पार्ट मानो। तुमको यहां 20-3 17 नहीं करना है, 20-3=17 नहीं करना है, वो इनकम का पार्ट मानो। उसके बाद 15% का जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन है, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन विदाउट एनी कंडीशन, वो ले लो, और उसका सेक्शन है सेक्शन 11(1)(a) 15% माइनस करने के बाद, अब जो क्वेश्चन में फिगर दे रखी थी 11 लाख की एज गिवन इन क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मान लो 11 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में से, ठीक, ये एक एग्जांपल है ना, तो एग्जांपल में फिगर मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं कि 20 लाख की इनकम थी, 3 लाख रिसीव नहीं हुई थी और तुमने 11 लाख का चैरिटेबल पर्पस में यूज कर लिया है, तो तुम 11 भी घटाओ और 3 भी घटाओ। अब तुम इस 3 लाख रुपए पे टैक्स दे दो, कितना, 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 50,000 पे 5%, कितना 2500 प्लस सेस 4%, कितना 100, टोटल 2600 जो नॉर्मल तुम टैक्स निकालते हो। हिंट दिया है, नॉर्मल तुमको स्लैब रेट का फॉर्मेट आता है, 0 से 2.5 लाख तक नील, और 2.5 लाख के बाद जो 50,000 है उस पे 5%, 2500 और उस पे फिर सेस। चलिए लिखिए इसको, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब सर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि प्रीवियस ईयर 21-22 का क्वेश्चन है, ठीक, ट्रस्ट की इनकम 20 लाख रुपए है, उसमें से मैंने मैक्सिमम 15% का एक्यूमुलेशन कर लिया, 3 लाख बैलेंस, 85% मेरा कितना बचा, 17 लाख। इसमें से मान लो मैंने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए फॉर
चैरिटेबल पर्पस मान लो 5 लाख और अमाउंट सेट असाइड वाला मैंने क्लेम कर लिया, अमाउंट सेट असाइड अंडर सेक्शन 11(2) फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्या ये क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लो ये 6 लाख रुपए तुमने सेट असाइड कर दिए, तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी? 6 लाख, ठीक। अब ये क्वेश्चन किसका था? प्रीवियस ईयर 21-22 का। अब जो ये तुमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेट असाइड किया है, अब इस पैसे को तुमको धीरे धीरे खर्च करना होगा। प्रीवियस ईयर 22-23, नेक्स्ट ईयर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए तुम सेट असाइड करते हो, 24-25, 25-26, 26-27। ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर 21-22 का क्वेश्चन था, तो इसके बाद उसको छोड़ के अगले 5 साल तक तुमने इस पैसे को खर्च करना है उस पर्पस के लिए। मान लो तुम खर्च कर पाए 4,20,000, 1 साल का तुमको और ग्रेस मिलेगा, 2027-28, 23-24, 25-26, 27-28 में तुमने और खर्च कर लिए मान लो 1,30,000, तो अब तुम्हारे पास बैलेंस कितना बच गया? 50,000। इसको तुमको टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, कब? इन प्रीवियस ईयर 27-28। ध्यान रखना अब दोबारा तुमको पूरा खर्च करना है, 15% की एडजस्टमेंट तो तुम कर चुके ना, तुम 15% की यहां एडजस्टमेंट कर चुके हो। तुमने यहां पर क्या बोला, एओ से परमिशन ले ली कि सर मैं इस 6 लाख रुपए से आगे मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, तो अब तुमको 5 साल तक तुमको मौका मिलेगा उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च करने का। मान लो तुमने यहां परमिशन ले ली एओ से कि मैं इसको बिल्डिंग खरीदने में यूज करूंगा, तो आगे जाके देखा कि तुमने बिल्डिंग खरीदने के लिए 4,20 यूज किया है, फिर उसी बिल्डिंग पे तुमने 1,30,000 और खर्च कर दिया, तो तुमने तो 5,50 खर्च कर दिए। कितने करने थे? 6 लाख, 5,50 खर्च कर दिए, तो अब बाकी के 50,000 को मैं ट्रस्ट की इनकम मान लूंगा और टैक्सेबल कर दूंगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6th ईयर, यानी 6ठे साल टैक्स करूंगा, 5 साल पे नहीं, 6th ईयर में भी तुमको खर्च करने का मौका दूंगा और 6ठे साल के मैं टैक्स भी कर दूंगा। जैसे तुमको अभी वाले एग्जाम्पल में यहां पर क्या मिला था, 1+1 मिला था ना, यहां पर अभी जो हमने एग्जाम्पल किया ये 3 लाख ले तुमको क्या मिला, एक जिस साल पैसा रिसीव किया और उसके अगले साल, और टैक्सेबल फिर अगले साल कर दिया, जिस साल पैसा मिला उसके अगले साल टैक्स कर दिया मैंने, ठीक। जिस साल पैसा मिला उस साल खर्च कर दो, उसके अगले साल खर्च कर दो, नहीं तो अगले साल टैक्स दो। ऐसे ही पैसा एक्यूमुलेट करोगे 5 साल के लिए, तो 5 साल में खर्च करो, उसके बाद 6ठे साल में भी खर्च करो, नहीं तो फिर 6ठे साल में ही टैक्स देना पड़ेगा तुमको, 6th ईयर में तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। ये बातें कहां लिखी हुई हैं? ये बातें हमारे नोट्स में, जो ये एक्यूमुलेशन वाली बात है स्पेसिफिक पर्पस के लिए और इसको टैक्स करने वाली बात, ऐसे समझो कि मैंने इसमें आपका पेज नंबर 7.7 करवा दिया। पेज नंबर 7.7 पे जो बातें लिखी हुई है ना, मैंने सोचो कि तुम्हारे को ये एग्जांपल उस पे करवा दिया, ठीक। और ये वाली बात जो थी, ये वाला एग्जांपल, तो हमारा पेज नंबर 7.5 पे ही नोट नंबर 1 का 1 एंड नोट नंबर 1 का 2, जो पेज नंबर 7.5 पे ही अभी मैं रीड करूंगा, डोंट वरी, मैं लिंकिंग कर दूंगा, अभी यहां लिंकिंग करी ना हो, अभी मैं लिंकिंग करवा दूंगा कि देखो ये पेज में हर बातें हो गई हमारी, डन। रेफरेंस दे दिए इस एग्जांपल में ऊपर, प्लीज इस एग्जांपल में ऊपर रेफरेंस दे दीजिए, पेज नंबर 7.5 नोट नंबर 1112। अगर ट्रस्ट कोई पैसा रिसीव नहीं कर पाता है तो उसका क्या बेनिफिट ले लेगा? वो ले लेगा, और आगे उसको खर्च करना पड़ेगा, वहां 1 साल का और ग्रेस भी मिलेगा, डन। 20-3 17 मत कर देना क्वेश्चन में बनाते समय, लिख लियो 20-3 17 नहीं करना है। पेज नंबर का रेफरेंस दे दिए, 20-17 नहीं करना है, आप आराम से 3 लाख रुपए यहां माइनस करो, ठीक। लेकिन फिर इस 3 लाख रुपए को आगे खर्च करना होगा 23-24, 24-25 में, नहीं तो फिर 24-25 में टैक्स कर देंगे। अब ऐसे ही ये लिखो एग्जांपल, डन। वीडियो रोक के लिखा, आपने 11-2 की परमिशन लेके इस अमाउंट को सेट असाइड कर दिया, जिसको तुमको 5 साल में खर्च करना है। ध्यान रखना
देयर इज नो कंडीशन ऑफ 5 ईयर्स, देयर इज नो कंडीशन ऑफ 5 ईयर. ये जो 15% तुम एक्यूमुलेट करते हो, ये जो तुमको मैंने सिखाया है सेक्शन 11(1)(a) में, तुम 15% सेट असाइड कर दो. इस पे 5 साल की लिमिट नहीं है, इसको तुम कभी भी खर्च करो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक खर्च ना करो तब तक तुम इसको इन्वेस्ट रखना है 11(5) वाले इन्वेस्टमेंट्स में, लिस्ट में जो पढ़ाऊंगा आगे, ठीक. और लेकिन इसको तुम अपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्च मत करना. ये जो 3 लाख रुपए है सर, इसका क्या जुआ खेलोगे, इसका क्या फॉरेन ट्रिप मार दोगे? नहीं, ये 3 लाख रुपए भी आगे चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज होगा. कब होगा वो ट्रस्ट जाने, इनकम टैक्स की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है. हाँ, लेकिन 11(2) में एओ से परमिशन लोगे तो उस पर 5 साल की लिमिट है, 6ठे साल टैक्स कर देंगे, 1 साल और इंतजार करेंगे. लिख लिया इसको, वीडियो रोक के. डन. नेक्स्ट. डन. प्लीज ईयर में गलती मत कर देना. 5 साल काउंट करते समय 21-22 काउंट नहीं किया है, 6ठे साल में भी देखेंगे कितना तुमने खर्चा किया और 6ठे साल में ही टैक्स भी कर देंगे. 7वां मत कर देना यहां. डन. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नोट्स को और वहां से लिंकिंग करते हैं. आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया ठीक. हमने ये 15% एक्यूमुलेशन सीख लिया. एक्यूमुलेशन के लिए बार बार हम ये सेक्शन यूज कर रहे हैं. कॉर्पस डोनेशन के लिए ये सेक्शन यूज करना है. कॉर्पस डोनेशन को अलग से इन्वेस्ट करना है किसमें, 11(5) में, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना है, आपको ट्रैकिंग करनी है. आपने कॉर्पस वाला पैसा, चूंकि कॉर्पस वाला पैसा एग्जम्प्ट है, चूंकि कॉर्पस वाला पैसा एग्जम्प्ट है तो उसकी ट्रैकिंग भी करनी है कि वो कहां कहां तुमने इन्वेस्ट कर रखा है. अब ये वही पैसा है जो तुम्हारा इनकम एक्रूड था, रिसीव नहीं हुआ. ये वो पैसा है जो लास्ट मोमेंट पे तुमको मिला, ठीक. और उसी की यहां पे टैक्सेबिलिटी है कि इस पैसे को तुम कहां यूज करोगे. और ये है फॉर्मेलिटी, ए उसे कैसे परमिशन लोगे, ठीक. हो गया क्लास में, अभी प्रैक्टिकल भी करा दिया. अब ये जो करंट ईयर में तुम खर्च करते हो तो ये भी करा दिया. क्या तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लो, तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लो, तुम अदर चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे दो, तुम पुराना कोई लोन है रीपे कर दो, ये भी करा दिया, ठीक. सर ये भी करा दिया कि जब तुम दूसरे को डोनेट कर रहे हो, इस पॉइंट से रिलेटेड है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि जब तुम दूसरे को डोनेट कर रहे हो तो डोनेट करते समय कंडीशन मत डालना कि ये तुम्हारा कॉर्पस का फंड बनेगा. अगर तुम ये कंडीशन डालोगे तो फिर ऊपर माइनस नहीं होगा. ये जो तुम ड्यूरिंग द सेम ईयर दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करके यहां माइनस कर रहे हो अप्लाइड, यानी माइनस कर रहे हो लिस्ट में, तो इसमें जब तुम दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करोगे तो कंडीशन मत डालना कि वो कॉर्पस बनेगा, ठीक. कहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर दे दिए कि वो कॉर्पस बनेगा तो ये इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब माइनस नहीं होगा. अभी अभी मैंने नोट्स में आपको बता दिया कि हां आपको कॉर्पस डोनेशन बोल के डोनेट नहीं करना इस पॉइंट को. सर मैंने ये भी करा दिया आपको, मैंने ये भी करा दिया है आपको. अब इस पे जो बातें लिखी हुई है 5, 6, 7, इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा और कनेक्ट कर दूंगा. इसमें भी एग्जाम्पल दूंगा, इस पे भी एग्जाम्पल दूंगा, इस पे भी एग्जाम्पल दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा. 7.6 के 4th नंबर पॉइंट तक हमारी सारी बातें हो गई है. एक बार आपको पढ़ना है. देखो यहां तक तो पढ़ ही लिए थे हम लोग नोट्स में, ये सारा आपके साथ रीडिंग हो चुका है. डन. ये आपको पढ़ना है. एक बार देख लो कि ये सारी बातें हमारी क्लास में हो गई कि नहीं हो गई. बहुत कम टाइम लगेगा, वीडियो रोको, 2 मिनट में हो जाएगा. पढ़ो. पढ़ा आप बच्चों ने? बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं. क्या कहता है? पहला नंबर, इनएबिलिटी टू अप्लाई. अप्लाई का मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए. यहां अप्लाई का मतलब ये नहीं कि तुम कोई एप्लीकेशन कर रहे हो एओ को. इनएबिलिटी टू अप्लाई इन फुल 85% ऑफ इनकम, यानी तुम्हारी इनकम का 15% एक्यूमुलेट हो चुका है,
अब जब भी तुम उसको खर्च करो, बचा कितना 85%, अब उसमें से कुछ पैसा तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो चैरिटेबल पर्पस के लिए। इनएबिलिटी टू अप्लाई मतलब यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस, तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टू कवर द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर। मैंने क्या बोला था कि अगर तुम कुछ पैसे को, यानी ये कौन सी इनकम है, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम एक्रूड होने के कारण तुम उस पर टैक्स दे रहे हो बट नॉट रिसीव्ड। तो मैंने क्या बोला था, इस पैसे को तुम कब खर्च कर सकते हो, अभी तो तुम माइनस कर दो, इसको कब खर्च कर सकते हो, जिस ईयर में मिलेगा और उसके फिर अगले साल, वही बात यहां लिखी हुई है। और ड्यू टू एनी अदर रीजन, वही लास्ट मोमेंट पे तुमको कोई पैसा मिला, या फिर ऐसे समझो कि तुम है ना 29 मार्च को जा रहे थे कंप्यूटर खरीदने के लिए और कंप्यूटर की दुकान वाले ने बोला कि सर आप 10 अप्रैल को आ जाइए, कंप्यूटर ले जाइए हमसे। क्या समझे? तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम्हारे पास पैसा था, तुम गए अपने मान लो स्कूल चला रहे, स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदने की दुकान पे मार्च में, वो बोलता है सर अप्रैल में आ जाइए मैं आपको सारे कंप्यूटर दे दूंगा, लेकिन अब खर्चा तो अप्रैल में चला गया, तो तुम यहां पर आके उसको माइनस कर सकते हो कि सर इस पैसे को मैं अगले साल खर्च करूंगा। तो वही बोल रहा है, इफ द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टू कवर द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच सच इनकम इज डिराइव्ड, लेकिन अब इसके लिए फॉर्मेलिटीज, तुमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एओ को, एप्लीकेशन जो देनी पड़ेगी वो यहां फॉर्म नंबर 9A है। फॉर्म नंबर 9A में, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम द ट्रस्ट हैज टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन राइटिंग फॉर्म नंबर 9A, द इनकम अप्लाइड लेटर एज प्रिस्क्राइब्ड मे बी डीम्ड टू बी द इनकम अप्लाइड टू द रेलिवेंट चैरिटेबल पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज डिराइव्ड। अगर तुम ये एक्सटेंशन का बेनिफिट एप्लीकेशन देके ले लेते हो तो तुमको माना जाएगा कि तुमने ये पैसे खर्च कर दिए और माइनस कर दो। वही हमने किया, हमने क्या किया, इन इनकम को इस साल माइनस कर दिया कि सर पहला वाला इनकम तो तब खर्च कर देंगे जब मिलेगा और उसके अगले साल, और दूसरा वाला अगले साल। बोलता है इसके लिए तुमको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एओ को और रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। सच ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलॉट स्टेटरी अंडर सेक्शन 139, जनरली 31st अक्टूबर। सर क्यों? ट्रस्ट की ऑडिट होती है, ट्रस्ट की जनरली ऑडिट होती है और ऑडिट के लिए ड्यू डेट क्या है, 31st अक्टूबर, ऐसा आप पढ़ चुके हैं क्लास में रिटर्न चैप्टर। सर रिटर्न चैप्टर में जनरली जिस क्लाइंट का ऑडिट होता है उसका ड्यू डेट 31st अक्टूबर होता है और ट्रस्ट का ऑडिट होता है, और अब ये बोलता है कि भैया तुमने एक्सटेंशन तो ले लिया, अब खर्च कर देना नहीं तो इनकम ट्रीट हो जाएगी। रिसीव के कारण नहीं खर्च कर पाए, रिसीव नहीं हुआ तो उसको अब रिसीव वाले ईयर या उसके फॉलोइंग ईयर में खर्च कर देना, और अदर रीजन है तो अगले साल खर्च कर देना। वही बात यहां लिखी हुई है, ऑलरेडी क्लास में एग्जाम्पल देख चुके हैं, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि देखो तुम दूसरे ट्रस्ट को भी डोनेशन दे सकते हो बट एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पस मत देना। ये भी समझा दिया कि अगर मान लो तुम कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर रहे हो, कैश पेमेंट कर दी तुमने, मान लो यहां पर मान लो कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस, जैसे कोई ये सेक्शन है 40A3, तो ये क्या कहता है, मान लो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर दी कैश में, कैश एक्सपेंसेस कर दी मान लो 60,000 टू अ पर्सन इन अ डे, 60,000 टू अ पर्सन इन अ डे फॉर चैरिटी पर्पस, ठीक, माइनस नहीं होगा, क्योंकि पीजीबीपी में आप पढ़े हुए हो कि अगर आप कैश एक्सपेंसेस 10,000 से ऊपर करते हो तो एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, ठीक, पीजीबीपी वाला फंड अप्लाई करना। और ये वाला फंडा क्या था, पेमेंट टू रेसिडेंट इन इंडिया। अब मान लो तुमने रेंट एक्सपेंस पे किया है, रेंट एक्सपेंसेस पेड किया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तुम कोई प्रीमाइसेस पे रेंट पे कर रहे हो, तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, मान लो तुम कोई प्रीमाइसेस पे रेंट पे कर रहे हो, रेंट एक्सपेंसेस पेड 5 लाख,
विदाउट टीडीएस, तो माइनस कितना होगा? माइनस सिर्फ 3,50,000 करेंगे, जबकि खर्चा तुमने 5,00,000 किया है। 30% अलाउ नहीं होगा, यही पढ़ते हैं पीजीबीपी में। अगर कोई खर्चा तुमने किया, अब रेंट एक्सपेंस किए हो 5,00,000 का, टीडीएस काटना चाहिए था, ठीक, अब तुमने काटा नहीं, तो फिर सेक्शन 40A1A पीजीबीपी का बोलता है 30% खर्चा माइनस नहीं होगा, मतलब 70% होगा। अच्छा, खर्च किया 5,00,000, लेकिन लिस्ट में जब माइनस करोगे तो कितना करना? 3,50,000। जो बोलते हैं ना, अब 85% में ये खर्चा माइनस करो, तो ये 60,000 तो माइनस ही नहीं होगा, और 5,00,000 के जगह कितना माइनस होगा? 3,50,000 माइनस होगा। ये एग्जाम्पल हो गया फोर्थ नंबर पॉइंट का, क्वेश्चन में आंखें खुली रखना, क्वेश्चन में देखना कि कोई ऐसा भी खर्चा है जहां तुम टीडीएस नहीं काट रहे हो। वो जो 85% के बाद खर्चे माइनस करते हैं ना, बोला ना क्या क्या माइनस कर सकते हो? डोनेशन टू अदर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई ऐसा एक्सपेंसेज है जिसपे टीडीएस काटना था, नहीं काटे, 70% ही माइनस करना। कोई ऐसा एक्सपेंसेज जो तुमने कैश में कर दिया, नहीं करना चाहिए, तब पूरा का पूरा माइनस नहीं होगा। दो दो बार समझा दिया, उधर चार्ट में भी बता दिया तुमको, नोट कर लो ये भी पॉइंट क्लियर विथ एग्जाम्पल। सर इसका चार्ट में कहां बताया था? आते हैं चार्ट में, चलते हैं चार्ट में, तुमको बताया तुम भूल गए हो। ये देखो यहां पे आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और इसमें चेक करना है सेक्शन 40A1A और 40A3। यहां पर आपको बताया है ना, इस जगह पे तुमको चेक करना पड़ेगा पीजीबीपी के दो सेक्शन। डन। यहां पर बताया कि तुम दूसरे को डोनेशन दे दो, लेकिन कॉर्पस बोल के मत देना। यहां पर बताया रीपेमेंट ऑफ लोन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लोन से जो एसेट खरीदे हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां बताया प्लांट फर्नीचर खरीदे, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आगे उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सारी बातें आपके साथ डिटेल में वन बाय वन हो गई है, एक बार आपको खाली क्लास के बाद क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है बस। मैंने तो यही कहा, देख रहे हो ईयर के साथ तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब कुछ एक एक करके बता रहा हूं तुमको, बस एग्जाम के लिए एक बार और रिवाइज करना है, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। डन। लिख लिया वीडियो रोक के, लिख लिया ये सब। अब ये पॉइंट पढ़ते हैं, 5, 6 और 7 क्या कहता है एक बार पढ़ो। सर ये सभी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2021 की हैं, इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल है 12th एडिशन बुक में। 12th एडिशन की जो बुक है आपके पास, उसमें आप फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी नई चीज आती है तो, है ना। इसकी अमेंडमेंट वीडियो पहले मैंने YouTube पे डाली थी, अब क्लास के अंदर ही साथ में पढ़ा रहा हूं। प्लीज एक बार पढ़िए 5, 6 और 7 पॉइंट क्या कहता है। इस पर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा इसको डिस्कस करने के लिए, तब तक एक बार वीडियो रोक के आप पढ़िए, मैं भी क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेता हूं इस पे। पढ़ा बच्चों ने? कुछ समझ में तो नहीं आया होगा। सर हमने वीडियो रोक के पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आपको इसे याद नहीं करना है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, बस ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, कॉर्पस के लिए आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई आपको डोनेशन दे कॉर्पस बोल के, तो वो एग्जम्प्ट होता है और उसके पैसे को आपको अलग इन्वेस्ट करना है। लेकिन अब तुमने क्या किया, उसमें से पैसा निकाला, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर लिया, और यहां 85% में माइनस करना चाहते हो। क्या बोला है, ट्रस्ट की जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो ट्रस्ट की इनकम है वेरियस इनकम, उसमें से 15% एक्यूमुलेट करके 85% खर्च करना है। तुमने खर्चा किया, लेकिन तुमने पैसा कहां से निकाला, कॉर्पस वाले फंड से। ये गलत है ना, कॉर्पस वाला फंड जो आया था, जो ऊपर ही एग्जम्प्ट हो गया था, उसको अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना था, और उस पैसे को अपने ट्रस्ट के पैसे में मिलाना नहीं था। तो लोग ये बदमाशी करते थे, उसके कारण ये अमेंडमेंट आई। अच्छा, लोन के बारे में मैंने तुमको क्या बोला, लोन ये तुमको पॉइंट मैं बता चुका हूं क्लास में। लोन लेके एसेट खरीदते हो, मान लो 50,00,000 का लोन लेके तुमने बिल्डिंग खरीदी, वो माइनस नहीं होगी। जब तुम लोन को लौटाओगे वो माइनस होगा, ठीक। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पॉइंट कहता है कि मान लो पिछले साल तुमने ज्यादा रुपया खर्च कर दिए, 100 रुपए की इनकम, 15% का एक्यूमुलेशन, 85 रुपए खर्च करने हैं, अब तुमने खर्च कर दिए 90 रुपए,
पिछले साल तुमने एक्सेस खर्च कर दिए, तो क्या उसका बेनिफिट इस ईयर में, करंट ईयर में ले सकते हो? कैरी फॉरवर्ड होगा तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन? आंसर इज नो। सर तुमको 85 रुपीज खर्च करने हैं आउट ऑफ 100 टू गेट द फुल एग्जम्पशन। अब तुमने कर दिए 90 रुपीज खर्च, कोई बात नहीं कर दिए, अब पिछले साल का सरप्लस इस साल माइनस नहीं होगा। बस ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इजी है इसे समझाने में। अब देखो ये टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज है, इसमें मत जाओ कि तुमको ये याद ही करना है, आप इसके पीछे के एस्पेक्ट को समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है और उसको फिर अपने शब्दों में लिख दो। एग्जाम्पल सपोर्ट में है ही। अब मैंने समझा दिया पांच में क्या लिखा है, छह में क्या लिखा है, सात में क्या लिखा है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूं और कभी नहीं भूलोगे, दोस्तों को भी जरूर बताओ। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है। पेज नंबर 7.6, पॉइंट नंबर 5, प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन तुमको 10 लाख रुपए का आया और कॉर्पस डोनेशन तुमको आया 6 लाख रुपए का। कॉर्पस डोनेशन आया, तुमने उस पर सेक्शन 11(1)(d) का एग्जम्पशन ले लिया फुल, और क्या कहा गया था, तुम इसको इन्वेस्ट करो वहां जहां हमने कहा है 11(5)। सर कहां है 11(5)? सर 11(5) आ गया पेज नंबर 7.8 पे, लिस्ट दे रखी है कि तुम अपना पैसा ट्रस्ट का कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, ये दे रखा किस किस पर्पस के लिए तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां कहां लिस्ट है, उस लिस्ट में पैसा रख दो जाके। अब इधर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो तुम्हारा आया, ये तुम्हारी ट्रस्ट की इनकम हो गई, इसमें से तुम 15% एक्यूमुलेट कर लिए, अब ट्रस्ट की इनकम कितनी बची, 8,50,000। अब ये कितनी परसेंट है, ये 85% है जिसको तुमको चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना था, और तुमने 8 लाख रुपए खर्च किया भी, लेकिन गलती क्या की इस 8 लाख में से, 8 लाख में से जो 3 लाख रुपए खर्च किया वो तुमने अमाउंट विड्रॉ किया अपने कॉर्पस वाली इन्वेस्टमेंट में से। ये जो तुम्हारा कॉर्पस का डोनेशन का जो इन्वेस्टमेंट चल रहा था उसमें से तुमने 3 लाख रुपए निकाला, यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 8 लाख में से 3 लाख रुपए तुमने कहां से निकाले, अपने कॉर्पस वाले फंड से निकाले। सर वो 3 लाख का बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा, तुमको घटाने के लिए 8 नहीं 5 ही मिलेगा, और हेंस तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 8.5 में 5 घटाओगे तो कितनी, 3.5। इस 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, खर्चा तुम्हारा हो चुका, तुम्हारा तुमने कॉर्पस में से 3 लाख निकाला, चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर दिया, खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, उस 6 लाख को तुमको सेफ रखना था। अरे तुम्हारे पास तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का 10 लाख रुपया था, उसमें से खर्च कर लेते, लेकिन नहीं, चुल मची थी तुम्हें, तुमने उसमें से 3 लाख रुपया खर्च किया, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने क्या बोला, अकाउंट अलग अलग मेंटेन करना, कॉर्पस डोनेशन जहां जहां इन्वेस्ट करोगे उसका डिटेल अलग मेंटेन करना, ऑडिट होगी और ऑडिटर चेक करेगा, तुमने वहां से तो पैसा नहीं निकाला, वहां से तो पैसा नहीं निकाला, निकालोगे तो देख लो वो यूटिलाइजेशन में नहीं माइनस होगा। अब फ्यूचर में तुम वापस ये 3 लाख रुपए डालना चाहोगे फंड के अंदर, क्योंकि तुमने निकाले थे, तुम्हारा कॉर्पस का जो डोनेशन था उसमें से तुमने 3 लाख निकाल के चैरिटी में खर्च कर दिए, बेनिफिट मिला नहीं, अब तुम वापस रिफिल करना चाहोगे, तुम 3 लाख रुपया वापस जब फंड में पहुंचाओगे तो ये तुमको जिस भी ईयर में पहुंचाओगे उस ईयर में एप्लीकेशन बोल के माइनस हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा। देखो 3 लाख रुपए तुमने खर्च तो कर दिए ना, खाली सोर्स क्या था, कॉर्पस, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कॉर्पस में से जो 3 लाख निकाले हो वापस पहुंचाओगे तुम, तो मान लो अगले साल तुम वो 3 लाख रुपया वापस डिपॉजिट कर रहे हो कॉर्पस फंड की इन्वेस्टमेंट में, उसके अकाउंट को तुम सेम मेंटेन कर रहे हो, तो अब अगले साल 22-23 में वो तुमको एप्लीकेशन बोल के ये फिर 3 लाख क्या होगा, 85% में से हम 3 लाख रुपया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अगले साल, तुमको अगले साल बेनिफिट मिल जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था, यही वर्बली तुमको कहा मैंने कि कॉर्पस डोनेशन जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, जिसका पैसा तुमको अलग इन्वेस्ट करके रखना है, उसमें से कोई पैसा निकाल के खर्च करोगे तो वो 85% में माइनस नहीं होगा, लेकिन बाद में रिफिल कर दोगे तो वहां डिडक्शन ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी तुम खर्च कर चुके हो, खर्च किए हो, बेनिफिट तो मिलेगा। किस ईयर में मिलेगा, जिस ईयर में तुम वापस अपना कॉर्पस फंड को सेम बैलेंस मेंटेन कर लो। पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट नंबर 6, तुम्हारे मान लो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी इनकम है 80 लाख, अब तुमने इसमें से 15% साइड कर दिया 12 लाख, बचा कितना 68 लाख। अब तुमने क्या किया, लोन लिया एक 50 लाख रुपए का, उसमें से बिल्डिंग खरीद ली ट्रस्ट पर्पस के लिए, और ये पूरा 50 लाख यहां माइनस कर दिया। क्या किया, तुमको ट्रस्ट की प्रॉपर्टी इनकम हो रही है 80 लाख, उसमें से 15% एक्यूमुलेट कर लिया तुमने जो एग्जम्पशन है विदाउट कंडीशन, बचा कितना 68 लाख।
अब 68 लाख में से तुमने बोला कि जी मैंने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। अरे भाई, बिल्डिंग के लिए तो तुमने लोन लिया है, तुमने बिल्डिंग ऊपर वाले रुपए से नहीं खरीदी है, तुमने बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन लिया है। सर, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ईयर एंड तक तुमने उस लोन में से 10 लाख रुपए लौटा दिए हैं, तो यस, अब तुमको 10 लाख रुपया माइनस करने मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, मैंने तुमको ऑलरेडी क्लास में बताया कि रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे तो माइनस हो जाएगा, लोन लेके कोई बिल्डिंग खरीदोगे तो वो माइनस नहीं होगा। तुम्हारे पास जो इनकम है उसको यूज करना था ना, वो इनकम वही है तुम्हारे पास 68 लाख, और तुमने लोन लेके बिल्डिंग खरीदी है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब तुम जिस दिन लोन लौटाओगे, जितना लौटाओगे उतना उतना, जब जब जिस ईयर में तुम लोन लौटाओगे उस ईयर में माइनस करते रहना। ये हो गया आपका छठा नंबर पॉइंट। अब सातवां नंबर पॉइंट बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर 21-22 जो तुम्हारा करंट ईयर है एग्जाम के लिए, अब उसमें 10 लाख की तुम्हारी ट्रस्ट इनकम हुई, तुमने उसमें से 15% एक्यूमुलेट कर लिया, बचा कितना 8,50,000। अब तुमने एक्सपेंस कर दिए कितने के, 9 लाख रुपए के, तो तुम्हारी ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम निल, लेकिन अब तुम्हारा यहां पे एक्सेस हो गया कितना 50,000। खर्च कितने करने थे 8,50,000, कितने कर दिए 9 लाख, तो तुम्हारा यहां एक्सेस हो गया 50,000। अब अगले साल भी तुम्हारी ट्रस्ट की इनकम हुई 10 लाख, 15% तुमने एक्यूमुलेट कर लिया, कितनी बची 8,50,000। इस बार तुमने खर्चा किए हो 6 लाख रुपए ही, एक्चुअल एक्सपेंसेस, बचा कितना 2.5 लाख। अब तुम क्या चाहते हो, लास्ट ईयर का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर का एक्सेस एप्लीकेशन को तुम चाहते हो करंट ईयर में 50,000 माइनस करके करंट ईयर की इनकम को 2 लाख पे लाना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। बस पिछले साल में जो तुमने एक्सेस एप्लीकेशन किया है, यानी तुमको 85% ही खर्च करना था, तुमने से 90% कर दिया, तो जो पिछले साल का एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सेस एक्सपेंसेस है चैरिटेबल पर्पस का, वो करंट ईयर में माइनस नहीं होगा। ठीक, ये तुमको ध्यान रखना है, बस ये पॉइंट है कंप्लीट, ये भी पेज कंप्लीट। लिख लीजिए इसको, पेज नंबर 7.6 कंप्लीट। अब पेज नंबर 7.7 भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 7.8 भी डिस्कस करेंगे, और 7.9 का आधा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में 7.9 के हाफ तक जाएंगे, और फिर कुछ मैं सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगा, जो मुझे लगता है आपसे बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो अब बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली क्लास में लेंगे, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट की आपको 2 क्लास मिल रही है, ऐसे समझो। प्लीज वीडियो रोक के लिखिए, डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिख लिया, पॉइंट नंबर 5 क्लियर समझा दिया था, डन, नेक्स्ट, डन, लिख लिया वीडियो रोक के, पॉइंट नंबर 6 क्लियर। लोन लेके कुछ खर्च करोगे तो वो माइनस नहीं होगा, लेकिन लोन जिस दिन लौटाओगे उतने रुपए को माइनस कर देना, डन। पिछले साल का कोई एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है, एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एक्सपेंसेस है, तो वो इस साल माइनस नहीं होगा, डन। चलिए सर, काफी अच्छा, थोड़ा और मेहनत कर ले, 15-20 मिनट हम लोग। सर, इस पेज में मैक्सिमम बातें आपके साथ हो गई हैं, वो 5 साल वाली एक्यूमुलेशन सेट अपार्ट, अमाउंट सेट अपार्ट, ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए हैं कि सर 85% के बाद हम लोग 3 चीजें माइनस कर सकते हैं, एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स, एक डिम्ड एप्लीकेशन, और एक अमाउंट सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर 5 ईयर्स, वो 5 ईयर्स वाली बात ऑलरेडी तुम इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हो, एक ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और डिस्कस क्या करना है, ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस हो रखा है, वो तो अलग बात है कि मैं यहां स्टूडियो में ये नहीं बोल सकता सेल्फ रीडिंग नहीं बोल सकता, गलत इंप्रेशन पड़ जाता है ना, तो इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। 7.7 इजी है, तुरंत हो जाना, इसके मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्लियर है। फिर वो जो अभी बार बार पढ़ रहे थे ना, 11-5 की इन्वेस्टमेंट, सर ट्रस्ट के पास जो पैसा है, चाहे वो 15% वाला हो, चाहे वो कॉर्पस वाला हो, चाहे अभी जो तुम पढ़ोगे 5 साल वाला, वो सब पैसा ट्रस्ट यहीं पे रख पाएगी और कहीं नहीं इन्वेस्ट करेगी। सर, इस लिस्ट में जो दिए हुए हैं वहीं पैसा लगाएगी ट्रस्ट, अगर कहीं और लगाएगी तो सर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आगे सेक्शन 13 में ये बातें लिखी हुई हैं।
कि इसमें जहां जहां ट्रस्ट का पैसा कौन सा, अरे ट्रस्ट की इतनी सारी इनकम में तुमने अभी पढ़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कि 15% साइड कर सकते हो, वो वाला पैसा यही आएगा। कॉर्पस डोनेशन यही आएगा। अभी जो 5 साल वाला पैसा हम सेट अपार्ट करेंगे वो भी यही आएगा। सर ट्रस्ट का जो भी पैसा है ना, इस साल वाला, अगले साल वाला, एक्यूमुलेशन वाला, सब तुमको यही इन्वेस्ट करना है। इसकी जगह कहीं और कर दिए तो सर वो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर, बेसिकली कमिश्नर के पास राइट है रजिस्ट्रेशन देने का और कैंसिल करने का। अगली क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे। अगली क्लास जरूर देखना है, ये भ्रम में मत रहना कि आज की क्लास से हो गया। सर तैयारी करनी है तो पूरी करो, आधी अधूरी मत करो, किसी चैप्टर के अंदर आधी अधूरी मत करो। तुम पहली क्लास देख रहे हो मतलब तुम चैरिटेबल ट्रस्ट को तैयार करके जाना चाहते हो एग्जाम में, सर एक क्वेश्चन कन्फर्म, तो तैयारी पूरी करो यार। और हमेशा मैं क्या बोलता हूं, डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि ट्रस्ट का क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है। डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि DTAA Volume 4 का क्वेश्चन आएगा ही। डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि मैट का क्वेश्चन आएगा ही, कि जी मैट कर लिया, DTAA कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, TDS कर लिया, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हो गए, उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना ईजी होता तो सब पास कर रहे हैं सर। और एक छोटा सा डिस्कशन ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, बस ये छोटा सा यहां पर ये 4 लाइन आपके साथ करूंगा, ये भी हो रखा है। इसमें तो 7.9 पर आधा पेज करना है ना, ये सब हो चुका है आपके साथ। बस अब ये छोटा रीडिंग का पर्पस, बस 15-20 मिनट तुम मुझे दे दो, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा और काज की कहानी खत्म करेंगे। प्लीज वीडियो रोको और इस पेज को पूरा पढ़ जाओ, अगले पेज तक, यहां तक पढ़ना है, यहां तक, अगले पेज यहां तक पढ़ना है। जब पढ़ लो तो वीडियो स्टार्ट कर लेना। प्लीज वीडियो रोको, अगले पेज हाफ वे तक पढ़ो, जब पढ़ लो तो वीडियो रिज्यूम कर लेना। चलिए सर, आई होप आप बच्चों ने पढ़ा इसको, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, देख लेते हैं। 7.7 सेक्शन 11(2) आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट सेट असाइड कर सकते हैं 15% के अलावा। 15% पे कोई ईयर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप 15% एक्यूमुलेट कर लेते हैं फ्रीली 11(1)A में, तो उसके बाद जो 85% पोर्शन है जिसमें से आपको खर्च करना है, उसमें से आप इस पैसे को साइड कर सकते हैं 5 साल के लिए, जबकि टैक्सेबल 6ठे साल होगा। ये बात मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी है। एग्जाम में ये वर्ड आपको जरूर देखना होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट सेट असाइड किया, ये सेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा 11(2). मैं बार बार कोट कर रहा हूं 11(5), 11(2), 11(1A), 11(1D), तो ध्यान रखना होगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं बार बार कोट कर रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वेयर अ ट्रस्ट कुड नॉट अप्लाई इट्स 85% ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल, मतलब आप खर्च नहीं कर पाते हो जो नॉर्मल आपको खर्चे करने हैं, जैसे दवाइयां बांटनी है, बुक्स बांटनी है, ये सब नहीं कर पाते हो, तो तुमको लगता है कि तुम अमाउंट को एक बार सेट असाइड करना चाहते हो फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम 3 साल के बाद एक अपना कंप्यूटर लैब बनवाना चाहते हो स्कूल में, उसके लिए एक मेजर खर्चा चाहिए, तो उसके लिए तुम एप्लीकेशन दो, सेट असाइड कर लो, 5 साल का पर्पस है आप वाले ईयर को छोड़ के। और क्या बोला, खर्च करने के लिए 6ठा साल भी मिलता है, बट ये सेक्शन बोलता है 5 साल के लिए तुम एक्यूमुलेट कर लो मैक्सिमम। कहता है कंडीशन क्या है, पहले तो तुमको एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 10 में, ठीक, और उसमें तुमको पर्पस बताना पड़ेगा, तुम कितने साल के लिए इस अमाउंट को एक्यूमुलेट करना चाहते हो और पर्पस क्या है, लेकिन वो पीरियड 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स सर। लेकिन इस बीच में अगर मान लो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, मान लो किसी ने स्टे दिलवा दिया, तुमने जिस पर्पस के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, मान लो तुमने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे इकट्ठे किए, लेकिन बीच में वो जो आता ना ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका मान लो कोर्ट का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया कि 1 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो तुमको उतना टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में काम नहीं आता। सर स्टेटमेंट आपको फर्निश कब तक करना है, बाय द ROI ड्यू डेट। और एक और एडिशनल कंडीशन है यहां पे, तुमको रिटर्न भी टाइम पे फाइल करनी होगी, तभी तुमको ये बेनिफिट मिलेगा। दोनों कंडीशन है, तुमको जो स्टेटमेंट है फॉर्म नंबर 10 वाली, फॉर्म नंबर 10 की स्टेटमेंट, ये भी टाइमली फाइल करनी होगी, और तुमको अपनी रिटर्न भी टाइमली फाइल करनी होगी। और जब तक तुम इस पैसे को
उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर लेते तब तक तुमको 11.5 वाले मोड में ही पैसे को रखना पड़ेगा। सर यहां वही बात रिपीट हो रही है कि तुमको जो अमाउंट सेट असाइड किए हो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा, वो माइनस तभी होगा जब तुमने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टाइमली सबमिट कर दिया है और रिटर्न भी टाइमली फाइल कर दी है। अब ये एक तरह से कॉन्ट्रावेंशन को डील कर रहा है कि तुमने 5 साल के लिए जो एक्यूमुलेट किया था उसको तुम 5 साल और उसके अगले साल खर्च नहीं कर पाए तो अगले साल टैक्स कर देंगे। सर हमने क्लास में पढ़ा कि आप 6ठे साल में इनकम को टैक्सेबल कर देंगे, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईयर लिख के मैंने आपको बताया था, तो वो 6ठे साल में टैक्स करेंगे वो कहां लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि तुम ये वाला पैसा दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते। बोला सर आपने तो बताया था दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। सर करंट ईयर वाला जो खर्चा है ना उसमें आप दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। मैंने आपको जो दूसरे को डोनेट करने वाली बात बताई थी वो यहां बताई थी, देखो आपके सामने जो 85% का पोर्शन है उसमें से जो करंट ईयर में खर्चा कर रहे हो करंट ईयर में तुम दूसरे को डोनेट कर सकते हो, ठीक। लेकिन एक बार अमाउंट सेट असाइड कर दिए तुम, एक बार जो तुम अमाउंट सेट असाइड कर दिए 11.2 में, तुम डोनेशन दूसरे को नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, डोनेशन टू अदर्स नॉट अलाउड जनरली। बस यही बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां लिख भी दी थी, ये बात आप हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो कि जो तुमने अमाउंट सेट असाइड किया जिस पर्पस के लिए उस पर्पस को 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लो। जनरली क्वेश्चन साइलेंट रहे तो 5 साल का टाइम पीरियड पे सॉल्व करना, 6ठे साल भी यूज कर सकते हो नहीं तो 6ठे साल टैक्स कर देगा। सर ये बोलता है आप दूसरे को वो पैसा डोनेट नहीं कर सकते हो, ये बोलता है तुम पर्पस चेंज नहीं कर सकते हो, जनरली पर्पस चेंज नहीं कर सकते हो, जिस पर्पस के लिए तुमने अमाउंट सेट असाइड किया था उसी पर्पस में पैसे लगाने हैं। अपने मन से तुम पर्पस चेंज करके पैसे को मिस यूटिलाइज करोगे तो जिस ईयर में ऐसा करोगे उस ईयर में इनकम। और ये बोलता है तब तक के लिए तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं करोगे तो इनकम बस। लेकिन अब यहां बोलता है तुम पर्पस एओ को एप्लीकेशन देके जेन्युइन रीजन बता के पर्पस चेंज कर सकते हो। कहता है इनकेस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रस्ट एक्यूमुलेटेड इनकम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस टू विच इट वॉज एक्यूमुलेटेड, ट्रस्ट कैन अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर एंड अकॉर्डिंगली तुम अपने ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली पर्पस चेंज करवा सकते हो, लेकिन यहां परमिशन लेना पड़ेगा तभी तुम पर्पस चेंज कर सकते हो। बोला सर अगर मैंने मान लो 5 साल के लिए एक्यूमुलेट किया और 3 साल के बाद मेरा ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है तो उसके लिए ये पॉइंट है कि अगर तुम्हारा मान लो आगे 2-3 साल में ट्रस्ट तुम बंद कर रहे हो तो तुम उस पैसे को जो तुमने सेट अपार्ट किया था 5 साल वाला उस पैसे को तुम किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर सकते हो, यानी एक्सेप्शनल केस में तुम दूसरे को डोनेट भी कर सकते हो, एक्सेप्शनल केस में तुम अपना पर्पस चेंज भी कर सकते हो। जनरली पर्पस चेंज करोगे बिना परमिशन के इनकम मान लेंगे, गलत जगह इन्वेस्ट करोगे इनकम मान लेंगे, दूसरे को डोनेट करोगे इनकम मान लेंगे, 6ठे साल में तो इनकम मानेंगे मानेंगे अगर तुमने पैसे खर्च नहीं किए तो। सर ये जो पैसा है ट्रस्ट का, बार बार बात हो रही है कि 15% वाले पैसे को भी यहां रखना है, कॉर्पस फंड को भी यहां रखना है और अभी 5 साल वाले को भी यहां रखना है, तो ये क्या है, तो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो, सेविंग अकाउंट में, किसी शेड्यूल्ड बैंक में तुम अकाउंट खुलवा के वहां पैसा जमा कर दो। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तुम शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन एक्टिविटी कर रहे हो, नहीं अलाउड, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो उसमें अलाउड नहीं है। हाँ पब्लिक सेक्टर कंपनी में तुम डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये पॉइंट अच्छा है, तुमको पैसा लगाना है तुम पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा लगा सकते हो। बाकी तुम देखो तो अगर अच्छे से इसको पढ़ोगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करना चाहते हो ट्रस्ट के पैसे का नहीं कर सकते हो, शेयर मार्केट में तुम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, तुम किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो नहीं कर सकते हो, ऐसी छोटी छोटी बातें यहां पर लिखी हुई है। मैंने भी इसको ठीक से नहीं पढ़ा है, एग्जाम के लिए पढ़ना भी जरूरी नहीं है इसको कि आप ठीक से पढ़ो, बट मोटा मोटी जैसे समझो कि तुम्हारी कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो अलाउड नहीं है, तुम शेयर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यहां अलाउड नहीं है। हाँ एक जगह जो मैंने बोला ये जी पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब तुम उसके शेयर्स परचेज करना चाह रहे हो तो अलाउड है, बाकी तो और इसको एक बार रीड करना है। सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा इससे, नहीं लिख लीजिए रीडिंग पर्पस, यहां लिख लीजिए रीडिंग पर्पस, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ तुमको पता होना चाहिए कि वी हैव प्रिस्क्राइब्ड मोड्स
ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां तुमको ट्रस्ट का पैसा रखना है, चाहे वो 15% वाला हो, 5 साल वाला हो या कॉर्पस वाला हो। और कॉर्पस वाले का तो डिटेल, लेजर, बुक्स मेंटेन अलग करना होगा, तुमको हमेशा उसके पैसे का ट्रैक करना होगा। मान लो तुमने यूटीआई के यूनिट्स खरीदे हैं, तो अब इसमें से कितना कॉर्पस वाले फंड का यूनिट्स है वो तुमको अलग हर हिसाब रखना पड़ेगा उसका, ये तुमको ध्यान रखना है। तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं सर, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रस्ट बिजनेस मेंटेन करे, इंसिडेंटल हो, बुक्स मेंटेन करना होगा, एओ ने अगर इनकम बढ़ाई तो उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर ये भी मैं बता चुका हूं कि यहां लेके चलता हूं, यहां पर बताया है तुमको ये कि जो तुम यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसमें अगर तुमने कोई प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग खरीदी तो तुमको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 85% तुमको खर्च करना था, अब तुमने उसको खर्च किया। मान लो ना काफी सारे कंप्यूटर खरीद लिए, तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, स्कूल चलाते हो, वहां काफी सारे कंप्यूटर खरीद लिए इसमें, अब तुम उस पर अगले साल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो, तो बोलता है ट्रस्ट में जो तुमने 85% एप्लीकेशन में अगर कोई कैपिटल एसेट खरीदा है तो उस पर फ्यूचर में तुम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, डबल डबल बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक, ये यहां से अब अगले पार्ट में बताया जाएगा। ये जो डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है 5 मिनट का, अगले पार्ट में बताया जाएगा। कैपिटल गेन पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 से 4 मार्क्स का, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 मिनट का। मैं ये बता रहा हूं कि अगली क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। यहां एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा 3 से 4 मार्क्स का, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की मोटा मोटी चीजें आपके साथ हो गई हैं कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को इनकम में ट्रीट करना है, उसमें से अनॉनिमस डोनेशन वही हटाना है जो 30% पे टैक्सेबल हो, उसमें से कॉर्पस पूरा हटा देना, ये सब बात आपके साथ हो गई है, बट अगली क्लास में मैं इसको रीड कर दूंगा। और बाकी रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन की बात है, 12A में एक नया जो क्लॉज आया है एसी में, वो 3 महीने 6 महीने वाली बात बतानी है आपको, ये पेज कट कर देंगे, 7.15 कट नहीं पढ़ना है, ये पुराना सेक्शन है जो बंद हो गया 12AA, ये पेज कट कर दो, अभी कट कर दो, ठीक है, ये पेज हमें नहीं पढ़ना है, ये पेज पढ़ना है 12AB जो एप्लीकेबल है 1/4/2021 ऑनवर्ड, जो आपका ईयर है, वो सेक्शन जो बंद हो गया भूल जाओ उसको, हमें ये पढ़ना है। और ये जो पेजेस हैं, इन सबको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल दे रखा है, पेज नंबर 20 और 21 में। अगर हम पेज नंबर 20 और 21 को अच्छे से समझ लें तो पीछे के जो 4-5 पेज हैं उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनफैक्ट मैं खुद जब आपके अगली क्लास में ये टेबल समझाऊंगा और बोलूंगा हो गया, मतलब अभी जो 5-6 पेज में 80% जो बातें लिखी हैं वो इस टेबल के अंदर समा जाएंगी, इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। और इस टेबल पे कोई MCQ आ जाए या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाए, जो 5-6 मार्क्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसका इस टेबल से कोई लेना देना नहीं। आज की क्लास में जो पढ़ाया है उससे तुम्हारे 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, खाली अगली क्लास में वो कैपिटल गेन वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमको सीखना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। अनॉनिमस डोनेशन की थ्योरी पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता चुका, ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। पेज नंबर 7.25 पे आ जाओ, बस 5-10 मिनट और। सर अनॉनिमस डोनेशन आपका हो चुका है कॉन्सेप्ट, यहां वाली बात आप पढ़ चुके कि 30% लगाएंगे इन एक्सेस ऑफ हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन और ₹1 लाख, ये यही लिखा हुआ है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हम बड़े आराम से बना सकते हैं समझने के लिए। बोलता है टोटल डोनेशन आपका कितना है 15 लाख, टोटल डोनेशन आपके पास कितना है 15 लाख, देखो ध्यान से देखो, अगर आपके पास टोटल डोनेशन कितना है 15 लाख रुपए, तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा ₹75,000। अनॉनिमस डोनेशन, इस टोटल में से अनॉनिमस कितना है 4 लाख, तो तुमको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो 5% 75,000, 5% ऑफ, मान लो ये ए है तो ए और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो 1 लाख मिल गया। अब ये 1 लाख किसमें से घटाओगे 4 लाख में से, तो टैक्स 30% तुमको किसने पे देना होगा 3 लाख पे। अब तुम्हारा टोटल डोनेशन 15 लाख था, 15 लाख में से 3 लाख माइनस हो गए तो 12 लाख बचे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी क्या होगा, बी माइनस सी, और ये ई है मान लो, तो ये ई क्या है, ये ई है ए माइनस डी, और ये सी कैसे आएगा, तो 5% ऑफ ए और ₹1 लाख विच एवर इज हायर। ठीक, ये इसका फंडा है।
ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर टोटल डोनेशन में से अननमस डोनेशन तुम्हारा 4 लाख है तो 4 लाख पे 30% का टैक्स नहीं लगेगा, तुमको 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर का बेनिफिट मिलेगा। तो वो ये अमाउंट है, 1 लाख का बेनिफिट मिला, 3 लाख टैक्सेबल। अब 15 लाख में से 3 लाख टैक्सेबल 30%, तो बाकी कितना बचा 12 लाख, जिसपे नॉर्मल रेट लगेगा। अब तुम इसमें से सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, जो तुम एग्जम्पशन लेना चाहते हो अंडर सेक्शन 11, कौन सा 15% वाला, वो सब लेते रहो। तुमको 15% वाला बेनिफिट कहां मिलेगा, 12 लाख पे मिलेगा। सर तुम्हारा टोटल डोनेशन कितना था, 15 लाख, 15 लाख में से अननमस डोनेशन कितना था, 4 लाख, तो बचे कितने 11 लाख। लेकिन 11 लाख में वो जो 1 लाख एग्जम्पशन मिला वो ऐड होके 12 लाख आया। अब तुमको इस 12 लाख पे 15% का बेनिफिट मिलेगा, उस 12 लाख में से तुम 15% घटाओ, अब जो बैलेंस बचा उसमें से जो तुम जितना चैरिटेबल एक्टिविटी करोगे वो सब माइनस करो, बाकी पे नॉर्मल रेट पे टैक्स दे दो। तो ये 2 और 3 तुम खुद देख लेना। अब ये देखो, तुम ऐसा क्वेश्चन सेम अभी क्लास में किए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम नाइट, आज क्लास में करा दिया है ऐसा क्वेश्चन। ट्रस्ट की इनकम 6 लाख है, तो ये आ गई 6 लाख। उसके बाद ट्रस्ट को टोटल डोनेशन मिला है 20 लाख रुपए का, जिसके अंदर अननमस डोनेशन है 4 लाख एंड उसी के अंदर कॉर्पस है 5 लाख। ये 20 लाख का टोटल डोनेशन है, तो 20 लाख के टोटल डोनेशन में से तुम कॉर्पस वाला माइनस करोगे 5 लाख और अननमस 4 लाख है, तो तुमको पूरा 4 लाख माइनस करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वही वाला पोर्शन माइनस करने मिलेगा जो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कितना है, 3 लाख रुपए, क्योंकि तुमको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा, कैसे, हायर ऑफ 1 लाख और 5% ऑफ 20 लाख, ये भी 1 ही लाख आ रहा है। तो सिर्फ तुम यहां 3 लाख ही घटा पाओगे, बाकी अब तुम 12 और 6 18 कर दो, फिर 15% एक्यूमुलेट कर दो। तुम ट्रस्ट पर्पज के 10 लाख घटाए हो, किए हो खर्च, 10 लाख घटा दो। अब इस पे तुम स्लैब रेट का टैक्स लगा दो और बाकी देखो, बाकी जो तुम्हारा ऊपर 3 लाख घटा था यहां पे, वो उस पर नीचे तुम्हारा कितना लग जाएगा टैक्स, 30%, और इस पे पूरा तुम्हारा क्या लग जाएगा, स्लैब रेट 18,500, बाकी इससे जोर के टैक्स आ गया। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में तुमको पूरा फॉर्मेट के साथ बता रखा है कि टोटल डोनेशन में तुम्हारा कॉर्पस हो तो कॉर्पस हटाओ, टोटल डोनेशन में तुम्हारा अगर अननमस है तो अननमस पूरा नहीं घटेगा, देख लो तुम 4 की जगह 3 ही घट रहा है, और ऊपर भी 4 की जगह 3 घट रहा है, 7 की जगह 5.5 घट रहा है, 10 लाख की जगह 8 लाख घट रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन हायर है, 5% या 1 लाख। तो ये अब तुम सेल्फ कर लेना, हो चुका है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप व्हाट्सएप करें, डाउट पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास लेकिन जरूर देखना, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मैसेज मत करना सर अगली क्लास देखो कि नहीं देखो, जरूर देखना है, जरूर देखना है। पॉलिटिकल पार्टी का भी थोड़ा बताऊंगा। अब थोड़ा एक बार फटाफट लिख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, बन जाएंगे, सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब तो लिख चुके थे। सेट ए के कौन कौन से क्वेश्चन आपको अगली क्लास के पहले पहले कर लेने हैं। सर 12th एडिशन की बुक है आपके पास, पेज नंबर 7A.1 वॉल्यूम 1, कौन कौन से क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने हैं और बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, आंसर दिया हुआ है साथ साथ। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी, पूरा आज क्लास में विथ फॉर्मेट 2-2, 3-3 बार डिस्कस हो चुका है, सॉल्यूशन सबका साथ साथ दे रखा है, और ये सब क्लास में डिस्कस भी नहीं होगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा डाउट के लिए, अगर इन सब क्वेश्चन में डाउट है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, अगली क्लास में ये सब क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे। जो क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूं वो सब अगली क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। सेट बी होमवर्क, अगेन कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सॉल्यूशन सबका साथ साथ दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, काफी इजी इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, डन सर। ये सब क्वेश्चन आज जितना पढ़ाया है बन जाएंगे। बात मानिए, एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उससे बस एक घंटा हम लोग दूर हैं, यानी अगली क्लास एक घंटा जो बताऊंगा वो, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया है, बड़े बड़े, वो मैंने अभी रख लिए हैं, वो आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास देखो या यूट्यूब पे क्लास देखो, दोनों क्लास सेम है, विदाउट एनी एडिटिंग यूट्यूब पे है। अगर आप ये क्लास YouTube पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगली क्लास भी YouTube पे ही आने वाली है, पार्ट भी, ये समझ लो पार्ट ए। और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कहीं से भी इस क्लास को देखो, बराबर है, आप चाहे YouTube से देखो या सॉफ्टवेयर से देखो। कि सर हमने आपकी ये वाली क्लास YouTube से देखी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर से देखें? नहीं, पूरी 100% क्लास YouTube पे जा रही, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी कट। बाय-बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। कॉन्सेप्ट अगली क्लास में एक डेढ़ घंटे का है, लेकिन फिर एक डेढ़ घंटा हम सेट ए सेट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो ही अगली क्लास तुम्हारी 3-3.5 घंटे की हो जाएगी। बट डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पोर्शन है वो 1-1.5 घंटे का ही बचा है क्लास, अगली क्लास। बाकी 1-1.5 घंटे मैं आपका ही काम करूंगा, सेट ए सेट बी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ताकि तुम परेशान ही न रहो। बाय-बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।